हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू स्कैनर क्लासेस आई एम सी ए गौरव चुपड़ा एंड आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा पेपर नंबर थ्री दैट इज स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का जो ओवरऑल वेटेज है दैट इज 40 मार्क्स 40 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है और इस पूरे सब्जेक्ट में जो ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर्स है दैट इज नाइन चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर का ऑन एन एवरेज वेटेज देखा जाए तो एग्जाम में 40 में से नियर अबाउट थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी फोर भी आ सकते हैं कभी टू भी आ सकते हैं बट लगभग एक एवरेज हम मान के चलें तो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं अब ये चैप्टर कॉन्सेप्टुअली देखा जाए तो ज्यादा टफ नहीं है आसान है इजी चैप्टर है ठीक है तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है फिर उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी यूटिलिटी क्या है किस तरह से हम उसे यूज करते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इंडेक्स नंबर तो अब आपको साथ में क्या करना है अपनी नोटबुक्स लेनी है और जो डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं उसे वन बाय वन आपसे नोट कर लेना है और समझ लेना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर इज रेशियो इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज इंडेक्स नंबर क्या है एक रेशियो है या फिर रेशियो का एवरेज है विच च मेजर चेंज जो क्या मेजर करता है चेंज इन अवेरिएबल इन अवेरिएबल ओवर अ फिर ऑफ टाइम over a period of time. So this is the simple definition of index number. तो so, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये definition को note कर लेना है। और फिर हम समझेंगे ठीक है तो चलिए note down हो गया आपसे note down करने के बाद में सबसे पहला point जो आता है हमारे सामने वो यह है इंडेक्स नंबर क्या होता है इंडेक्स नंबर एक रेशियो है इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो रेशियो एक ratio है अब अगर कोई भी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो कम से कम कितनी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए तो इसका आंसर तो हमें पता है एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड कम से कम दो वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए तो वो कहां पे आएगी एक आती है न्यूमरेटर में और दूसरी आ जाएगी डिनोमिनेटर में तो कम से कम दो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए ठीक है अगर वैल्यूज मोर देन टू है अगर दो से ज्यादा वैल्यूज है तो क्या होगा तो एक रेशियो की बजाय बहुत सारे रेशियोज आ जाएंगे सिंगल रेशियो की बजाय क्या होगा मल्टीपल रेशियोज जो है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे और अगर इतने सारे रेशियोज आएंगे तो इंडेक्स नंबर कैसे आएगा तो उस उस केस में पॉइंट पे हमें क्या करना है रेशियोज का एवरेज लेना है सो इंडेक्स नंबर इज एन एवरेज ऑफ रेशियोज ये रेशियो का क्या है एवरेज है तो जहां बहुत सारे रेशियोज होंगे हमें उनका एवरेज लेना है उससे क्या पता चलेगा तो इट मेजर्स क्या मेजर करता है चेंज वो चेंज को मेजर करेगा चेंज का मतलब क्या होता है चेंज मींस वॉट चेंज का मतलब होगा या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज तो चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज किस में हो रहा है चेंज इन अ वेरिएबल एक वेरिएबल में चेंज होगा एक वेरिएबल में चेंज होगा। अब बात यह आती है वॉट इज वेरिएबल आखिर वेरिएबल होता क्या है हम किसे कहेंगे वेरिएबल तो चलिए सबसे पहले जो स्टूडेंट का आंसर आता है दैट इज एक्स वाई जेड किसी भी अल्फाबेट को हम कह सकते हैं वेरिएबल ठीक है तो चलिए अब अगर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन एक्चुअल मीनिंग को समझें कि वेरिएबल का आखिर मतलब है क्या एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज वेरिएबल ऐसी कोई भी चीज जिसे नंबर में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे वेरिएबल ओके okay? तो एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल उसे वेरिएबल कहा जाएगा तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से वेरिएबल को स्टडी करना है सो so, इस चैप्टर में हम थ्री वेरिएबल स्टडी करेंगे सबसे पहला आता है प्राइस फर्स्ट वन इज प्राइस प्राइस के बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटी को प्राइस के बाद में क्वांटिटी और जब पी एंड क्यू दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है वैल्यू थर्ड वन इज वैल्यू तो ये थ्री वेरिएबल्स है इस चैप्टर में जो हमें डिटेल में स्टडी करने हैं ओके okay? तो कौन कौन से हो गए प्राइस क्वांटिटी एंड वैल्यू सो इंडेक्स नंबर क्या मेजर कर रहा है रेशियो या एवरेज ऑफ रेशियो विच मेजर चेंज किसमें? इन अ वेरिएबल कब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ये टाइम पीरियड कैसा होगा ड इज नॉर्मली ईयरलीयरली डेटा हम कंसिडर करते हैं लाइक टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन एंड सोन तो इस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और एक रेशियो यानी कि इंडेक्स नंबर को फाइंड कर लिया जाता है ठीक है तो चलिए फिर एक बार गोथ्रू करते हैं इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एंड एवरेज ऑफ रेशियोज विच मेजर चेंज इन अ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें एटलीस्ट टू वैल्यूज रिक्वायर्ड है यानी कि हमें दो साल का कम से कम डेटा रिक्वायर्ड है अगर दो साल का डेटा नहीं है तो फिर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए दो साल का डेटा हमारे पास होना चाहिए फॉर कैल्कुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ओके okay? अब बात आती है ये टू ईयर्स कौन से होंगे ये दो साल कौन से होंगे जहां से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे तो ये दो साल है फर्स्ट वन इज बेस ईयर एंड सेकेंड वन इज नोन एज करंट ईयर तो ये टू ईयर्स का डेटा हमें रिक्वायर्ड है कौन सा वन इज द बेस ईयर एंड अदर वन इज करंट ईयर अब ये बेस ईयर क्या होता है तो चलिए बेस ईयर को समझते हैं बेस ईयर इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपैरिजन बेस ईयर क्या है अ स्टैंडर्ड पॉइंट किसके लिए फॉर कंपैरिजन बेस एक स्टैंडर्ड पॉइंट है कंपैरिजन के लिए जो कंपैरिजन करने के काम में आता है तो अगर हमें कोई भी इंडेक्स नंबर निकालना है तो एक प्राइस को एक वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो जिसके साथ में कंपैरिजन किया जाता है उसे हम कहेंगे बेस ईयर तो करंट ईयर क्या होगा द ईयर विच इज कंपेयर्ड विथ बेस ईयर इज नोन एज करंट ईयर ईयर विच इज कंपेयर विथ बेस ईयर ऐसा ईयर जिसका कंपेरिजन हम बेस ईयर के साथ में करते हैं उसे कहा जाएगा करंट ईयर ठीक है तो अभी तक हमको क्या समझ आया बेस ईयर का मतलब एक स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है और करंट ईयर क्या है जिस ईयर को हम बेस ईयर के साथ में कंपेयर करेंगे उस ईयर को कहा जाएगा करंट ईयर ठीक है अब आगे और डिस्कस करते हैं कि हमारा बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे होगा हमें किस ईयर को बेस माना है या बेस ईयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है बेस ईयर बेस ईयर कैसा होना चाहिए बेस ईयर मस्ट बी अ नॉर्मल ईयर बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए बेस ईयर मस्ट बी अ नॉर्मल ईयर अब ये नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है किस ईयर को हम कहेंगे ये नॉर्मल है कैसे पता लगेगा तो देखे नॉर्मल को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है तो हम इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं द ईयर विच इज नॉट अब नॉर्मल इज नोन एज द नॉर्मल ईयर ऐसा ईयर जो अब नॉर्मल नहीं है वो क्या बन जाएगा नॉर्मल ईयर तो उसको लिख देते हैं द ईयर विच इज नॉट अब नॉर्मल उसे कहा जाएगा नॉर्मल ईयर तो फिर अब नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा अब नॉर्मल को हम कैसे डिफाइन करेंगे अब नॉर्मल को कैसे डिफाइन किया जाएगा तो अब नॉर्मल का मतलब है ऐसा ईयर ऐसा ईयर जिसमें प्राइसेस या क्वांटिटीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन या फ्लक्चुएशन आ जाता है ऐसा ईयर जिसमें प्राइसेस या क्वांटिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन या फ्लक्चुएशन आता है उसे हम क्या कहेंगे ईयर। जैसे, अगर किसी ईयर में वॉर हो जाए वॉर के वक्त क्या होता है? कर्फ्यू लग जाता है एंड मार्केट में गुड्स की सप्लाई नहीं होती है एंड डिमांड बढ़ने लग जाती है तो उस वजह से मार्केट में ओवरऑल प्राइसिंग बढ़ने लग जाती है तो किसी भी अब फैक्टर की वजह से चाहे वो वॉर है फ्लड है अर्थक्वेक या और कोई रीजन तो किसी भी रीजन की वजह से अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाता है किसमें प्राइसेस में या क्वांटिटीज में तो हम उसे क्या मानेंगे अब नॉर्मल ईयर और अब नॉर्मल ईयर कभी भी बेस ईयर नहीं बन सकता अब नॉर्मल को हम बेस ईयर नहीं मानेंगे ओके, सो बेस ईयर कैसा होना चाहिए इट मस्ट बी नॉर्मल ईयर एंड नॉर्मल का मतलब जो अब नॉर्मल नहीं है ठीक है चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारा क्लास का रिजल्ट आया या क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हमारे मार्क्स देखते हैं हमारे परसेंटेज देखते हैं कि लाइक हमारे परसेंटेज कितने फॉर एग्जाम्पल हमारे मार्क्स आ गए एट जीरो परसेंट अब आपके पेरेंट्स ने भी आपसे मार्क्स पूछे आपने बता दी लेकिन जब बारी आती है आपके फ्रेंड्स की आपके पेरेंट्स ने आपके फ्रेंड्स के मार्क्स पूछे कि आपके फ्रेंड्स के कितने कितने मार्क्स आए तो उस वक्त हम क्या करते हैं हम हमारे ऐसे फ्रेंड्स के मार्क्स बताएंगे जिनके मार्क्स हमसे थोड़े कम हैं किसी के सेवेंटी एट है किसी के सेवेंटी फाइव है किसी के सिक्सटी भी है तो वो सारे फ्रेंड्स जिनके मार्क्स हमसे कम हैं उन सब की लिस्ट हम काउंट करवा देंगे बट अगर कोई फ्रेंड ऐसा है जिसके मार्क्स हमसे थोड़े ज्यादा है 82, 85 या 90 परसेंट उसे तो हम गलती से भी हमारे पेरेंट्स को नहीं बताते हैं पता है कि कुछ भी हो सकता है तो इसलिए हम कहीं बार इस तरह का कंपैरिजन करते हैं हमारा कंपैरिजन हमसे हमारे से जो नीचे है उन फ्रेंड के साथ हम कर लेते हैं तो दिस इज नोन एज अब कंपैरिजन तो हमें अब नहीं ऑलवेज नॉर्मल के साथ में कंपेरिजन करना है ओके चलिए पॉइंट बेस ईयर कैसा होना चाहिए बेस ईयर मस्ट बी अ रीसेंट ईयर बेस ईयर एक रीसेंट ईयर होना चाहिए यानी कि ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए लाइक like, हम 2015 की प्राइसेस को 1955 की प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं 2015 के प्राइस को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 1955 की प्राइसिंग से साठ साल पुरानी प्राइस से हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा कंपैरिजन क्या है यूजलेस है वेस्टेज है क्योंकि उससे कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकल सकता है कि लाइक अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं गोल्ड की प्राइस फॉर टेन ग्राम्स इज थर्टी थाउजेंड उस वक्त हमने कहा उस वक्त थी वन रुपीस। तो इससे हम कोई प्रॉपर कंक्लूजन प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल निकाल पाएंगे तो सिमिलरली हमें क्या करना है हमें ध्यान रखना है कंपैरिजन ऑलवेज रीसेंट ईयर से होना चाहिए यानी कि 2015 का कंपैरिजन करना है तो 14 से करें 13 12 11 इसके साथ में कंपैरिजन होना चाहिए ओके तो उससे क्या होगा एक प्रॉपर ट्रेंड वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे वैल्यू किस तरह से इंक्रीज हो रही है या किस तरह से डिक्रीज हो रही है तो वो पैटर्न पूरा हमें समझ में आएगा ठीक है और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें इस तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक आपके मार्क्स आ गए 80 परसेंट लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि आपके फ्रेंड्स के मार्क्स तो आपसे बेटर है तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी क्यों है तो अब आप लोगों ने क्या किया अपना कंपैरिजन अपने पेरेंट्स के साथ में कर लिया कि आपके तो 60 परसेंट ही थे मेरे तो 80 परसेंट आपसे ज्यादा है तो हमें ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है बिकॉज वो टाइम पीरियड अलग था और ये टाइम पीरियड डिफरेंट है बहुत सारे सिनारियो चेंज हो जाते हैं तो हम वो कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं वो यूजलेस है फाइन सो बेस ईयर कैसा होना चाहिए इट मस्ट बी अ नॉर्मल ईयर एंड इट मस्ट बी अ रिसेंट ईयर अब बात आती है नोटेशन की हम प्राइस को कैसे लिखेंगे क्वांटिटी को कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइस अगर प्राइस हमें लिखनी है किसकी बेस ईयर की तो उसे लिखा जाएगा P0. P जीरो P इज फॉर प्राइस एंड जीरो इज फॉर बेस ईयर कहीं भी बेस ईयर है हमें क्या लगाना है जीरो प्राइस के लिए हम क्या लिख रहे हैं पी सिमिलरली अगर करंट ईयर की प्राइस लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे पी वन करंट ईयर के लिए वन यूज किया जाता है और वन की बजाय हम और क्या यूज कर सकते हैं एन वी कैन ऑल्सो राइट पी एन एक ही बात है वन एंड द सेम थिंग सो करंट ईयर के लिए वन या फिर एन का यूज हो सकता है बेस ईयर के लिए यूज होता है जीरो सिमिलरली क्वांटिटी अगर हमने लिखना है बेस ईयर के लिए तो लिखेंगे Q0 जीरो एंड अगर प्राइस हमें अगर क्वांटिटी हमें लिखनी है फॉर करंट ईयर तो लिखा जाएगा Q1 वन देन वैल्यू वैल्यू अगर लिखना है फॉर बेस ईयर तो V0 एंड वैल्यू फॉर करंट ईयर इज V1 ठीक है ये हो गए हमारे नोटेशन इस तरीके से हम इन्हें लिखेंगे अब बता रही है इंडेक्स नंबर हम किसके लिए फाइंड करते हैं फॉर बेस ईयर या फॉर करंट ईयर तो बेस ईयर जैसा कि हमने पढ़ा है एक स्टैंडर्ड पॉइंट है तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा फिक्स होता है बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा से फिक्स है और वो कितना है हंड्रेड तो लिख लेते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज हंड्रेड इंडेक्स नंबर हमेशा कितना लिया जाएगा हंड्रेड ये फिक्स है बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ये ऑलवेज होगा हंड्रेड तो हमें किसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है करंट ईयर का हमेशा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है ओके okay? ये तो लिखा हमने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और क्या लिख सकते हैं हम इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इंडेक्स नंबर इज expressed in terms of percentage. Index number हमेशा percentage की terms में लिखा जाता है Index number जो भी होगा वो always आएगा in terms of percentage. Okay? So, यहां तक अभी तक जो भी हम पार्ट कर रहे हैं ये सारा बेसिक है जो कि बहुत जरूरी है इस पूरे चैप्टर के लिए ठीक है तो हमने बेस ईयर को पढ़ लिया और करंट ईयर को पढ़ लिया अब बात आ रही है इंडेक्स नंबर की तो इंडेक्स नंबर चैप्टर में हमें कौन कौन से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं सबसे पहला आता है प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर सेकेंड हम करेंगे कौन सा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड थर्ड विल बी वैल्यू इंडेक्स नंबर वैल्यू कैसे आता है प्राइस इंटू क्वांटिटी जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है वैल्यू ओके okay? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इंडेक्स के बारे में प्राइस इंडेक्स हमने लिखा P01। अब इस P01 का मीनिंग क्या है यह हम समझते हैं 01, वन जहां पर जीरो मीन बेस ईयर और वन का मतलब है करंट ईयर तो इसको हम रीड कैसे करते हैं वन ऑन जीरो वन ऑन जीरो तो इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा P1 upon P0. P1 upon P0. P1 का मतलब क्या हुआ प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय P0. P0 का मीनिंग है प्राइस ऑफ बेस ईयर तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर ये हम किसे कहेंगे P01 को अगर पूछा जाए वॉट इज P10 तो इसे हम क्या कहेंगे जीरो ऑन वन जीरो ऑन वन जीरो वन के ऊपर है तो इस बार न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा P0 अपॉन में आ जाएगा P1 P1 पी वन सो इस बार न्यूमरेटर में प्राइस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ करेंट ईयर बेस ईयर अपॉन करंट ईयर ओके अब अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर हमेशा एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो हमने मल्टीप्लाई किया हंड्रेड से सो पी वन अपऑन पी जीरो इंटू हंड्रेड ये बन गया हमारा एक बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड फाइन ये है प्राइस इंडेक्स नंबर अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं ये समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमें गिवन है ईयर 2013, 14 एंड 15 प्राइस प्राइस इज रुपीज टेन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन ये हमें दे रखी है प्राइस फाइंड आउट क्या करना है इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि बेस ईयर कौन सा है कुछ भी गिवन नहीं है तो जो सबसे पहला ईयर है फर्स्ट ईयर है उसे हम क्या कहेंगे बेस ईयर तो इस गिवन केस में बेस ईयर इज 2013 2013 को हम क्या कह रहे हैं बेस ईयर एंड इस 2013 की प्राइस इसे क्या कहा जाएगा P0 जीरो प्राइस ऑफ बेस ईयर 10 क्या है प्राइस ऑफ बेस ईयर इत आ रही इंडेक्स नंबर की तो 2013 का इंडेक्स क्या लिखेंगे तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज हंड्रेड ये तो फिक्स हो गया कितना 100 2013 के लिए अब बात आ रही है 14 की तो 14 14 का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट होगा हमें कंपेयर करना है इसको बेस ईयर के साथ में तो जिस ईयर का इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट करते हैं उसे कहा जाएगा करंट ईयर तो 14 है हमारा करंट ईयर और करंट ईयर की प्राइस को हम कहेंगे P1 तो P1 कितना है 12 तो अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं P1 12 अपॉन P0 10 टेन इंटू हंड्रेड कितना आ जाएगा 120 120 दिस इज द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2014 सिमिलरली 2015 का हमें फाइंड आउट करना है तो 15 इस बार क्या है करंट ईयर एंड करंट ईयर की प्राइस कितनी हो गई 15। अब इस 15 का कंपैरिजन हमें करना है किससे करेंगे 12 के साथ या 10 के साथ ऑलवेज बेस ईयर के साथ ही होगा कंपैरिजन। तो बेस ईयर की प्राइस हमें गिवन है 10। तो 15 अपॉन टेन इंटू हंड्रेड कितना आएगा 1150। तो ये आ गया हमारा इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015। ओके okay? एक और ईयर हम लिख देते हैं 2016। इस बार प्राइस है रुपीज नाइन अगर प्राइस नाइन रुपीज है अब इंडेक्स नंबर कैसे आएगा तो फिर से वही फर्मला नाइन विच इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस इेन इंटू हंड्रेड सो आंसर इज 90. इंडेक्स नंबर आ गया 90. ओके okay. अब यहां से हमें यह समझना है इंडेक्स नंबर रिफ्लेक्ट क्या करता है हमें क्या बताना चाह रहा है तो 2013 का इंडेक्स है 100 एंड 2014 का इंडेक्स है 120. तो कितना चेंज हुआ है हमें यह देखना है वॉट इज द चेंज इनमें चेंज कितना हुआ है तो चेंज इज ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट से प्राइसेस इंक्रीज हुई है तो जब इंडेक्स नंबर बढ़ता है यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होती है बढ़ती है तो प्राइसेस इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट जब इंडेक्स नंबर वन फिफ्टी हो गया तब तो हम क्या बोलेंगे प्राइसेस कितनी राइज हो रही है थर्टी परसेंट या फिफ्टी परसेंट सोच के बताइए प्राइसेस कितनी राइज हुई है थर्टी परसेंट या फिफ्टी परसेंट करेक्ट आंसर इज 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट क्यों क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है ऑलवेज बेस ईयर के साथ में 100 से कंपेयर करेंगे 120 से कंपैरिजन नहीं होगा सो so 2015 में ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई बाय 50 परसेंट एंड 2016 तो 16 का भी कंपैरिजन होगा 2013 के साथ में या हम कहेंगे प्राइसेस कम हुई है बाय टेन परसेंट महंगाई कम हो गई कितने से टेन परसेंट से तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है फाइन तो अभी सिर्फ हमने बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व किया है आगे जाके हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे ओके okay? चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक फंडा है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए ईयर 2014 एंड प्राइस इज रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड 2016 30, 2017 28. ये सारी प्राइस हमें गिवन है आपको क्या करना है सिंपली इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो चलिए ट्राई करके बताएं। क्या होगा और बेस ईयर कुछ नहीं गिवन है तो 2014 थाउजेंड फोर्टीन इज द बेस ईयर तो 2014 की के प्राइस को हम कहेंगे प्राइस ऑफ बेस ईयर पी जीरो चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लें अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो अब तक आपने ये तारो फिगर्स कैलकुलेट कर लिए होंगे कोशिश करके आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ानी है इंप्रूव करनी है और कैसे इंप्रूवमेंट होगा वो हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे चलिए 2014, 14 का इंडेक्स नंबर कितना गया है? क्योंकि 14 है हमारा बेस ईयर और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर फिक्स है दैट इज ऑलवेज हंड्रेड. 2015 करंट ईयर की प्राइस 22 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 20 इनटू हंड्रेड कितना 110. नाउ 2016 प्राइस है 30 अपॉन 20 इनटू हंड्रेड 1 50 एंड लास्ट 28 एट अपॉन ट्वेंटी 100 हंड्रेड वन तो ये हो गए इंडेक्स नंबर ओके okay? तो ये सब हमने फाइंड आउट किया है P01 प्राइस इंडेक्स नंबर तो P10 का क्या यूज है P10 का यूज बहुत लिमिटेड है इसका यूज बहुत लिमिटेड होता है कहां पर होता है फॉर टेस्टिंग अभी टेस्टिंग क्या चीज है ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के मिडिल पोर्शन में अभी हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो अभी हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है P01 का यूज तो हमें करना है बट P10 का यूज अभी हम नहीं करेंगे उसे आगे वाले पार्ट में डिस्कस किया जाएगा ओके सो इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया अब बात आती है इंडेक्स नंबर में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज तो जैसे ही हमने वर्ड पढ़ा एवरेज तो हमारे माइंड में क्या आ सकता है कौन सा एवरेज लेना है बिकॉज एवरेज बहुत तरह के होते हैं मीन मीडियन मोड एंड मीन को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तो कौन सा एवरेज हमें कंसिडर करना है और उसके ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है तो इंपॉर्टेंट है याद रखना है हमें तो एवरेज दो एवरेज हम ज्यादातर काम में लेते हैं अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के यूजेस क्या है एप्लीकेशन क्या है ज्योमेट्रिक मीन काम में आता है व्हेन देयर इज परसेंटेज चेंज अगर कहीं भी हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है लाइक परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन परसेंटेज डिक्रीज इन परचेस एंडसो ऑन तो कहीं भी हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है हम यूज करेंगे जोमेट्रिकमिंग एंड ऑल्सो फॉर रेशियोज अगर कहीं भी रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो गेन हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को ठीक है तो इंडेक्स नंबर क्या है इंडेक्स नंबर इज रेशियो और रेशियो के लिए बेस्ट एवरेज किसे माना जाएगा ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट एवरेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज वो है ज्योमेट्रिक मीन लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है हमें उसमें लोगरेथम यूज करना पड़ता है वापस एंटी लॉग यूज करना है तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में पूछा जाए तो फिर हम किसे काम में लेते हैं अर्थमेटिक मीन को सो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली वी यूज अर्थमेटिक मीन प्रैक्टिकली अर्थमेटिक मीन काम में आता है ओके okay? सो so, दो क्वेश्चन यहां पे बन गए एवरेज कौन सा काम में लेना है बेस्ट पूछा जाए तो ज्योमेट्रिक मीन प्रैक्टिकल लाइफ में पूछा जाए तो अर्थमेटिक मीन बट कहीं बार क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आता है जो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर देता है लाइक विच एवरेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडेक्स नंबर कौन सा एवरेज सूटेबल है अब सूटेबल का मतलब हमें क्या समझना है बेस्ट होता है या जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम काम में लेते हैं उसे कहेंगे तो सूटेबल का मीनिंग आपको ये लेना है जो चीज बेस्ट है वो सबसे ज्यादा हमें सूट करती है तो इसलिए जहां भी सूटेबिलिटी का पॉइंट आएगा वहां पर हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज यूज जीएम को हम यूज करेंगे ओके okay? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर तो मैथड कौन कौन से होते हैं देर आर टू मेन मैथड्स फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज वेटेड सिंपल मैथड कब काम में लेना चाहिए जहां पर एक ही वेरिएबल है एक ही कमोडिटी है तो हम ऑलवेज यूज करेंगे सिंपल मैथड बट जहां पर मोर देन वन कमोडिटीज है अलग अलग कमोडिटीज़ है तो ऐसे केस में क्या होगा तो ऐसे केस में हमें यूज करना चाहिए वेटेड मेथड। लाइक अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें हमें क्या गिवन था प्राइसेस ऑफ डिफरेंट ईयर्स। लेकिन कमोडिटी एक ही थी सिंगल कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस गिवन थी बट अगर मल्टीपल कमोडिटीज है विद मल्टीपल ईयर्स तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे लाइक like हमें गिवन है ट राइस एंड बाजरा ये थ्री डिफरेंट कमोडिटीज है अब इनकी अलग अलग प्राइसेज हमें गिवेन है टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन में अब कुछ भी जो भी इनकी प्राइसेज है वो गिवेन है अब इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे सिंपल मैथड या वेटेड मैथड तो देखें अप्लाई तो हम दोनों कर सकते हैं सिंपल एज वेल एज वेटेड लेकिन बेटर कौन सा है तो सबसे पहले अगर हम सिंपल को समझें तो सिंपल मेथड में इन तीनों कमोडिटी की इंपॉर्टेंस इक्वल मान ली जाती है बाय डिफॉल्ट तीनों की जो इंपॉर्टेंस है वो सेम हो जाती है तो सिंपल मेथड ऐसा ज्यूम कर लेता है हम इन तीनों को ऑलवेज इक्वल क्वांटिटी में यूज करते हैं सिंपल मेथड क्या ज्यूम करता है हम इन तीनों को एक ही रेशियो में इक्वल रेशियो में यूज करेंगे लेकिन वेटेड मेथड हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है लाइक like, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ज्यादा कंजम्पशन किसका होगा वीट राइस या बाजरा वैसे तो ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट अगर मेजोरिटी देखा जाए कि लाइक अगर हमें टेन में से स्कोर देना है तो किसको कितना वेट हम असाइन करेंगे तो इसमें हो सकता है हमारा वेट वीट को जाए सेवन राइस के लिए टू एंड बाजरा के लिए वन बट ये फिक्स नहीं है ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा लेकिन अगर हम साउथ की बात करें साउथ क्या वहां पर भी कुछ ऐसा ही वेट होगा नहीं साउथ में राइस को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है तो वहां एट है बाजरा शायद वहां उन्हें पसंद नहीं है अवेलेबल नहीं है या फिर डाइजेस्ट नहीं होता और बात आती है वीट की तो वीट का वेट हो गया टू तो अब क्योंकि सबके वेट्स अलग अलग है तो इंडेक्स नंबर डिफर करेगा तो ऐसे केस में सिंपल मेथड ने तो इक्वल अज्यूम कर लिया था बट उससे आंसर नहीं आएगा तो ऑलवेज हमें क्या करना है वेटेड मेथड को यूज करना है वेट इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटी किस कमोडिटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो हमें वेट बताता है ठीक है तो अभी सिर्फ हमें इसको थ्योरिटिकली डिस्कस किया है आगे जाके हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे ठीक है सो मैथड में वन इज सिंपल एंड अदर वन इज वेटेड दोनों के कंपैरिजन में वेटेड मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है बेटर है ओके चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तक जो हमने पार्ट डिस्कस किया है उसे एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने आज क्या डिस्कस किया है इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो एन एवरेज ऑफ रेशियोज विच मेजर चेंज इन अ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड वन इज फॉर बेस ईयर एंड सेकेंड करेंट ईयर बेस ईयर क्या होता है बेस ईयर इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट किसके लिए फॉर कंपेरिजन एंड करंट ईयर क्या होगा द ईयर इच इज कंपेयर विद बेस ईयर इज नोन एज करंट ईयर फिर हमने पढ़ा बेस ईयर कैसा होना चाहिए बेस ईयर मस्ट बी अ नॉर्मल ईयर बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है नॉर्मल मीन्स जो अब नॉर्मल ना हो विच इज नॉट अब नॉर्मल तो अब नॉर्मल कैसे डिफाइन होता है द ईयर विच इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉर फ्लड फेमाइंस अगर कोई ईयर अफेक्ट हो गया वॉर फ्लड फेमाइन से तो उसे कह देंगे अब नॉर्मल ईयर और अब नॉर्मल ईयर को कभी भी बेस ईयर नहीं लिया जाता वन रीसेंट ईयर कंपैरिजन हमेशा रीसेंट से करना है बहुत ज्यादा पुराने ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं करना है अब रीसेंट का मीनिंग क्या होगा थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स या टेन ईयर्स ये कुछ भी फिक्स नहीं है इट कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस ओके फिर बात आती है नोटेशन की प्राइस ऑफ बेस ईयर कैसे लिखा जाएगा पी जीरो प्राइस ऑफ करंट ईयर पी वन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर क्यू जीरो फॉर करंट ईयर क्यू वन वैल्यू वी जीरो एंड वी वन इस तरीके से हम लिखेंगे देन इंडेक्स नंबर किसका फाइंड करना है बेस ईयर का या करंट ईयर का करंट ईयर का तो बेस इंडेक्स नंबर ऑलवेज हंड्रेड होता है इट इज फिक्स तो बेस ईयर का हर जगह कहीं भी वर्ड लिखा है बेस ईयर तो हम इंडेक्स नंबर लिख देंगे हंड्रेड इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमेशा ये परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट होगा ओके okay? फिर हमने पढ़ा P01 को P01 का मतलब क्या होता है वन ऑन जीरो न्यूमरेटर में कौन आ रहा है वन एंड डिनोमिनेटर में जीरो तो फॉर्मूले की टर्म्स में क्या लिखा जाएगा पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एंड फिर हमने पढ़ा पी वन जीरो वन जीरो का मतलब क्या है जीरो ऑन वन तो न्यूमरेटर में आएगा जीरो एंड डिनोमिनेटर में आएगा वन सो पी जीरो अपॉन पी वन बट इसका यूज हमें आगे करना है टेस्टिंग के लिए। फिर हमने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इसके ऊपर और फिर हमने डिस्कस किया एवरेज इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट एवरेज कौन सा है ज्योमेट्रिक मीन बट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन को फिर बात आती है मेथड्स की तो सिंपल एंड वेटेड दोनों मेथड अवेलेबल हैं सिंपल मेथड कम यूज होगा जब सिंगल वेरिएबल है बट जहां पर मोर देन वन वेरिएबल है तो ऐसे केस में इट इज बेटर टू यूज वेटेड मेथड। एंड वेट्स क्या शो करते हैं वेट शोज इंपॉर्टेंस ऑफ कमोरिटी कौन सी कमोडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें वेट शो कर देते थे हैं ठीक है तो अभी हमने सारा बेसिक पार्ट किया है इंडेक्स नंबर का इसको आप फिर से एक बार थ्रू करें और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ नए फॉर्मुलस नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे ओके सो टिल देन बाय-बाय टेक केयर सी यू सोन। हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं आप लोग फाइन चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर टू। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर का एक बेसिक पार्ट तो सबसे पहले हम उसे फटाफट से रिकॉल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ओके तो हमें रिकॉल करना है फ्रॉम द नोट्स तो नोट्स का अपना पेज नंबर फर्स्ट निकाल लें इस चैप्टर का इंडेक्स नंबर का और सीधा हम चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे तो इंडेक्स नंबर के लिए हमने क्या पढ़ा था इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो इंडेक्स नंबर एक रेशियो है और एवरेज ऑफ रेशियोज अगर बहुत सारे रेशियोज है तो उसका एवरेज भी है विच मेजर्स चेंज क्या मेजर करता है ये चेंज को मेजर करता है किस में इन वेरिएबल इन अ वेरिएबल और टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड एक वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में और दूसरी वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में अगर दो से ज्यादा वैल्यूज हुई तो रेशियोज भी क्या होंगे मोर देन वन होंगे तो ऐसे केस में हमें क्या करना है उन सारे रेशियोस का एवरेज लेना है और उससे क्या पता लगेगा चेंज चेंज का मतलब है इंक्रीज या फिर डिक्रीज किसमें वेरिएबल में और इस चैप्टर में कौन कौन सी वेरिएबल हमें पढ़ने हैं प्राइस क्वांटिटी एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ओके चलिए फिर हमने पढ़ा इंडेक्स नंबर क्या होता है इट इज यूनिट फ्री मेजर इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगता है इट इज सिंपली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यह परसेंटेज की टर्म्स में लिखा जाता है देन जो अभी हमने पढ़ा टू और मोर टाइम पीरियड्स आर तो उसमें सबसे पहला टाइम पीरियड कौन सा होता है वन इज द बेस टाइम पीरियड एंड अदर वन इज नोन एज द करंट टाइम पीरियड तो बेस ईयर का मतलब क्या होता है बेस ईयर सिंपली अ स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपेरिजन बेस ईयर यूज़ आता है कंपेयर करने के लिए तो अगर कहीं भी हमें कंपेरिजन करना है तो सिंपली क्या करेंगे बेस ईयर के साथ में कंपेयर करते हैं देन करंट ईयर क्या हुआ द ईयर विच इज कंपेयर विद बेस ईयर जिस ईयर की तुलना बेस ईयर से आधार वर्ष से की जाएगी उसे हम क्या कहते हैं करंट ईयर देन बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे करना है हम ही को करना है बट वो बेस ईयर कैसा होना चाहिए उसके फीचर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो इसमें हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं फर्स्ट वन इज बेस ईयर मस्ट बी अ नॉर्मल ईयर बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है विच इज नॉट अब नॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है उसे नॉर्मल कहा जा सकता है तो फिर अब नॉर्मल को हम कैसे डिफाइन करेंगे अब नॉर्मल का मतलब हुआ ऐसा ईयर जिसमें प्राइसेस क्वानिटीज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है ऐसा ईयर जिसमें प्राइस और क्वांटिटी में ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है और किस वजह से ऐसा होता है ड्यू टू सम कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक फ्लड वॉर और एनी अदर सर्कमस्टांसिस कारणवश अगर कीमत में प्राइस में क्वांटिटी में ज्यादा वेरिएशन हो गया तो हम उसे कहेंगे अब नॉर्मल ईयर और अब नॉर्मल ईयर को बेस ईयर नहीं माना जा सकता ओके चलिए सेकंड नंबर पॉइंट हमने डिस्कस किया था इट मस्ट बी रीसेंट ईयर ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कंपैरिज़न हमें रीसेंट ईयर से ही करना है और रीसेंट का मतलब कुछ फिक्स नहीं है डिफाइन नहीं है तीन साल पांच साल और इवन दस साल टेन ईयर्स तक भी वो हो सकता है तो इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस ओके फिर हम ना, हमारी बात आती है इंडेक्स नंबर ऑफ बेस इंडेक्स नंबर तो फिक्स होता है कितना हंड्रेड इट इज यूनिवर्सल कहीं भी बेस ईयर है तो इंडेक्स नंबर क्या लिखना है हंड्रेड तो किसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट होगा करंट ईयर का ऑलवेज करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है चलिए पॉइंट नंबर फाइव भी हमने कवर कर लिया देन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर के टाइप्स क्या क्या है इट कैन बी प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स एंड सब अदर इंडेक्सेस अदर में बहुत सारे इंडेक्सेस हो सकते हैं जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख रखे हैं रियल वेजेस इंडेक्स प्रॉफिट इंडेक्स अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स तो हर एक इंडेक्स का अलग पर्पस होता है प्राइस इंडेक्स हमें क्या बताएगा कि प्राइसेस कितनी बढ़ रही है महंगाई कितनी बढ़ रही है क्वांटिटी इंडेक्स हमें क्या बता सकता है मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है सप्लाई या प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ है या डिक्रीज है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स तो ये इंडेक्स हमें सिग्निफाई करता है सिमिलरली वेजेस वेज रेट पहले से कितनी चेंज हुई है अनएम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आया है तो ये सारे इंडेक्सेस अलग अलग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं तो हमें मेनली थ्री इंडेक्सेस स्टडी करने हैं इस चैप्टर में प्राइस इंडेक्स क्वानिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन क्या लिखा है वेट वेट क्या शो करता है वेट शोज रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटी जितनी भी कमोडिटी है उनमें से किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है किसकी इम्पोर्टेंस कम है ये कौन बताएगा वेट बताएगा तो अगर वेट में कोई नंबर बड़ा है मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी का वेट कम है कोई नंबर कम लिखा है तो वो कम इम्पोर्टेंट माना जाएगा सो so, weight plays an important role in construction of index number and it differs from person to पर्सन तो हर पर्सन के लिए हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस अलग होती है ओके okay? अब बात आती है एवरेज की इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा एवरेज सुटेबल है तो अगर बेस्ट पूछा जाता है तो हम ऑलवेज आंसर करेंगे ज्योमेट्रिक मीन बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन इज द एवरेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज ज्योमेट्रिक मीन रेशियो निकालने के लिए काम में आता है और इंडेक्स नंबर क्या है एक रेशियो है तो मीन इज द बेस्ट एवरेज लेकिन अगर पूछा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन डिफिकल्ट है तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास तो उस केस में हम अर्थमेटिक मीन को यूज लेते हैं सो इन प्रैक्टिस अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर नाइन में क्या लिखा है इंडेक्स नंबर हेल्प ऑफ सैंपल इंडेक्स नंबर सैंपल की हेल्प से कैलकुलेट होता है अब ये सैंपल से आया सैंपल का मतलब क्या है जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो उन कुछ ऑब्जर्वेशंस से हमें सेलेक्ट करने होते हैं लाइक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले ताकि हम सैम्पलिंग को समझें सैम्पल को समझें और फिर इस पॉइंट पे आएंगे जैसे अगर हमें कहा है हमें पूरे स्टेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास टेंथ के मार्क्स का एवरेज रिक्वायर्ड है पूरे स्टेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास टेंथ के मार्क्स का हमें एवरेज चाहिए अब अगर हमें एवरेज निकालना है तो पहले सबका डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा सो इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली वेरी लेबरियस बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा हम करेंगे तब तक तो कितने ही महीने बीत सकते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे हम अलग अलग प्लेसेस पे जाके कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे जैसे अगर वन लैख स्टूडेंट्स हैं तो हमने वन लैख में से फाइव हंड्रेड या थाउजेंड स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लिया और उससे क्या निकाल लेंगे एवरेज और वो जो एवरेज निकलेगा उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि ये पूरे स्टेट का एवरेज है तो so सिंपली अब ये बात अलग है कि वो सैंपल कितना एक्यूरेट है या नहीं है वो डिफरेंट डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एज अ स्टूडेंट हमें सैंपलिंग का यूज करना होगा और वो कब होगा जब हम आर्टिकल शिप करेंगे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे ऑडिट करेंगे तब हमें सैंपलिंग का यूज समझ में आएगा ओके okay? और इवन देखा जाए तो डॉक्टर्स भी सैंपल लेते हैं वो भी उसी पे रिलाई करते हैं अब डॉक्टर्स क्यों सैंपल लेते हैं डॉक्टर्स कैसे सैंपल ले रहे हैं तो जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए फॉर द ब्लड टेस्ट कि अगर हमारे कोई बीमारी है उसका हमें ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड टेस्ट करवाना है दो ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन तो क्या कि बॉडी में से पूरा की पूरा के ब्लड निकाल हम डॉक्टर को को दे दें कि कि अभी ले लो शाम को वापस डाल देना ये तरीका वे क्या है नहीं पूरा ब्लड तो हम नहीं दे सकते पांच एम एल दस एम एल ब्लड हमने दे दिया और उसमें से टेस्टिंग हो जाएगी तो क्या फर्स्ट मेथड पॉसिबल है नो फर्स्ट मेथड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल अगर सारा ब्लड निकाल दिया तो हम लाइव नहीं रह पाएंगे और सेकंड में क्या हो रहा है कि एक सैंपल निकाला ब्लड का उस सैंपल में उस सैंपल में अगर कोई नेगेटिव चीज डॉक्टर को मिलती है अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है दैट मींस हमारे अंदर जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड है अगर सैंपल में प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर वाले ब्लड में भी प्रॉब्लम है अगर सैंपल एरर फ्री है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बिल्कुल ओके okay हैं परफेक्ट है तो उस सैंपल के बेसिस पे ही हम डिसीजंस लेते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही है इंडेक्स नंबर जब हमें कैलकुलेट करना है तो पूरे साल में बहुत बार प्राइसेस चेंज होती है फ्लक्चुएट होती है तो ऐसे किस में हम क्या करेंगे तो हम रैंडमली या कोई भी प्राइस जो है सेलेक्ट कर सकते हैं ओके okay? क्योंकि हर प्राइस पे इंडेक्स नंबर नहीं निकाला जा सकता इट इज नॉट पॉसिबल तो हमें पहले प्राइस फिक्स करनी है और फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर निकाला जाता है ओके okay? तो इन शॉर्ट हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है सिर्फ यह लाइन हमें पता होनी चाहिए कि इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड विद हेल्प ऑफ सैंपल चलिए नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट नंबर टेन पे इंडेक्स नंबर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टू मेथड्स नाउ देर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज नोन एज वेटेड सिंपल मेथड एंड वेटेड मेथड सिंपल को हम और क्या कह सकते हैं सिंपल इज ऑल्सो नोन एज अनवेटेड जिसमें कोई वेट नहीं होता सिंपल ऑल्सो नोन एज अनवेटेड एंड सेकेंड वन इज वेटेड अब इन दोनों मेथड्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज हैं जो हमें स्टडी करने हैं सबसे पहला मेथड कौन सा आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकेंड वन विल बी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। शॉर्ट में याद रख सकते हैं प्राइस रिलेटिव मेथड। यही दोनों फॉर्मलेज यही दोनों टाइप्स वेटेड के अंदर भी है वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड ओके तो ये हो गए हमारे मैथड अब इनके फॉर्मुलेस को डिस्कस करने से पहले अभी तक का जो पार्ट है अभी तक के जो क्वेश्चन है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ओके okay? तो आ जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डैश प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स नंबर के लिए क्या जरूरी है इन चार में से वेट क्लासेस एस्टिमेशन या नन तो so, अभी हमने डिस्कस किया है आंसर इज वेट्स तो वेट प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं पी जीरो वन इज द इंडेक्स फॉर टाइम पी जीरो वन हमने क्या पढ़ा था जीरो वन तो वन ऑन जीरो वन ऑन जीरो तो न्यूमरेटर में कौन आएगा पी वन एंड डिनोमिनेटर में पी जीरो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके सो इसे क्या लिखा जा रहा है वन ऑन जीरो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट थर्ड पी वन जीरो वन जीरो इज द इंडेक्स फॉर टाइम तो वन जीरो को क्या लिखा जाएगा जीरो ऑन वन सो न्यूमिनेटर में होगा पी जीरो एंड डिनोमिनेटर में पी वन सो जीरो ऑन वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर द बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ट पूछा गया है और बेस्ट के लिए आंसर करेंगे ज्योमेट्रिक मीन देन क्वेश्चन नंबर फाइव इफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट अ प्लेस इन 2014 इज 250। 2014 में हमें क्या दे रखी है हमें दे रखा है इंडेक्स नंबर तो ईयर 14 एंड इंडेक्स नंबर इज टू फिफ्टी विद टू थाउजेंड फोर एज दिखा टू थाउजेंड फोर और बेस इन इंडेक्स नंबर में लिखा जाएगा हंड्रेड दीज ऑन एन एवरेज बाय अब बताना क्या है प्राइसेस कितने से राइज हो गई है पहले इंडेक्स हंड्रेड था अभी टू फिफ्टी हो गया तो चेंज चेंज हुआ है बाय वन हंड्रेड एंड फिफ्टी B, 150 का चेंज हुआ है इतनी प्राइसेस इंक्रीज हो गई नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इफ ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस हैव डिक्रीज थर्टी फाइव परसेंट ओवर बेस पीरियड प्राइसेस क्वेश्चन अभी तक क्या बताया है बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस थर्टी फाइव परसेंट कम हुई है डिक्रीज हुई है देन इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेज ऑफ दैट प्लेस इज नाउ तो फिर अभी इंडेक्स नंबर इतना है ये बताओ तो पहले हम क्या लिखेंगे हमारा बेस ईयर, पहले हमने लिखा बेस ईयर का इंडेक्स हंड्रेड अब कितना डाउनफॉल हुआ है थर्टी फाइव परसेंट तो पीछे रिमेनिंग कितना है सिक्सटी फाइव सो दिस इज द करंट इंडेक्स नंबर ऑप्शन नंबर सी सिक्सटी फाइव नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेवन द प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री इन सर्टेन ईयर हैज इंक्रीज 25% परसेंट ओवर द बेस पीरियड तो बेस पीरियड के कंपैरिजन में 25 प्रतिशत से 25% परसेंट से क्या होगी प्राइस बढ़ गई तो इंडेक्स नंबर क्या होगा तो बेस ईयर हमने लिखा हंड्रेड इंक्रीज हुआ ट्वेंटी फाइव परसेंट सो टोटल इज वन ट्वेंटी फाइव सो दिस इज द इंडेक्स नंबर वन ओके तो अभी तक का जो हमारा बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया था उस पर क्वेश्चन सब कर चुके हैं अब हम आते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पे तो लगा दीजिए आपकी नोटबुक में हेडिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अभी तक का जो हमारा फॉर्मूला था फॉर सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल फॉर्मूला अभी तक कह दें जो हमने पढ़ा है दैट इज पी वन अप पी जीरो हंड्रेड बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर हमने न्यूमरेटर में लिखा था करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अभी हमें लिखना है सिंपल एग्रीगेटिव मैथड का फॉर्मूला तो पहले हम वही फॉर्मूला वापस लिखते हैं P जीरो वन इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड ये है हमारा अभी तक का फॉर्मूला बात आ रही है एग्रीगेटिव की तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है एग्रीगेट मीन सम और टोटल तो हमें सम के लिए क्या करना है आगे लगा देना है समेशन सिग्मा आगे हमने यूज किया सिग्मा सो so, ये बन गया हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल एग्रीगेटिव मैथड और इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो भी साथ ही लिख लेते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड स्टेप्स दो स्टेप हमें फॉलो करने हैं फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे फाइंड आर आर का मतलब क्या है प्राइस रिलेटिव आर का मतलब है प्राइस रिलेटिव कुछ बुक्स में आपको पी भी लिखा मिलेगा पी फॉर प्राइस रिलेटिव आर भी किसके लिए है प्राइस रिलेटिव के लिए बट हम लिख रहे हैं आर ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बिटवीन प्राइस एंड प्राइस रिलेटिव ओके सो फाइंड आर अब ये आर कैसे आएगा आर का वही फॉर्मूला पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया हर कॉमोडिटी के लिए हर कोमोडिटी के लिए आर फाइंड आउट किया और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज एवरेज कौन सा अर्थमेटिक मीन या जोमेट्रिक मीन हम दोनों के फॉर्मुलेज लिखेंगे बट अभी हम लिख रहे हैं फॉर्मुला यूजिंग अर्थमेटिक मीन सिग्मा आर अपॉन एन इन 100 नहीं करना है सिग्मा r अपॉन n सिर्फ इतना ही लिखना है इनटू 100 क्यों नहीं करना है इंडेक्स नंबर तो परसेंटेज में आता है नहीं क्योंकि क्वेश्चन स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने ऑलरेडी इनटू 100 कर दिया इसका मतलब r पहले से ही परसेंटेज में है तो हमें वापस से इनटू 100 नहीं करना है सिर्फ एक बारी करना होता है वो मिस स्टेप 1 में कर चुके हैं ओके okay? तो ये हो गए हमारे दोनों फॉर्मूलेस अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको आगे सॉल्व करेंगे ठीक है अब इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कमोडिटीज ए बी एंड सी प्राइसेस ऑफ टू थाउजेंड फोर्टीन एंड प्राइस ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन इन टू इयर्स की हमें प्राइस गिवन है फाइन क्या करना है इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अभी हम कर रहे हैं यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड क्या है सिग्मा पी वन दैट इज प्राइस ऑफ करंट ईयर उनका टोटल डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो और फिर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2014 एंड 15 इन दोनों में से हमें गिवन है 2014 इज द बेस ईयर एंड 2015 इज द करंट ईयर 15 है करंट ईयर तो 2014 की प्राइस को हम क्या कहेंगे P0, जीरो एंड टू की प्राइसेस को कहा जाएगा P1। 14 की प्राइस P0, जीरो एंड फिफ्टीन की प्राइस हो गई P1। अब हमें क्या चाहिए दोनों का टोटल रिक्वायर्ड है तो P0 का टोटल लगाते हैं कितना आ जाएगा 450। हंड्रेड एंड और 2015 का टोटल लगाते हैं तो कितना आएगा फाइव दोनों का टोटल हमने लगा लिया है अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सो 515 हंड्रेड डिवाइडेड बाय 450 फिफ्टी इंटू तो चेक करके देखें कितना रहा है 122.22, ट्वेंटी 122 तो ये हमारा आ चुका है इंडेक्स नंबर 122.22. तो ये क्या सिग्निफाई करता है ये इंडेक्स नंबर हमें बताना चाह रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हुई है ऑन एन एवरेज बाय 22.22 परसेंट 100 से जितना भी ज्यादा है उतने परसेंटेज से प्राइसेस इंक्रीज हो गई उतनी महंगाई बढ़ गई तो ये हमें सिग्निफाई कर रहा है हमारा ये फिगर ओके okay? तो चलिए एग्जाम्पल आप नोट कर लें, फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ओके सो नंबर टू पे आते हैं एग्जाम्पल टू में हमें गिवन है अगेन कुछ कमोडिटीज देन प्राइस उज फिफ्टीन एंड टू अब इस बार अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन सा बेस ईयर है और कौन सा क्रिंट तो ऐसे केस में क्या करेंगे जो ईयर पुराना है उसे हम क्या मान लेंगे बेस ईयर। तो 15 एंड 16 में से अफकोर्स पहले आता है 15, तो 15 होगा हमारा बेस ईयर तो 15 के लिए हम लिखेंगे पी जीरो एंड सिक्सटीन के लिए लिखेंगे पी वन ओके okay? तो ये होगी प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर अब बात आती है किसकी कैलकुलेशन की कि हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें दोनों का टोटल रिक्वायर्ड होगा तो दोनों का टोटल लगा लेते हैं कितना जाएगा इधर थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड पी वन के लिए चलिए पी के लिए लगाते हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फोर ट्वेंटी प्लस एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फोर हंड्रेड और ये टोटल आ जाएगा टू एट सिक्स टू जीरो अब हमें क्या करना है दोनों को डिवाइड कर देना है थर्टी टू थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू टू एट सिक्स टू जीरो सॉरी पहले क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में टू एट सिक्स टू जीरो दिस इज इगम पी वन अपॉन थर्टी एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब इसे चेक करें कितना आता है 28620 क्योंकि ये p1 का टोटल है ये न्यूमरेटर में आएगा एंड 32300 ये p0 का टोटल है इसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 सो एट पॉइंट 88.6 एट ये आ चुका है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ओके सो दिस इज एग्जांपल नंबर टू 88.6 है हमारा इंडेक्स नंबर और अब ये बताना है ये क्या सिग्निफाई करता है हमारी प्राइसेस बढ़ी है या कम हुई है इसे हमें क्या पता लग रहा है क्योंकि बेस ईयर से इंडेक्स कम हुआ है दैट मीन्स प्राइसेस डिक्रीज हुई है कितने से बाय 11.4 परसेंट हम ऐसा कह सकते हैं 100 हमने किया तो इलेवन पॉइंट फोर परसेंट से प्राइसेस डिक्रीज हो गई ये इंडेक्स नंबर हमें बताना चाह रहा है बट क्या ये बात हमें सही लगती है क्या इस स्टेटमेंट को हम सही मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं अगर हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करें कैसे वीट की प्राइस वीट की प्राइस थी हंड्रेड के के अकॉर्डिंग सिक्सटीन अभी कितनी हो गई ट्वेंटी फोर हंड्रेड 800 रुपीस से इंक्रीज हो गई अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो फिफ्टी परसेंट से वीट की प्राइस राइज हो रही है और हम क्या कह रहे हैं? महंगाई कम हो रही है अकॉर्डिंग टू इंडेक्सेंड कमोडिटी है हमारे पास राइस टेन के जी का बैग हमने लिया प्राइस थी पहले फोर हंड्रेड अभी एट हंड्रेड डबल हो चुकी है प्राइस 400 से राइज हुआ है 100 परसेंट से प्राइस बढ़ी है लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है महंगाई तो कम हुई है थर्ड कमोडिटी घी वन लीटर का पैकेट पहले तीन सौ रुपए में आ रहा था अभी आ रहा है ट्वेंटी रुपीज में चेंज हुआ है 40%, 40 से प्राइस बढ़ रही है और हम कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है तो क्या यह स्टेटमेंट गलत है या सही है चलिए लास्ट कमोडिटी को भी देखते हैं लास्ट कमोडिटी में क्या लिखा है गोल्ड गोल्ड कितना टेन ग्राम्स प्राइस थी पहले थर्टी थाउजेंड और वो कम होकर आगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे चेंज कितना हुआ है थर्टी से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर मैं चेंज देखें तो वन सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इतने से गोल्ड की प्राइस कम हुई है बाकी तीनों कमोडिटी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी है लेकिन इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है इंडेक्स नंबर सिर्फ ये बता रहा है कि महंगाई कम हुई है तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस मेथड का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का तो ड्रॉबैक आखिर है क्या कि ऐसी कमोडिटी ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइसेस ज्यादा है जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो इन्फ्लुएंस कर देती है किसे इंडेक्स नंबर को जैसा एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा पैसा बोलता है कि जहां पर पैसा ज्यादा है अमाउंट ज्यादा है तो उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है इंडेक्स नंबर पे। तो फोर में से थ्री की प्राइस बढ़ रही है लेकिन एक कमोडिटी जो कि कॉस्टली है उसकी प्राइस कम हुई है और इंडेक्स नंबर ने बता दिया कि महंगाई कम हो गई है ठीक है देन ये तो हुआ हमारा ड्रॉबैक नंबर फर्स्ट अब सेकेंड ड्रॉबैक क्या है वो हम बात करते हैं अगर हम इनके आगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखे हैं अगर इन यूनिट में से कुछ हम चेंजेस करें तो क्या इंडेक्स नंबर चेंज होगा या वही रहेगा यह हमेंटी की जो प्राइस है वो हम थोड़ी सी चेंज करते हैं गोल्ड गोल्ड की वैल्यू हमने ली है टेन ग्राम्स अगर हम वन ग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखें तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा या चेंज होगा उसको देखते हैं बाकी सब हम क्या रखेंगे सेम रखेंगे 1600 400 फोर नाउ थर्टी थाउजेंड प्राइस है टेन ग्राम्स की तो वन ग्राम की प्राइस कितनी हुई थ्री थाउजेंड सेकेंड ईयर में ट्वेंटी फोर हंड्रेड एट हंड्रेड फोर ट्वेंटी नाउ अगेन अगर टेन ग्राम्स की प्राइस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है तो वन ग्राम की 2,500. अब क्या करना है अब हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का टोटल करते हैं तो फर्स्ट ईयर का टोटल कितना आ जाएगा 5,300. एंड सेकेंड ईयर का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है तो 2,400 प्लस 800 प्लस 420 एंड प्लस 25 हंड्रेड आ रहा है सिक्स वन टू जीरो सिक्स वन टू जीरो और अब हम जब निकालेंगे इंडेक्स नंबर तो क्या लिखेंगे सिक्स वन टू डिवाइडेड बाय फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब इंडेक्स नंबर कितना आ गया वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट फोर सेवन हमने प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं की है हमने सिर्फ यूनिट को चेंज किया है ग्राम्स 10 ग्राम को वन ग्राम में कन्वर्ट किया है तो सिर्फ इतना सा चेंज करने से हमारा इंडेक्स नंबर चेंज हो गया तो ये हुआ हमारा सेकेंड ड्रॉबैक कि जैसे ही हम यूनिट को बदल देंगे तो हमारा इंडेक्स नंबर चेंज हो जाता है अगर हमने वन के का टेन के कर दिया तो भी इंडेक्स चेंज होगा हंड्रेड के जी का वन के जी कर दिया तो भी इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा जबकि उस कमोडिटी के प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है चेंज कहाँ हो रहा है यूनिट में ठीक है सो दीज आर द टू ड्रॉबैक्स पहला ड्रॉबैक क्या था ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइस ज्यादा है वो इन्फ्लुएंस करती है इंडेक्स नंबर को और सेकेंड क्या है कि अगर यूनिट को चेंज कर दिया जाए तो फिर इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाता है और इन ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए आता है हमारा नेक्स्ट मेथड और वो मेथड कौन सा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ओके तो अब हम क्या करेंगे इसी को सॉल्व करते हैं यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अब उस मेथड में फॉम्बले में हमने कितने स्टेप्स लिखे टू स्टेप्स लिखे फर्स्ट स्टेप क्या कहता है फर्स्ट स्टेप कहता है फाइंड आर आर का मतलब है प्राइस रिलेटिव तो पहले हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है फाइंड आउट करना है चलिए कर लेंगे वो भी आर आर कैसे आता है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड तो पी वन देखा जाए तो फर्स्ट कमोडिटी के लिए कितना है ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय पी जीरो सिक्सटीन हंड्रेड इन हंड्रेड कितना है? 150. Similarly, second commodity सिमिलरली कमोडिटी के लिए second के लिए हम लिख सकते हैं 800 is इज द upon P0 अपॉन पी जीरो फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड दैट इज टू हंड्रेड थर्ड के लिए फोर ट्वेंटी अपॉन थ्री हंड्रेड 140. हंड्रेड वन फोर्टी एंड लास्ट के लिए लास्ट के लिए हम क्या लिख रहे हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड तो एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये आ गया हमारा प्राइस रिलेटिव अब क्या करना है आर का टोटल करना है चलिए सबको ऐड कर ले वन फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड प्लस वन फोर्टी प्लस एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री हमने ऐड कर लिया टोटल आ गया 573.33। यह है आर का टोटल और अब हमें अप्लाई करना है स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू क्या है स्टेप टू है P01 वन इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एन सिग्मा आर अपॉन एन ये हमारा फॉर्मूला तो 573.33 डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी कमोडिटीज हैं फोर तो हमने इसे फोर से डिवाइड कर दिया तो वन फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री दिस इज द इंडेक्स नंबर ये हमारा इंडेक्स नंबर आ चुका है यूजिंग मेथड नंबर टू सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव तो जो दो ड्रॉबैक्स हमारे फर्स्ट मेथड में थे सिंपल एग्रीगेटिव में थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं यूजिंग दिस मेथड अब अगर हम इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट था जैसे हमने गोल्ड की प्राइस यूनिट में चेंज किया था अगर वहां से इंडेक्स निकाले तो तो भी यही आंसर आने वाला है बिकॉज़ अगर आप चेक करें, तो स्टार्टिंग में तो तीनों जगह वही वैल्यूज है लास्ट में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री थाउजेंड इंटू हंड्रेड तो वही वैल्यू आने वाली है एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो इसलिए इंडेक्स नंबर भी सेम आएगा तो अगर हम यूनिट को चेंज कर दें इंडेक्स नंबर रिमेन्स सेम फाइन तो ये हुआ हमारा मेथड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया है अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि इन दोनों मेथड में हमारा परफेक्शन हो जाए तो चलिए आ जाए सीधा क्वेश्चन नंबर एट पे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स तो एग्रीगेटिव मेथड हमें दे रखा है और इसकी हेल्प से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है बेस प्राइस एंड करंट प्राइस बोथ आर गिवन। दोनों हमें दे रखी है तो so, चलिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है टोटल लगाना है तो बेस प्राइस को हमने लिखा P0, करंट प्राइस को हमने लिखा पी और दोनों का लगाते हैं टोटल वैल्यूज वन थर्टी फाइव प्लस थर्टी प्लस फोर्टी प्लस वन जीरो सेवन टू हंड्रेड एंड सिमिलरली पी वन के लिए ऐड करना है फोर्टी टू प्लस थर्टी फाइव प्लस थर्टी एट प्लस वन टू जीरो टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है नाउ पी जीरो वन 235 डिवाइडेड बाय 212 इनटू 100 कितना आ जाएगा 110.85 110.85 ओके okay. सो so, ये है प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग दिस एग्रीगेटिव मेथड ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इज वेरी इजी ये आपके लिए होमवर्क है एंड सेम क्वेश्चन नंबर टेन भी होमवर्क है ये दोनों आप इजीली कर पाएंगे नाउ क्वेश्चन नंबर टेन के बाद में एक नोट लिखा है और वो नोट एक तरह से किस बारे में है जो हमने ड्रॉबैक अभी डिस्कस किया है सिंपल एग्रीगेटिव के बारे में तो ये आप इजिली पढ़ लें वो ही सारी बातें लिखी है नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इलेवन पे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव रिलेटिव डेटा हमें गिवेन है टू थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड टेन का तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है रिलेटिव है तो हमें आर फाइंड आउट करना होगा तो चलिए शुरू करते हैं मोडिटी ए बी एंड सी पी जीरो एंड पी वन नाइंटी वन ट्वेंटी एंड फोर्टी वन ट्वेंटी सिक्स वन फोर्टी फोर एंड देन सिक्सटी नाउ आर आर के लिए आपको पता है क्या करना है पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो वन टू सिक्स अपॉन नाइन्टी इंटू हंड्रेड कितना होता है 140, 114, 144 डिवाइडेड बाय 120 ट्वेंटी इंटू कितना आ जाएगा 120, एंड देन 60 अपॉन 40 इंटू हंड्रेड वन तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है दैट इज रिलेटेड आर कैलकुलेट हो चुका है अब क्या करेंगे इसका टोटल सो टोटल आता है कितना 41 जीरो फोर हंड्रेड एंड टेन फोर वन जीरो नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला फोर वन जीरो डिवाइड बाय एन एन इज थ्री तो फोर हंड्रेड एंड टेन को थ्री से डिवाइड हमने किया तो वन थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन वन थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ये हो गया हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ओके दिस इज प्राइस रिलेटिव मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज होमवर्क तो इन सब के आंसर्स आपको पीछे दे रखे हैं आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका आंसर क्या रहा है वो आप पीछे से वेरीफाई कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर लेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड इंडेक्स नंबर फ्रॉम जोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव हमें प्राइस रिलेटिव मेथड यूज तो करना है लेकिन साथ में क्या कह दिया है ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से अभी तक जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है यूज किया है that was using arithmetic mean. तो GM के लिए क्या करना है तो जो हमें वैल्यूज uh, निकालनी है आर उसके ऊपर हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू इफ देर आर टू ऑब्जर्वेशन तो हम क्या करेंगे दोनों ऑब्जर्वेश को मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू बी एंड उसका स्क्वायर रूट अगर थ्री ऑब्जर्वेशन है तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी इंटू सी और फिर करेंगे क्यूब रूट टू वैल्यूज के लिए स्क्वेयर रूट थ्री के लिए क्यूब रूट फोर वैल्यूज है तो चारों को मल्टीप्लाई एंड फोर्थ रूट तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टेप नंबर वन इज सेम फाइंड आर दी वन अपॉन पी जीरो इन हंड्रेड एंड सेकेंड स्टेप पी जीरो वन यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन तो इन केस ऑफ टू वैल्यूज हम लिख रहे हैं आर वन इंटू आर टू सो नॉर्मली हमारे पार्ट में टू वैल्यूज का ही क्वेश्चन आता है तो इसलिए हमने सीधा लिख दिया रूट ऑफ आर वन सो ये दोनों स्टेप की हेल्प से हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर पाएंगे तो चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन बेस ईयर कि पी जीरो हमें गिवन है और करंट ईयर ये पी वन अब फाइंड आउट करते हैं आर थर्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन इंटू हंड्रेड कितना आ गया टू हंड्रेड देन फोर्टी फाइव अपॉन थर्टी इंटू हंड्रेड वन फाइव जीरो दोनों वैल्यूज आ चुकी है अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पी जीरो वन इक्वल्स टू रूट ऑफ टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन फिफ्टी तो चेक करें कितना आंसर वन सेवेंटी थ्री पॉइंट टू ऑप्शन नंबर सी सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर Fine. तो इसे आप डाउन no कर लें। बहुत easy है। वो आपको करके आने हैं। में हम discuss करेंगे। Okay? तो अभी तक हमने इंडेक्स नंबर का सिर्फ बेसिक बेसिक पार्ट किया है नेक्स्ट क्लास में कुछ नए फॉर्मुलेज हमारे पास में आएंगे और उसे किस तरह से याद रखना है वो सारी ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे ठीक so, है, okay? Hello everyone and very good morning to all. है, आपको लाना कैसे हैं सब लोग? चलिए में हमने बात की थी simple aggregative method पे, तो simple aggregative method का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या था समेशन सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सेकेंड फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वाज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और इस मेथड में देवर टू स्टेप्स फर्स्ट स्टेप में हमें करना है फाइंड आर मींस प्राइस रिलेटिव और आर कैसे आता है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड सेकेंड स्टेप हमने किया था पी जीरो वन इज इक्वल टू यूजिंग अर्थमेटिक मीन है तो सिग्मा आर अपॉन एन और अगर यूजिंग इन जोमेट्रिक मीन है तो रूट ऑफ आर वन इन आर टू ओके चलिए फिर हमने बात की थी ड्रॉबैक्स की तो किस मेथड में ड्रॉबैक था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के दो बड़े बड़े ड्रॉबैक्स थे और वो दो ड्रॉबैक कौन से हैं अगर अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो इंडेक्स नंबर को इन्फ्लुएंस करेगी यानी कि जो उस कमोडिटी में इफेक्ट हो रहा है वही इफेक्ट हमें इंडेक्स नंबर में देखने को मिलेगा एंड सेकेंड ड्रॉबैक क्या था अगर यूनिट को चेंज कर दिया जाए तो इंडेक्स नंबर चेंज हो जाता है इंडेक्स नंबर गेट्स चेंज तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए था हमारा नेक्स्ट मेथड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लेकिन सिंपल मेथड में अपने आप में क्या ड्रॉबैक है सिंपल मेथड में हर कमोडिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल मान ली जाती है बाय डिफॉल्ट हम क्या ले लेते हैं ऑल कमोडिटीज आर ऑफ इक्वल बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है जितना कंजम्पशन हम वीट का करते हैं क्या उतना की उतना कंजम्पशन हम सॉल्ट का भी करते हैं क्या क्या उतना ही कंजम्पशन शुगर का भी होता है नहीं हर कमोडिटी की अपनी अलग इंपॉर्टेंस रहती है किसी का वेट बहुत ज्यादा होगा किसी का बहुत कम और किसी का एवरेज तो वेट बेसिकली क्या शो करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी तो अगर हम वेट को यूज करेंगे तो उससे हमारा इंडेक्स नंबर अप्रोप्रिएट होगा या कह एक्यूरेट होगा लेकिन सिंपल मेथड में हम बाय डिफ़ॉल्ट सबका इक्वल ले वेटेज ले लेते हैं तो इसलिए जो इंडेक्स नंबर आता है वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है ओके okay? चलिए नेक्स्ट मेथड करने से पहले जो लास्ट टू क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 उसे एक बार देख लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 2005 एंड 2010 वर 25 एंड 30 रुपेस रिस्पेक्टिवली तो हमें दो सालों की प्राइसेस दे रखी है करना क्या है टेकिंग 2010 एज द बेस द प्राइस रिलेटिव हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है प्राइस रिलेटिव तो कैसे निकालना था ईयर ईयर को हमने लिखा 2005 एंड 2010 और फिर हमें लिखना था प्राइस प्राइस हमने लिखी है 25 एंड 30 ना क्वेश्चन में मेंशन है 2010 इज द बेस ईयर तो थर्टी को हम क्या कहेंगे पी जीरो एंड ट्वेंटी फाइव क्या हो जाएगा हमारे लिए पी वन ओके ट्वेंटी फाइव एस पी वन एंड थर्टी इज पी जीरो अब हमें निकालना है प्राइस रिलेटिव सो ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कितना आएगा 83.33 थ्री पॉइंट थ्री थ्री ऑप्शन नंबर बी Okay, so B is the correct answer. <coughs> Next question number 15. The average price of certain commodities in 2010 was rupees 60, and average price of the same commodity in 2012 was Rs. 120 rupees. Which of the statement is true? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यह हमें बताना है चलिए गिवन इंफॉर्मेशन को हम पहले लेते हैं ईयर एंड टेन प्राइस इज सिक्सटी रूपीज एंड टू थाउजेंड ट्वेल्व प्राइस इज वन ट्वेंटी अब क्या बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि विच इज द बेस्ट ईयर नो no. क्वेश्चन में गिवन कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन में एक बात कॉमन लिखी है क्या लिखा है यूजिंग 2012 एज द बेस तीनों में 2012 को बेस लेना है तो हम भी क्या करेंगे 2012 को बेस ले लेंगे सो so, 120 ट्वेंटी इज पी जीरो एंड 60 क्या हो गया पी वन प्राइस ऑफ करंट ईयर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन में लिखा है कि price decrease हो रही है है या ये हमें answer करना है. तो उसके लिए हम find out करेंगे टू so, क्योंकि 2012 हमारा बेस ईयर है तो 12 का इंडेक्स नंबर हमने लिखा 100 एंड 2010 का इंडेक्स कैसे आएगा सो पी वन सिक्सटी अपऑन पी जीरो वन ट्वेंटी इन टू 50 इज फिफ्टी फिफ्टी आ चुका है हमारा इंडेक्स नंबर तो चेंज कितना हंड्रेड एंड फिफ्टी दोनों का जो गैप है दिफ्टी परसेंट तो प्राइस में चेंज हुआ है बाय फिफ्टी परसेंट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सो प्राइस इन टू थाउजेंड टेन डिक्रीज बाय फिफ्टी परसेंट ज द बेस ओके सो यहां तक का पार्ट सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है अब आता है हमारा नेक्स्ट मैथड विच इज नोन एज वेटेड एग्रीगेटिव मैथडा दीगेटिव मैथड वेटेड एग्रीगेटिव मैथड तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमारा जो अभी तक का फॉर्मूला था पी जीरो वन इक्वल्स टू हमने लिखा था सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो फॉर्मूला हमने यूज किया था सिंपल मेथड में अब हमें क्या करना है इसको बनाना है weighted. और वेट्स में हम किसे यूज लेते हैं तो वेट हम क्वांटिटी को ले सकते हैं वैल्यू को ले सकते हैं बट सबसे ज्यादा क्वांटिटी इज टेकन एज वेट तो जब हम क्वांटिटी को वेट लेंगे तो हमने आगे क्या लगा देना है क्यू तो ये बन गया हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला सिग्मा पी वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड दिस इज सिंपली वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो बड़ा आसान सा सिंपल सा फॉर्मूला है तो सिंपली दोनों जगह हमें Q दैट इज क्वांटिटी को लगा देना है फाइन तो दिस इज द वेटेड एग्रीगेटिव मैथड अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कोई डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा सोच के देखें हो सकता है आपके मन में कुछ न कुछ डाउट होगा क्या डाउट होगा कि यहाँ जो हमने लिखा है Q क्वांटिटी ये कौन सी लेनी है बेस ईयर की लेनी है या फिर करंट ईयर की ये डाउट बिल्कुल आ सकता है तो यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी आएगी इसके ऊपर बेस देर आर फाइव डिफरेंट फॉर्मूलाज पांच अलग अलग फॉर्मूले हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे देर आर फाइव डिफरेंट फॉर्मूलाज तो हमारी मेन हेडिंग वही है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, बट इसके अंडर में फाइव अलग अलग फॉर्मूले आते हैं ओके okay? तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर चलिए लिखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स नंबर तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर दिया है किसने लास्ट पेयर ने अब लास्ट पेयर ने वेट किसे माना है लास्ट पेयर ने वेट किसे लिया है तो यहां ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लास्ट पेयर ने वेट लिया है क्यू जीरो को क्यू जीरो का मतलब क्या हुआ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट माना है किसने लास्ट पेयर ने तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा पी जीरो वन इक्वल्स टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये बन गया हमारा लास्ट पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था तो वहाँ पर Q की प्लेस पे हमें लिखना है क्यू जीरो सब वही है तो ये बन गया लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर अब लिखते हैं हम सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड फार्मूला दिया है किसने पाचे ने So, पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर अब पाशे ने क्या किया होगा सोच के बताइए। ने किसे वेट माना होगा? कोर्स करंट ईयर की क्वांटिटी को दैट इज क्यू वन तो पाशे ने क्यू वन को वेट मान लिया तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा p01 जीरो वन इक्वल्स टू सेगमा पी वन क्यू वन अपॉन सेगमा पी जीरो क्यू वन इंटू हंड्रेड तो ये हो गया पाशेज प्राइस इंडेक्स नंबर ओके नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला हम लिखेंगे थर्ड फार्मूला कौन सा आता है मार्शल एंड एजवर्थ मार्शल एंड एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर अब इन लोगों ने क्या किया होगा तो मार्शल एंड एजवर्थ ने क्या कलाकारी की है लास्ट पेयर ने तो बेस ईयर की क्वालिटी को वेट मान लिया पाशे ने करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मान लिया। तो अब ऐसे केस में मार्शल और एडवर्ट ने क्या किया कि बेस ईयर एंड करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी का एवरेज ले लिया और उसको क्या मान लिया वेट। तो लास्पेर एंड पाशे ने जो वेट लिया था उसी वेट का एवरेज ले लिया गया। Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय ट ये वेट मान लिया मार्शल एंड एच बर्थ ने तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना वो क्या है P01 जीरो वन क्या करना है क्यू जीरो प्लस क्यू वन अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो इन क्यू जीरो प्लस क्यू वन अपॉन टू ओके तो ये वेट मान लिया है मार्शल एंड ने. अब बात ये आती है एंड दोनों जगह हमने इसे लिखा है. क्या इसे कैंसिल आउट किया जा सकता है या नहीं ये सोच के बताइए क्यू जीरो प्लस क्यू वन अपॉन हमने दोनों जगह पे लिखा है न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर क्या हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं नो, no, आउट नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज आगे दोनों जगह बॉडी गार्ड खड़े हैं बॉडी गार्ड का मतलब सिग्मा लगा आउट नहीं कर सकते हैं जब तक आगे सिग्मा लगा है तब तक हम किसी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो क्या नंबर टू कैंसिल हो सकता है वो दोनों जगह पे है यस yes, टू को आप कैंसल आउट कर सकते हैं तो अगर हम टू को कैंसिल कर दें एंड ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर दें, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे सिंप्लीफाइड वर्जन में और हमें उसी को याद रखना है तो चलिए फॉर्मूले को थोड़ा आसान बना देते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं सिग्मा पी वन क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 P0 Q0 plus Sigma P0, Q1 and multiply by 100 फॉर्मूले तो का राइट right? सो so, अभी तक हमने थ्री फॉर्मूले लिखे हैं टू अभी भी पेंडिंग है बाकी है तो पहले मार्शल एंड एजवर्थ के में को हम देखते हैं कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इन चार वैल्यूज में से कौन सी न्यूमरेटर में आने वाली है और कौन सी डिनोमिनेटर में तो हमें इसको कन्फ्यूज नहीं करना है बड़ी आसान तरीके से इसे याद रख सकते हैं दो ट्रिक से हमारे पास इसे याद रखने के लिए सबसे पहली ट्रिक क्या है फर्स्ट ट्रिक ये है कि जो हमने लास्पेर एंड पासे का फॉर्मूला लिखा था लास्पेयर एंड पासे का जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी की हेल्प से हम इसे समझते हैं लास्ट पेयर का न्यूमरेटर हमने क्या लिखा था लास्ट का न्यूमरेटर हमने लिखा सिग्मा पी वन क्यू जीरो न्यूमरेटर हम यहां भी लिख देंगे मार्शल था सिग्मा पी वन क्यू वन वही चीज हमने यहां भी लिख दी सिग्मा पी वन क्यू वन दैट मीनस लास्टेयर एंड पाशे दोनों के न्यूमरेटर को हमें ऐड कर देना है फिर डिवाइडेड बाय डिवाइड क्या करेंगे लास्ट पेयर का डिनोमिनेटर एंड पार्शी का डिनोमिनेटर तो so, दोनों के डिनोमिनेटर को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो so, उससे क्या आ जाएगा मार्शल एंड एचवर्थ का फॉर्मूला तो लास्ट पेयर एंड पार्शी दोनों का न्यूमिनेटर एड डिवाइडेड बाय लास्ट पेयर एंड पाशी दोनों का डिनोमिनेटर एड एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्शल एंड एचवर्थ ये हमारी पहली ट्रिक याद रखने की सेकेंड ट्रिक क्या है सेकेंड ट्रिक को भी समझ लेते हैं न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में ऑलवेज पी वन वाली वैल्यूज आएगी न्यूमरेटर में ऑलवेज पी वन वाली वैल्यूज एंड डेनोमिनेटर में ऑलवेज पी जीरो वाली वैल्यूज रहेंगी, तो अब इसको देखते हैं अगर न्यूमरेटर हम देखें क्या लिखा है सिग्मा पी वन क्यू जीरो एंड सिग्मा पी वन क्यू वन दोनों जगह p1 आ गया है अपॉन में सिग्मा p0 q0 सिग्मा पी वन तो अपॉन में दोनों जगह पे पी जीरो लिखा है फाइन तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं ये फॉर्मूला चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला नंबर फोर की तरफ फॉर्मूला नंबर फोर लिखेंगे डॉर्बिश एंड बाउले नेम अगेन थोड़ा सा अलग है डिफरेंट है डॉर्बिश एंड बावलेज प्राइस इंडेक्स नंबर डॉर्बिश एंड बावलेज प्राइस इंडेक्स नंबर अब डॉर्बिश एंड बावले ने क्या कलाकारी की है लास्ट पेड ने लिया था बेस इशे ने करेंट ईयर मार्शल एक्सबर्ट ने दोनों के वेट का एवरेज ले लिया अब डॉर्बिश एंड बाउल ने क्या कलाकारी की है इन लोगों ने लास्टर एंड पाशे के पूरे फॉर्मूले का ही एवरेज ले लिया एंड पाशे के पूरे का ही एवरेज ले लिया तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा तो लिखते हैं हमारा फॉर्मूला P01 जीरो वन इक्वल्स टू पहले लिख रहे हैं लास्टेयर का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0. 100 भी आएगा अब लिखेंगे फॉर्मूला पी वन क्यू वन डिवाइडेड है पी जीरो हंड्रेड ले लिया कॉमन अब हमें क्या करना है दोनों का एवरेज करना है तो लास्ट पेयर्स प्लस पाशी डिवाइडेड बाय टू तो अपॉन में लिखना है टू तो आके हमने लगा दिया वन बाय तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर डॉर्बिश एंड बाउले सो so पहले लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला फिर पाशे का फॉर्मूला एंड देन डिवाइडेड बाय टू अगर हमें इसे शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में कैसे लिख पाएंगे इसका शॉर्टकट एल प्लस पी डिवाइडेड बाय टू इन हंड्रेड नहीं करना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज जो हमने एल लिखा है उसमें लास्ट ईयर का फॉर्मूला पूरा आ चुका है तो वहाँ हंड्रेड से मल्टीप्लाई हो रखा है पाशे के फॉर्मूले में भी ऑलरेडी इन हंड्रेड हो चुका है तो अब हमें वापस से हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करना है ओके सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डॉर्बेशन बाउले एंड द लास्ट वन लास्ट फॉर्मूला आता है कौन सा फेशर सो लास्ट हम लिख रहे हैं फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर अब फिशर ने क्या किया है फिशर ने क्या कलाकारी की होगी <coughs> तो देखा जाए तो फिशर सबसे बड़ा कलाकार निकला इसको पता था इंडेक्स नंबर क्या है रेशियो है एंड रेशियो के लिए बेस्ट एवरेज कौन सा है ज्योमेट्रिक मीन तो यहां पर Fischer ने क्या किया एंड पाशे दोनों के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया पेयर एंड पाशे के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया एंड फिशर का फॉर्मूला बन गया देश तो चलिए लिख लेते हैं हमारा फॉर्मूला P01 equals वन पहले लिखेंगे लास्ट पेयर्स सिग्मा P1 Q0 upon sigma P0 सिग्मा multiply by क्यू मल्टीप्लाई बाय का formula सिग्मा P1 Q1 upon sigma P0 सिग्मा और क्योंकि geometric मीन निकालना है तो हम लगाएंगे square रूट एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 तो हंड्रेड हमें रूट के अंदर लिखना है या रूट के बाहर लिखना है अगर हम रूट से बाहर लिखते हैं तो एक बार हंड्रेड लिखा जाएगा और अगर रूट के अंदर लिखेंगे तो हंड्रेड को टू टाइम्स लिखा जाता है ओके okay? तो एक बार लास्ट पेयर वाला हंड्रेड है दूसरा पाचे वाला तो हमने हंड्रेड का स्क्वायर रूट कर दिया और फाइनली बार लिखा है हंड्रेड दिस इज फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर अब अगर इसे शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे रूट ऑफ एल इंटू पी एंड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड नहीं होगा क्योंकि एल और पी में ऑलरेडी इंटू हंड्रेड हो चुका है तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूलेस फॉर वेटेड एग्रीगेटिव मैथड चलिए इसे नोट कर लें फिर हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे So, अब तक आपने सारे फॉर्मूलेज नोट कर लिए होंगे और साइड बाय साइड आपको लर्न भी कर लेना है बिकॉज अगर आप क्लास में लर्न करेंगे तो घर जाके आपका रिविजन हो जाएगा और जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे मार्क्स उतने ही ज्यादा आपके आने वाले हैं ओके okay? तो चलिए पांचों फॉर्मूले को एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहला था लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर और लास्ट ने किसको वेट माना है, लास ने बेस की को वेट माना है क्योंकि लास्ट पेयर को बेस पसंद है फिर सेकेंड सेकेंड वन इज पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर पाशे ने किसको वेट लिया है पाशे ने करंट ईयर की क्वालिटी को वेट लिया है तो पाशे का फॉर्मूला क्या बनेगा सिग्मा फ्री वन Marshall, क्या होगा सिग्मा पी वन क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सिमा पी जीरो प्लस सिग्मा पी जीरोन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड

सो क्वेश्चन नंबर 16 कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है आपको वेटेड एग्रीगेटिव यूज लेना है अब इसके अंदर फर्दर कौन सा मेथड है ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो क्वांटिटी आपको दे रखी है उसी को आपको वेट लेना है तो चलिए कमोडिटीज क्या-क्या गिवन है व्हीट राइस एंड मेज ये तीनों हमारी क्वांटिटी ये तीनों होंगे कमोडिटी क्वानिटी क्यू हमें दे रखा है ट्वेंटी so हम क्या कह सकते हैं प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड इंड वाली जो सीरीज है दिस इज प्राइस ऑफ करंट ईयर पी वन और अब हमें क्या करना है वेटेड एग्रीगेटिव मैथड से सॉल्व करना है तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कमोडिटी टिटी क्यू देन पी जीरो एंड देन पी वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी एंड टेन ट्वेंटी फाइव फिफ्टी एंड फिफ्टीन अब अगर हम फार्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या था सिग्मा पी वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो इंटू क्यू एंड देन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो हमें यही दोनों वैल्यूज पहले यहां से फाइंड आउट करनी है सो पी वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी कितना आ जाएगा फाइव हंड्रेड हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया सिमिलरली फिफ्टी इंटू टेन फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू फाइव सेवेंटी फाइव टोटल टोटल आ जाएगा वन जीरो सेवेंटी फाइव. फाइव. वन थाउजेंड नेक्स्ट हमें चाहिए पी जीरो क्यू इस बार पी जीरो को क्यू से मल्टीप्लाई करना है सो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इज फोर हंड्रेड टेन इंटू फोर्टी इज अगेन फोर हंड्रेड एंड फाइव इंटू टेन इज फिफ्टी अब हमारा टोटल आ रहा है एट हंड्रेड एंड फिफ्टी चलिए नाउ प्लाइंग द फॉर्मूला वन जीरोड बातना आता आंसर सो वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर सेवन ऑप्शन नंबर डी सो डी इज द करेक्ट आंसर नोट डाउन कर ले नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बिल्कुल सिमिलर है यह आपका होमवर्क नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एटीन अब देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन में क्या लिखा है फाइन पेयर्स पाशे फ्रेशर डॉरबे बाउले मार्शल प्राइस इंडेक्स नंबर तो हमें ये सारे इंडेक्सेस कैलकुलेट करने हैं और ये हमें सारी डिटेल्स दे रखी है प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ बेस ईयर एंड देन फॉर करंट ईयर तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे एक पूरी टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं जो भी वैल्यूज जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले हमने लिखा कमोडिटी को कमोडिटी कौन कौन सी है ए एंड बी बेस ईयर को लिखेंगे पी जीरो एंड क्यू जीरो करंट ईयर के लिए लिखा हमने पी वन एंड क्यू वन ओके चलिए वैल्यूज इसमें पुट कर दें वैल्यूज हमें दे रखी है टेन ट्वेंटी 25 फाइव एंड फाइव ट्वेल्व 30 थर्टी एंड फोर अब हमें फाइंड क्या करना है अगर हमें लास्ट पेयर्स रिक्वायर्ड है तो हम फाइंड करेंगे P1 Q0 एंड P0 Q0। क्यू पाशे के लिए रिक्वायर्ड होगा P1 Q1 एंड P1 Q0. तो ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है तो चलिए बाय कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे P1, Q0. 12 25. कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड थर्टी इंटू फाइव इज वन फिफ्टी दोनों का टोटल फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू पी वन क्यू जीरो अब रिक्वायर्ड है पी जीरो क्यू जीरो फिफ्टी एंड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई फाइव इज हंड्रेड सो थ्री फाइव जीरो अब रिक्वायर्ड है पी वन क्यू वन सो ट्वेल्व इंटू थर्टी इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री सिक्स जीरो एंड थर्टी इंटू फोर इज वन दोनों का टोटल आ गया 480 और लास्ट में पी वन क्यू जीरो थ्री तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं अभी हमें लास्ट में जो कैलकुलेट करना है दैट इज पी जीरो जीरो क्यू वन सो पी जीरो इज टेन एंड क्यू वन इज थर्टी तो हमने लिखा थ्री हंड्रेड एंड देन ट्वेंटी इंटू फोर इज एट्टी टोटल आ गया थ्री हंड्रेड एंड एट्टी थ्री एट जीरो तो ये चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है और अब वन बाय वन सारे फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला इज लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर तो लास्ट पेयर्स के लिए क्या करना है पी जीरो वन इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेड तो so वन Q0 कितना दे रखा है 450 फिफ्टी अपॉन थ्री फिफ्टी इन चलिए इसे सॉल्व कर लें कितना आता है आंसर 128.57 128.57 एट दिस इज लास्टर्स प्राइस इंडेक्स नंबर ओके इसके बाद सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे पाशेस पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर तो पाशे के लिए क्या करना है वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन एंड देन इनटू हंड्रेड इनटू हंड्रेड ओके चलिए पी वन क्यू वन कितना है 480 डिवाइडेड बाय 380 मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसे सिंपलीफाई कर लें और फिर देखें कितना आता है 126.31. ये आ गया पाशेज प्राइस इंडेक्स नंबर ओके थर्ड वन थर्ड हमें कैलकुलेट करना है मार्शल एंड वर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर तो यहां पर फॉर्मूला याद रखने का आसान तरीका था लास्ट पेर एंड पास दोनों के न्यूमरेटर को एड कर देना है so, दोनों के क्या है 450 एंड 480 डिवाइडेड बाय दोनों के डिनोमिनेटर 350 प्लस 380 एंड एट लास्ट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब इसे सॉल्व कर लें, देखें कितना आता है सो फोर फिफ्टी प्लस फोर एट्टी इसका टोटल थर्टी एंड थ्री फिफ्टी प्लस थ्री एट्टी सेवन थर्टी सो नाइन थर्टी डिवाइडेड बाय सेवन थर्टी इंटू हंड्रेड सो वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर जीरो मार्शल एंड एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर ओके आ चुके हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ डॉर्बिश एंड बाउले। डॉर्बिश एंड बाउले इज प्राइस इंडेक्स नंबर ये कैसे आने वाला है तो यहां पर क्या करना है हमें वन बाय टू एंड लास्ट पेर्स का फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे सो so, 450 अपॉन 350 जो हमने यहाँ लिखा था लास्ट पेयर के फार्मूले में वो एज इट इज यहाँ लिख देंगे प्लस जो हमने पासे में अप्लाई किया था वो एज इट इज यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा सो so, 480 डिवाइडेड बाय 380 एंड एट लास्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओके okay? तो इस तरीके से हम इसको पूरा अप्लाई कर सकते हैं और अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे का इंडेक्स 128.57 प्लस का इंडेक्स 126.31 एंड देन डिवाइडेड बाय टू तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दोनों से आंसर आपका सेम आएगा देर इज नो चेंज ओके तो चलिए फाइनल आंसर निकाल लेते हैं कितना आएगा One twenty-seven point four four. This is Darbenson Bowley's price index. And now the last one. Last consa Fisher. Fisher's price index number. तो फिशर के लिए सिंपली क्या करेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पाशेम तो एज इट इज ये सारी वैल्यूज हमें पुट कर देनी है और लास्ट में आ जाएगा इनटू हंड्रेड अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे वन ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन वन पॉइंट थ्री वन और इनका स्क्वेयर रूट चलिए स्क्वेयर रूट करते हैं इनका कितना आता है पहले दोनों को मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर रूट सो वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर थ्री वन टू सेवन पॉइंट फोर थ्री दिस इज फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर तो इस तरीके से सारे इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं फाइन चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे माइंड में एक डाउट आ सकता है

firam jayenge towards next question not it अब आगे के जो कुछ क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिमिलर है लाइक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो ये अगेन सारी की सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है और साथ में आपको उसका आंसर भी दे रखा है ताकि आप उसे वेरीफाई कर सकें सो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज योर होमवर्क फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे हम आते हैं तो इस बार ट्वेंटी में सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है फिशर्स तो फिशर्स इंडेक्स नंबर ये आपको कैलकुलेट कर लेना है तो ये भी आपसे इजीली हो जाएगा so this is again your homework. 21 में पाशे एंड ये तीनों की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है तो इसको भी आई थिंक आप इजीली कर पाएंगे तो ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी फाइन अभी हमें एक क्वेश्चन और करना है क्लास में और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हमें अभी सॉल्व करना है ओके okay? तो चलिए शुरू करते हैं ट्वेंटी टू में क्या लिखा है कैलकुलेट लास्ट पेयर पाशे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बेस ईयर एंड करंट ईयर प्राइस एंड वैल्यू प्राइस एंड वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चेंज है वो आपको नोटिस हो जाना चाहिए थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में और वो क्या है इस बार प्राइस के पास में क्वांटिटी नहीं लिखा है इस बार वैल्यू लिखा है प्राइस के पास वैल्यू लिखा है क्वांटिटी नहीं लिखा है दैट मींस हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो फिर वैल्यू क्या होता है वैल्यू का मीनिंग है प्राइस इंटू क्वान्टिटी वैल्यू मीन प्राइस इंटू क्वानिटी अगर हमें क्वान्टिटी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे तो क्या क्वान्टिटी ओके शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना है सबसे पहले दे रखे आइटम्स ए बी एंड सी बेस ईयर की प्राइस पी जीरो क्वॉंटिटी के लिए क्यू जीरो और वैल्यू के लिए लिखेंगे वी जीरो। जीरोन फॉर करेंट ईयर पी वन क्यू वन एंड वी वन ठीक है अब हम वैल्यू स्पोर्ट करते हैं फाइव एट टू हंड्रेड वन नाइनटी टू एंड सेवेंटी टू पी वन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमें क्यू जीरो करना है तो क्यू जीरो कैसे कैलकुलेट हो पाएगा तो क्यू जीरो के लिए हम डिवाइड करेंगे वी जीरो को पी जीरो से जाएगा चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक है सारी वैल्यूज आ गई अब ये बन चुका है हमारा नॉर्मल क्वेश्चन अब हमें आगे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं V0 का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है P0 जीरो तो जीरो हमें अलग से P0 जीरो जीरो को निकालने की जरूरत नहीं है इसी का हम टोटल कर लेंगे यही क्या है P0, Q0 जीरो है जीरो तो चलिए इन तीनों को ऐड कर दें कितना आ रहा है फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर इधर V1 को हमने ऐड कर देना है तो आ जाएगा P1 Q1 सो वन नाइनटी टू प्लस वन सिक्स प्लस एट्टी फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी एट ओके चलिए अब जो वैल्यूज रिमेनिंग है बच गई है उसे फाइंड कर लिया जाए कौन कौन सी वैल्यू बची है पी वन क्यू जीरो एंड पी जीरो क्यू वन ये दो वैल्यूज रिमेनिंग है तो पहले पी वन क्यू जीरो फाइंड आउट करते हैं एट इंटू फोर्टी इज थ्री ट्वेंटी फोर्टीन इंटू ट्वेंटी फोर इज थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स and 8 into 12 इज 96. सिक्स ओके चलिए अब इन तीनों को ऐड कर लें थ्री ट्वेंटी प्लस थ्री थर्टी सिक्स प्लस नाइन्टी सिक्स सेवन फिफ्टी टू एंड लास्ट में रिक्वायर्ड है पी जीरो क्यू वन तो पी जीरो एंड क्यू वन फाइव इंटू ट्वेंटी फोर

जीरो वन इक्वल टू पहले हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर तो सिग्मा पी वन क्यू जीरो पी वन क्यू जीरो निकाला हमने सेवन फिफ्टी टू डिवाइडेड बाय पी जीरो फोर सिक्सटी फोर हंड्रेड तो कितना आ जाएगा वन टू पॉइंट जीरो सेवन प्राइस इंडेक्स नंबर ओके देन सेकेंड वन पाशेज प्राइस इंडेक्स नंबर पाशे का इंडेक्स नंबर कैसा आएगा तो पी जीरो वन इक्वल टू इस बार रिक्वायर्ड है सिगमा पी वन क्यू वन फोर सिक्सटी एट डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू वन टू नाइनटी टू एंड देन इन टू हंड्रेड सो so, कितना आएगा वन सिक्सटी पॉइंट टू सेवन एंड द लास्ट वन इज फिशर फिशर के लिए क्या करेंगे रूट ऑफ एल इंटू पी सो वन सिक्सटी टू पॉइंट जीरो सेवन टू वन सिक्सटी पॉइंट टू सेवन एंड इनका स्कूल रूट सो वन से हमें सारी करनी है. Okay? तो चलिए यहाँ तक का पार्ट आपको पूरा परफेक्ट करके आना है नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे बढ़ेंगे आप okay? लोग बढ़िया चलिए लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूलेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ तो वेटेड एग्रीगेटिव में देर आर फाइव डिफरेंट फॉर्मूलाज पांच अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट वॉज लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर लास्ट पेयर ने क्या किया है लास्ट पेयर ने बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट माना है दैट मीन्स q जीरो को वेट लिया है किसने लास्ट पेयर ने तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या बन चुका है सिग्मा p1 q0 अपॉन सिग्मा p0 q0 जीरो इन टू हंड्रेड ओके सेकेंड सेकेंड था पाशे पाशे ने वेट किसको माना है करंट ईयर की क्वांटिटी दैट इज q1 को तो फॉर्मूला क्या बनेगा सिग्मा p1 q1 अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड थर्ड फॉर्मूला था कौन सा मार्शल एंड एजवर्थ. नाउ मार्शल एंड एजवर्थ ने क्या किया लास्टेयर एंड पाशे दोनों के वेट्स का एवरेज अर्थमेटिक मीन लिया है तो मार्शल एंड एजवर्थ के लिए वेट क्या हुआ क्यू जीरो प्लस क्यू वन अपॉन तो एवरेज क्वांटिटी को वेट लिया है किसने मार्शल एंड एक्सबर्थ ने अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूले को याद करने की दो ट्रिक्स हमने डिस्कस uh, की थी सबसे पहली ट्रिक क्या थी एंड पाशे दोनों के फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे उन दोनों को ऐड कर देना है लाइक सिग्मा पी वन क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन तो एंड पाशे दोनों का न्यूमरेटर ऐड किया डिवाइडेड बाय लास्ट पेयर एंड पार्शेर दोनों का डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके सेकेंड ट्रिक सेकेंड ट्रिक में क्या करना है न्यूमरेटर में ऑलवेज न्यूमरेटर में ऑलवेज पी वन वाली वैल्यूज होंगी एंड डिनोमिनेटर में ऑलवेज पी जीरो वाली वैल्यूज होंगी ऊपर पी वन एंड नीचे पी जीरो नाउ फोर्थ फॉर्मूला डॉर्बिश एंड बाउले तो डॉर्बेशन बालू ने क्या किया है लास्टेयर एन पाशे के पूरे फॉर्मूले का अर्थमेटिक मीन ले लिया है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे L P L P Fischer. Fischer ने क्या किया है जोमेट्रिक मीन ले लिया किसका पेयर एन पाशे के फॉर्मूले का तो फेशर का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ एल इन ओके तो आर द फाइव फॉर्मूलाज अंडर द हेड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और इनके कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व भी किए थे एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से आपको आगे तक कुछ क्वेश्चन ट्राई करने थे आई होप आप सब ने वो ट्राई किए होंगे अभी हम एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं ठीक है चलिए निकालिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री थ्योरिकल क्वेश्चन आपको दे रखा है फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शियल क्या हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं नो no. सेकेंड में लिखा है मीडियम ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शे एंड थर्ड में लिखा है मोड ये तीनों ही ऑप्शन गलत है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज नेक्स्ट 24 फोर पाशे इंडेक्स इज बेस्ड ऑन पाशे का इंडेक्स किस पर बेस है बेस ईयर की क्वांटिटी या फिर करंट ईयर की क्वांटिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया है इट इज सिंपली करंट ईयर क्वांटिटी। क्वॉंटिटी नेक्स्टी फाइव बाउली ट्वेंटी लास्ट पेयर्स इंडेक्स इज वन एंड पाशेज इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है तो बाउले गिवन है पाशे फाइंड आउट करना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डॉर्बिशन बाउले का चलिए शुरू करते हैं डॉर्बिश एंड बाउले का जो फॉर्मूला है एल प्लस पी अपॉन टू सो बाउले के लिए हम लिख सकते हैं प्लस पी डिवाइडेड बाय टू नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई टू फोर्टी माइनस वन फिफ्टी इज इक्वल टू पी सो फाइनली पासे आ चुका है कितना 90, 90, 90. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सिर्फ हमें शॉर्टकट मैथ अप्लाई करना था डॉर्बेज एंड बाहुले के फॉर्मूले का ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ये नोट कर लिया आपने नाउ ट्वेंटी सिक्स इफ पाशेज इंडेक्स नंबर इज वन फिफ्टी डॉर्बिश एंड बाउलीज इंडेक्स इज 145. फोर्टी फाइव नाउ फाइन करना है हमें फिशर्स इंडेक्स नंबर ठीक है चलिए फिशर का जब हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला वॉट इज द फॉर्मूला फॉर फिशर रूट ऑफ एल इंटू पी रूट ऑफ एल इंटू पी ये हमारा फॉर्मूला है फिशर के लिए क्या ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है तो अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन देखें पाशेस की वैल्यू अवेलेबल है बट लास्ट पेयर्स इज नॉट गिवन लास्ट पेयर की प्लेस पर हमें दे रखा है डॉर्बिश एंड बाउले तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहां से हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट पेयर्स की वैल्यू चलिए वैल्यू पुट करते हैं लास्ट पेयर्स की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो फाइंड आउट करनी है

50. Root of 140 150 रूट ऑफ 140 फोर्टी इंटू वन फिफ्टी चलिए करते हैं दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई किया एंड देन रूट तो कितना आएगा 144.91 फोर्टी ऑप्शन नंबर डी सो अगर हमें इस पता है तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इफ फिशर्स इंडेक्स इज वन सिक्सटी इंडेक्स इज वन फोर्टी इंडेक्स तो इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे फिशर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है फिशर इज वन सिक्सटी रूट ऑफ लास्ट पेयर 140। वन फोर जीरो नाउ रूट अगर हमें हटाना है क्या करेंगे स्क्वाइट वन साइड्स 160 इनटू 160 डिवाइडेड 140 इज़ इक्वल टू एल चलिए सॉल्व करते हैं इसे पहले 160 का स्क्वायर आपने निकाला एंड देन डिवाइडेड बाय 140। सो so, 182.86 आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है हमारी स्क्रीन पे सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन Fine. तो यहाँ तक आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा Next question में शायद आपको doubt आया होगा चलिए देखते हैं काफी लोगों का ये doubt है question 28, कैसे इंडेक्स इज वन फिफ्टी फिशर्स इंडेक्स इज वन फोर्टी पॉइंट नाइन फाइव और हमें फाइंड करना है पाशे तो ऐसे केस में कौन सा होगा डॉर्बिश या फिशर दोनों वैल्यूज गिवन हैं, तो हमें दोनों फॉर्मूलेज यूज तो करने पड़ेंगे चलिए पहले यूज करते हैं बाउले का फॉर्मूला सो बाउलेज इंडेक्स इज 150 फिफ्टी इक्वल टू लास्ट लास्टर्स एल प्लस पी अपॉन टू एल एंड पी दोनों हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें एल प्लस पी Equals टू आ गया कितना थ्री हंड्रेड ये इक्वेशन बना दी है एल प्लस पी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड नाशर का फॉर्मुला अप्लाई करते हैं फिश दन फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव इज इक्वल टू रूट ऑफ एल पी अब क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स एल so, L पी इक्वल्स टू वन फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव का स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है डबल टू फोर एट फाइव डबल टू फोर एट फाइव तो ये दोनों बन गई हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड equation अब हम इसे सॉल्व कैसे करें अगर दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन प्लस में है और दूसरी मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसके फैक्टर्स करना तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा तो इट्स बेटर हम इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग ऑप्शन यूजिंग ऑप्शन तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शन चेक करेंगे जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है तो ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है वही बनेगा हमारा करेक्ट आंसर चलिए कैसे करता है अब ये देखेंगे हमें फाइंड आउट करना था ऑप्शन ए कह रहा है 158। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात मान लेते हैं अगर हम ऑप्शन ए की बात मान लेते हैं कि पाशे 158 है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन पेयर्स कितना आएगा इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग आ जाएगा 142, 142. अब हमें ये वैल्यूज चेक करनी है सेकेंड इक्वेशन में पुट करके नाउ एल इंटू पी एल वन फोर्टी टू पार्शे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 22, 4, 3, 22, जब कि है? जबकि इक्वेशन में वैल्यू कितनी तो मैच नहीं हो रहा है डिफरेंस ज्यादा है अगर डिफरेंस नेग्लिजिबल है बहुत कम है लाइक वन और टू नंबर का डिफरेंस है तो इट्स okay. लेकिन क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है तो फर्स्ट ऑप्शन हमें गलत लग रहा है चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं पाशे की वैल्यू है इस बार 154 तो 154 हमने रखा इक्वेशन नंबर वन में तो वहां से लास्ट पेयर्स कितना आ जाएगा लास्ट पेयर्स होगा 146 अब हमें अगेन वेरीफाई करना है यूजिंग इक्वेशन नंबर टू सो 146 फोर्टी सिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है सॉरी वन फोर्टी सिक्स इंटू वन फिफ्टी फोर ये हमें मल्टीप्लाई करना है से एक लास्ट पेय की वैल्यू और दूसरी पाशे की वैल्यू चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा डबल टू फोर एट फोर ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी फोर ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आ चुकी है जो तो थोड़ा सा डिफरेंस है वो होता है ड्यू टू मींस हमारी सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है करेक्ट है ओके okay? तो फिर से एक बार समझ लें हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया सबसे पहले हमने डॉर्बेज एंड बाउले का फॉर्मूला यूज किया और फिर फ्रेशर का फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले यूज करने से हमारी इक्वेशन बन गई इक्वेशन बनने के बाद में यूजिंग ऑप्शन किया फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को satisfy करने की कोशिश की तो जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा दैट विल बी करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ने दोनों को सैटिस्फाई कर दिया हेंस पाशेस इंडेक्स इज 154 154 इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए नोट डाउन कर चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमने टॉपिक किया था दैट वाज़ सिंपल एग्रीगेटिव और फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और अभी हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो पहले सिंपल रिलेटिव था अभी वेटेड रिलेटिव मेथड है तो सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड में हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट वाज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था प्राइस रिलेटिव दैट इज आर और आर कैसे आता है पी वन अपॉन पी जीरो इन हंड्रेड सेकेंड स्टेप सेकेंड था पी जीरो वन इक्वल्स टू यूजिंग अर्थमेटिक मीन क्या लिखा था फॉर्मूला सिग्मा आर अपॉन एन तो यहाँ जो हमने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज किया था दट वाज़ सिंपल अभी हम फिर से अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन वेटेड ओके चलिए लिखें तो मेन हेडिंग आपको लगानी है वेटेड प्राइस रिलेटिव मैथड एंड इसमें लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है फाइंड प्राइस रिलेटिव फर्स्ट स्टेप में फाइंड करना है प्राइस रिलेटिव दैट इज आर और आर कैसे आएगा पी वन अपॉन पी जीरो इन हंड्रेड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे P जीरो वन इक्वल्स टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नहीं करना है इनटू 100 नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिकॉज़ जब हमने r ऊपर कैलकुलेट किया है तो ऑलरेडी इनटू 100 हो चुका है वापस से इनटू 100 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपली सिग्मा rw अपॉन सिग्मा w तो so ये दोनों स्टेप हो गए वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड में ओके लिख चलिए अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 29 पे क्वेश्चन so नंबर 29. कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड तो सीरीज हमें दे रखी है और इसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है सबसे पहले हमें दे रखी है कॉमोडिटी एबीएनसी करंट ईयर की प्राइस बेस इज एंड लास्ट वन इज वेट सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवेन चलिए लिखते हैं शुरू करते हैं कमोडिटी ए बी एंड सी फिर लिखेंगे करंट ईयर प्राइस पी वन बेस ईयर पी जीरो एंड वेट के लिए डब्ल्यू ओके चलिए वैल्यूज पुट करते हैं वैल्यूज दे रखिए ट्वेंटी फोर ट्वेल्व एंड ट्वेंटी सेवन बेसियर का ट्वेल्व एट एंड देन एंड थ्री नाउ वेटेड प्राइस रिलेटिव के लिए अभी जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्टेप दैट इज फाइंड आर तो आर को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं आर तो आर के लिए क्या करना है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड तो सिंपली ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेल्व इंटू हंड्रेड कितना आ जाएगा टू हंड्रेड नेक्स्ट इज ट्वेल इंटू हंड्रेड इज वन फिफ्टी एंड लास्ट वन ट्वेंटी सेवन अपॉन फिफ्टीन इंटू हंड्रेड कितना आ जाएगा वन एटी वन एटी आर तो आ चुका है नाउ सेकेंड स्टेप में हमें रिक्वायर्ड है आर डब्ल्यू तो आर को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है चलिए कर देते हैं आर इंटू डब्ल्यू फाइव इंटू टू हंड्रेड इज थाउजेंड टेन इंटू वन फिफ्टी इज फिफ्टीन हंड्रेड एंड देन थ्री इंटू वन एटी इज फाइव फोर जीरो टोटल टोटल आएगा थ्री जीरो फोर जीरो एंड इधर वेट का टोटल एटीन सो फाइनली हमारा आंसर लिखेंगे पी जीरो वन इक्वल टू थ्री जीरो फोर जीरो डिवाइडेड बाय एटीन कितना आ जाएगा आंसर वन सिक्सटी एट पॉइंट एट नाइन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो ऑलवेज आपको क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि हमें कौन से मेथड को यूज़ करना है और जैसे ही आपको उस मेथड का नाम पता लग गया तो उसका फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए फॉर्मूला क्लिक होगा तभी हमें पता रहेगा क्या क्या वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है ओके okay? चलिए 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है घर पे आप ट्राई कर ले हो जाएगा ठीक है चलिए थर्टी के बाद नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप इंडेक्स पे तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपको लगानी है दैट इज ग्रुप इंडेक्स ग्रुप इंडेक्स ऑब्लिक करके सेकेंड हेडिंग जो लगेगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स स्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सी एल आई सी एल आई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स करेंगे फिर से और थर्ड नेम लिखना है थर्ड नेम क्या लिखेंगे कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर ऑब्लिक करेंगे और एक और नेम लिखेंगे तो नेक्स्ट नेम क्या लिखना है जनरल इंडेक्स तो इतने सारे नेम है इस पूरे टॉपिक के फर्स्ट वन इज ग्रुप इंडेक्स सेकंड वन इज सी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स थर्ड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड फोर्थ वन इज जनरल इंडेक्स तो इस टॉपिक के चार नेम है एंड फॉर्मूले सिर्फ दो जी हाँ बिल्कुल दो ही फॉर्मूलेज हैं और वो दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो नया फॉर्मूला हमें यहां पर नहीं पढ़ना है सिर्फ ये देखना है कि पहले वाले कौन से दो फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर यूज आने वाले हैं नया फॉर्मूला यूज नहीं होगा ओके चलिए बेटर है आपके लिए तो हेडिंग आप लोगों ने डाल दी है और सबसे पहला फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो कौन सा है तो फर्स्ट फॉर्मूला इज प्राइस इंडेक्स नंबर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर दैट इज सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेड ये फार्मूला अप्लाई होगा किसके लिए ग्रुप इंडेक्स के लिए सी एल आई के लिए एंड जो सेकेंड फार्मूला है वो कौन सा है अभी जस्ट जो हमने पढ़ा था वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड यही फॉर्मूला हमें सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू भी लिखा मिलेगा आर की प्लेस पे आई तो आई का मीनिंग भी वही है इंडेक्स नंबर दैट इज पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड तो सिग्मा आर डब्ल्यू लिखे या सिग्मा तो ये दोनों फॉर्मुलेज्लाई होंगे तो याद होना चाहिए अब ये आती, आती है जब हमें क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो हमें पता है ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे बट दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट फॉर्मूला या सेकेंड फार्मूला ये कैसे पता लगेगा तो ये डिपेंड करता है हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है अगर हमें बेस ईयर की क्वांटिटी दिया है एंड करंट ईयर की प्राइस एंड बेस ईयर की प्राइस दे रखी है तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला लेकिन हमें ये सब नहीं दे रखा है सिंपली वेट दे रखा है और प्राइस रिलेटिव दे रखा है तो हम यूज करेंगे सेकेंड फार्मूला तो सिंपली ये डिपेंड करता है किस पे गिवन इंफॉर्मेशन पे अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला यूज करना है ओके okay? तो चलिए आते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द फाइव ग्रुप्स कंबाइन पांच ग्रुप हमें दे रखे हैं क्या करना है जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा फंडा है W आपको दिया है आई दे रखा है इंडेक्स नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे आई इंटू डब्ल्यू चलिए शुरू करते हैं वन ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन फिर टू फिफ्टी इंटू टेन वन सिक्सटी इंटू फाइव ट्वेल्व इंटू थ्री हंड्रेड एंड एट इन टू वन ट्वेंटी फाइव अब इन सबको ऐड कर दें सबका टोटल आपको निकालना है टोटल आ चुका है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड दिस इज आई डब्ल्यू अब रिक्वायर्ड है डब्ल्यू का टोटल फिफ्टीन प्लस टेन इज ट्वेंटी फाइव plus 5 is 30 plus 12 42 and plus 5 is 50 so p01 equals to 9700 upon 15 so 194 option number b is the correct answer okay b is the correct answer थर्टी वन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बिल्कुल सिमिलर है सो दिस इज योर होमवर्क नेक्स्ट थर्टी थ्री थ्योरिटिकल क्वेश्चन है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है ग्रुप इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप इंडेक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है कई बार इसमें मिस्टेक्स हो जाती है सही से आपको आंसर ढूंढ के बताना है फर्स्ट में लिखा है प्राइस रिलेटिव फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस रिलेटिव फॉर प्रीवियस ईयर इनटू हंड्रेड तो ऐसा फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है फर्स्ट इज रॉन्ग सेकंड सिग्मा प्राइस रिलेटिव दैट इज आर इन डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू सी के अंदर भी ऐसा फॉर्मूला लिखा है बट इंटू हंड्रेड किया है तो बी एंड सी दोनों में से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज इन टू हंड्रेड नहीं आता है प्राइस रिलेटिव इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है डिफरेंट है पहले आप इसे आराम से समझ लें उसके बाद में आपको नोट no डाउन करना है बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है क्लास में एक बार समझ में तो आ जाता है लेकिन जब टेस्ट में आता है तो फिर से भूल जाते हैं टेस्ट में आता है फिर से हम भूल जाते हैं एग्जाम में आता है फिर भी भूल जाते हैं तो इसलिए एक बार में आपको एकदम परफेक्ट कर लेना है उसके बाद आप नोट no डाउन करें ठीक है चलिए पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जनवरी टू वॉज वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी हमें क्या दिया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द फूड प्राइस इंडेक्स वॉज वन ट्वेंटी फूड का इंडेक्स वन ट्वेंटी है अदर आइटम इंडेक्स इज वन एटी ये हो गए गिवन इंफॉर्मेशन द परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ फूड प्राइस इंडेक्स इज हमें क्या बताना है परसेंटेज किसका परसेंटेज फूड प्राइस इंडेक्स के वेट का ये हमें फाइंड आउट करना है चलिए सबसे पहला काम क्या है हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी है नंबर ऑफ कमोडिटीज टू या थ्री तो यहीं पर कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट कहते हैं टू और कुछ कह रहे हैं थ्री तो करेक्ट आंसर क्या है देर आर ओनली टू कमोडिटीज टू कमोडिटीज है कौन सी वन इज फूड एंड सेकेंड वन इज अदर आइटम्स फूड एंड अदर इन दोनों का इंडेक्स नंबर हमें दे रखा है कितना दिया है 120 फॉर फूड एंड अदर के लिए 180 अब क्या करना है क्वेश्चन ने कहा फाइंड वेट ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फूड का वेट हमें फाइंड करना है तो क्या हम इसे एक्स मान लेते हैं बिल्कुल हमने एक्स मान लिया किसको? फूड के वेट को क्या अदर आइटम का वेट हमें गिवेन है नो। no. क्या वेट का टोटल हमें पता है बिल्कुल पता है क्या लिखेंगे तो क्वेश्चन ने कहा परसेंटेज में फाइंड करना है एंड का टोटल ऑलवेज हंड्रेड ही होगा सो so, डब्लू का टोटल हमने लिखा हंड्रेड डब्ल्यू का टोटल लिखा है 100. तो अदर आइटम का वेट क्या होगा अदर आइटम का वेट बनेगा 100 माइनस एक्स हंड्रेड माइनस एक्स ठीक है तो सबसे पहले हमने फूड के वेट को एक्स माना वेट का टोटल 100 है तो अदर आइटम का हो गया 100 माइनस एक्स अब हमें सीपीआई दे रखा है तो सीपीआई का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्लू। चलिए सीपीआई की वैल्यू कितनी है 150 इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्लू। तो हम आई को डब्लू से मल्टीप्लाई करते हैं 120 एक्स इधर 18,000 थाउजेंड माइनस वन एक्स ओके चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं अपॉन w w में कितना है 100 अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 3000 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 50 जो हमें फाइंड आउट करना था दैट इज परसेंटेज ऑफ वेट फूड प्राइस इंडेक्स इज फिफ्टी परसेंट तो फिफ्टी क्या है परसेंटेज किसका फूड फूड कि का जो वेट है दैट इज फिफ्टी परसेंट ओके तो इस तरीके से हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है अब हम क्या करेंगे फिर से इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट विद डिफरेंट वैल्यूज एक जगह हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आप लोग इसे पूरा नोट डाउन कर लें एक मिनट का टाइम है हमारे पास और फिर पूरा क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करना है बट विद सम वैल्यूज ठीक है चलिए नोट कर लें इसे चलिए अब आपको क्या करना है यही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है लेकिन इस बार चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आपको लेना है 135 थर्टी फाइव रेस्ट क्वेश्चन सेम बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है अब आपको आगे सॉल्व करना है ठीक है चलिए शुरू कीजिए Rest all is same. पहले आपको अपने आप सॉल्व करना है फिर अपना आंसर मैच करेंगे ठीक है चलिए हो गया सवाल अब तक हो जाना चाहिए आपका आंसर कितना रहेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट तो ये आ चुका है हमारा वेट अब हमें क्या करना है अगर फूड का वेट सेवेंटी फाइव है तो अदर का कितना होगा ऑफ़ ट्वेंटी फाइव परसेंट अब बात ही आती है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका है कोई शॉर्टकट मेथड है तो बिल्कुल है तो पहले हमें ये समझना था ये आप लोगों ने समझ लिया अब इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे शॉर्ट ट्रिक क्या है कैसे अप्लाई होगी वो देखेंगे तो सबसे पहले ये देखें जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है दैट वाज 135 फिर था फूड इंडेक्स 120 ट्वेंटी एंड अदर्स का 180. तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है इधर फूड का सीपीआई से कंपैरिजन करना है तो 120 ट्वेंटी एंड वन इनका डिफरेंस कितना है 15. फिर आपको सीपीआई एंड अदर को कंपेयर करना है और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 45. 45. फाइव अब आता है इनका रेशियो रेशियो कितना बना वन इज टू थ्री इसे इंटरचेंज कर देट इज थ्री इज टू वन थ्री इज टू वन ये आ चुका है आपका वेट का रेशियो वेट का रेशियो तो थ्री इज टू वन अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा तो फूड के लिए हम लिख सकते हैं थ्री बाय फोर इंटू हंड्रेड

चलिए अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी के ऊपर भी ये ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। सीपीआई एंड अदर्स वन एटी अब कंपेयर करते हैं वन थर्टी एंड वन फिफ्टी का डिफरेंस थर्टी और इधर भी कितना है थर्टी सो वन इज टू वन इंटरचेंज भी आपका कर अगर करते हैं तो भी आएगा इक्वल रेशियो तो दोनों का वेट सेम होगा फिफ्टी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे भी आप नोट करना चाहें कर लें तो ये शॉर्ट ट्रिक की हमें एग्जाम में ज्यादा हेल्प करती है हमारा टाइम वहीं सेव होगा Hours में पूरा पेपर सोल्व करना okay? तो इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जो हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे और जहाँ तक पॉसिबल हो आपको सारे फॉर्मुलेज एक साथ में लिखने हैं और जहाँ फॉर्मुलेज लिख रहे हैं उसके साथ में ये ट्रिक्स भी नोट डाउन करके रखें ताकि लास्ट टाइम में आपने से फॉर्मुलेज देखें ट्रिक्स देखी और आपका पूरा सब्जेक्ट का रिविजन हो जाएगा ओके okay? चलिए अब इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और बचा है वो भी फिनिश कर लेते हैं ताकि हमारा यहां तक का जो ओवरऑल पार्ट है आज फिनिश हो जाए सो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पहले क्वेश्चन हमें लेने दिख रहा है हम इसे समझ लें क्या हमें गिवन है इन 2014 फोर्टीन फॉर वर्किंग क्लास पीपल वीट वाज सेलिंग एट एन एवरेज प्राइस ऑफ रुपीज सिक्सटीन पर ट्वेंटी के जी हमें दिया है हाउस रेंट रुपीज थर्टी पर हाउस एंड अदर आइटम्स एट रुपीज टेन पर यूनिट तो इन टोटल देर आर फोर कॉमोडिटीज चलिए हम इसे एक बार लिख भी लेते हैं साइड में ट देन क्लोथ हाउस रेंट एंड अदर आइटम टू थाउजेंड फोर्टीन वैल्यूज दे रखिए सिक्सटीन टू थर्टी एंड टेन ये अभी तक की इंफॉर्मेशन अब आगे क्या दिया है बाय टू थाउजेंड फिफ्टीन कॉस्ट ऑफ वीट रोज बाय रुपीज फोर पर ट्वेंटी के जी वीट की प्राइस फोर से राइज हो गई तो सिक्सटीन प्लस फोर कितना बन जाएगा ट्वेंटी रुपीज तो टू थाउजेंड फिफ्टीन में वीट की प्राइस हो गई ट्वेंटी रुपीज आगे लिखा है हाउस रेंट बाय रुपीज फिफ्टीन हाउस रेंट फिफ्टीन से इंक्रीज हो गया तो थर्टी प्लस फिफ्टीन इज फोर्टी फाइव अदर आइटम्स डबल टेन का ट्वेंटी हो गया वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर दर टू थाउजेंड फिफ्टीन विद्य दे रखा है सी एल आई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या करना है बाय हाउ मच डिड क्लोथ रोज इन प्राइस क्लोथ की प्राइस कितनी से राइज हुई है ये हमें बताना है तो क्लोथ की प्राइस हमें फिफ्टीन की गिवेन नहीं है क्या ज्यूम कर लेंगे इसे एक्स हमने क्लोथ की प्राइस को एक्स अज्यूम कर लिया तो 14 हमारा बेस ईयर है दैट एंड हमारा करंट ईयर है पी वन। और अब हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है दो ही फॉर्मूले हैं पहला लास्ट पेयर्स एंड दूसरा वेटेड प्राइस रिलेटिव या सिंपल प्राइस रिलेटिव भी हम कह सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले ये सोचना है क्या लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा या नहीं के लिए हमें क्या चाहिए क्वान्टिटी ऑफ बेस दिसर क्यू जीरो में गिवन है? है और ट्वेंटी के जी क्या ये ट्वेंटी के जी हमारी क्वान्टिटी है नौ no, ये सिंपली यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये क्वान्टिटी नहीं है क्लोथ रुपीज टू पर मीटर ये भी यूनिट है क्वान्टिटी नहीं है तो कुल मिलाकर हमें क्वान्टिटी नहीं दे रखी है अगर क्वांटिटी नहीं है तो लास्ट पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमें वेट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में वेट नहीं है दैट मीन सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल हो गई तो हम सीधा सा सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड यूज कर सकते हैं तो सिग्मा आर अपॉन एन ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो इसके लिए हमें आर फाइंड आउट करना है आर का मतलब क्या है प्राइस रिलेटिव चलिए कैसे करेंगे ट्वेंटी पी वन अपॉन पी जीरो सिक्सटीन इंटू हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव देन एक्स अपॉन टू इन टू हंड्रेड इज फिफ्टी एक्स देन वन फिफ्टी एंड लास्ट वन इज टू हंड्रेड आ चुका है आर अब करते हैं इसका टोटल तो 475 सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टी एक्स नो अप्लाइंग द फॉर्मूला सिग्मा आर तो आ चुका है डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ कमोडिटीज कितने गिवन है फोर तो हमने लिखा फोर इज इक्वल टू वन सिक्स जीरो नो फिफ्टी इक्वल्स टू कितना आएगा सिक्स फोर्टी माइनस फोर सेवेंटी फाइव तो एक्स इक्वल्स वन सिक्सटी फाइव अपॉन फिफ्टी सो वन सिक्सटी फाइव बाई फिफ्टी कितना होता है थ्री पॉइंट थ्री आ गई है एक्स की वैल्यू क्या ये हमारा फाइनल आंसर है नो, दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या था बाय हाउ मच डिड क्लोथ रोज इन प्राइस क्लोथ की प्राइस कितने से राइज हुई है ये हमें बताना है तो अभी आई है 3.3 2015 की प्राइस ठीक है ये है 2015 की प्राइस हमें बताना है उसमें चेंज कितना हुआ है इंक्रीज कितना हुआ है तो पहले प्राइस क्या थी पहले थी टू अभी हमने लेस कर दिया तो फाइनल आंसर इज 1.3 तो 1.3 से क्लोथ की प्राइस राइज हो गई है ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर चलिए नोट डाउन कर लें इसे तो यहां पर फिनिश होता है हमारा टॉपिक वेटेड प्राइस रिलेटिव एंड उसके बाद वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर तो यहां तक आपको पूरा परफेक्ट करना है एक एक क्वेश्चन को घर जाके रिवाइज करें बिकॉज जब आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप अपने कुछ कॉन्सेप्ट कुछ चीजें जो हमने क्लास में डिस्कस की है उसे लूज करने लगते हैं तो हमें लूज बिल्कुल भी नहीं करना है मार्क्स अच्छे करने है so से क्योर कर एग्जाम में ठीक है तो चलिए इसे आपने नोट no डाउन कर लिया है सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टिल देन टेक केयर बाय बाय हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग चलिए लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसे एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं फास्ट रिवीजन करते हैं और फिर आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे तो चलिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था प्राइस रिलेटिव मैथड एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए देर आर टू स्टेप फर्स्ट स्टेप में फाइंड प्राइस रिलेटिव दैट इज आर और आर कैसे आता है पी वन अपॉन पी जीरो इन टू हंड्रेड एंड देन सेकेंड स्टेप में हमें पी जीरो वन कैलकुलेट करना है एंड यूजिंग अर्थमेटिक मीन तो फॉर्मूला था सिग्मा आर डब्ल्यू अप सिग्मा डब्ल्यू तो ये दो स्टेप है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्राइस रिलेटेड नेक्स्ट नेक्स्ट हमने पढ़ा था जनरल इंडेक्स नंबर ग्रुप इंडेक्स नंबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर

अपॉन सिग्मा w एंड r की प्लेस पे कहीं जगह i भी लिखा मिलता है तो सिग्मा i w अपॉन सिग्मा w दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली exactly वही है सेम है तो लास्ट हमने डिस्कस किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 35 अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दे रखा है इजीली आंसर कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डैश इज यूज कौन से फॉर्मूले को कौन से मेथड को हम यूज करते हैं मार्चलेटवर्थ नो सेकेंड पास डॉबेशन बावले एंड लास्ट वन इज लास्ट पेयर्स। यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लास्ट पेयर्स मेथड। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हमें फॉर्मूला लिखना है किसका सी एल आई का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सिग्मा पी एन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो इन टू हंड्रेड तो ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है लास्टर्स मेथड का एंड वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं लिए और P1 वन लिखे या पी एन एक ही बात है इट मेक्स नो डिफरेंस तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बाकी सारे ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं सो so आंसर टिक करेंगे ए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो आपको दिया है एंड सिग्मा पी एन क्यू जीरो भी दिया है फाइंड करना है सी एल आई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो सिंपल दो वैल्यूज आपको दे रखी है और पता लग गया होगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है एग्जैक्टली लास्ट मेथड ही हमें काम में लेना है तो चलिए सॉल्व करते हैं पी जीरो वन इक्वल्स टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इन हंड्रेड कितना दे रखा है थ्री एट फाइव जीरो अपॉन थ्री फाइव डबल जीरो इंटू हंड्रेड कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड टेन एक सौ दस वन वन जीरो ऑप्शन नंबर ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे चलते हैं द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स for 2016 on the basis of 2015 from the following data is अब हमें डेटा दे रखा है और फाइंड करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर तो इस बार आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये जज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हमें कमोडिटीज फ्रॉम A टू F देन क्वांटिटी इज कंज्यूम्ड इन 2015 प्राइसेस इन 15 एंड 16 तो दो ईयर की तो प्राइस दे रखी है और एक ईयर की क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो दे रखी है उसे हम क्या कह रहे हैं क्यू जीरो बेस ईयर क्वांटिटी फिफ्टीन की प्राइस पी जीरो एंड सिक्सटीन की प्राइस पी वन ये सब कुछ हमें गिवन है ना कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा सो दिस इज सिंपली योर होमवर्क Okay? अब यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अभी तक हमने बात है सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए लेकिन अब हम करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो जिस तरह से P01 हमने लिखा था फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर सेम वैसे ही हम क्या करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स के लिए लिखेंगे क्यू जीरो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें क्वांटिटी इंडेक्स क्यू जीरो वन सबसे पहले बात आती है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की तो सिंपल एग्रीगेटिव में हमें क्या करना है न्यूमरेटर में आता है क्यू वन डिनोमिनेटर में क्यू जीरो इंटू हंड्रेड एंड क्योंकि एग्रीगेटिव मेथड है तो आगे लगेगा सिग्मा तो सिग्मा क्यू वन अपॉन सिग्मा क्यू जीरो इन हंड्रेड तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ कौन सा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो जिस तरह के फॉर्मूलेज हमने प्राइस इंडेक्स के लिए पढ़े थे सेम वैसे ही फॉर्मुलेज हमें क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी पढ़ने हैं ठीक है तो सिग्मा क्यू वन अपॉन सिग्मा क्यू जीरो इंटू हंड्रेड तो ये तो हुआ सिंपल फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला अब अगर बात आती है वेटेड की वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो वेटेड इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो प्राइस इंडेक्स में हमने क्वांटिटी को क्या लिया था वेट क्वांटिटी वॉज टेकन एज वेट इन प्राइस इंडेक्स नंबर तो फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में वेट किसे लिया जाएगा प्राइस को प्राइस इज टेकन एज वेट इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव में सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लिखेंगे दैट इज द बेसिक फॉर्मूला क्यू जीरो वन इक्वल्स टू सिग्मा क्यू वन इंटू क्या करेंगे प्राइस बिकॉज प्राइस इज टेकन एज वेट डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यू जीरो इंटू पी एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो सिंपली प्राइस इज टेकन एज वेट इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अब आती आती है कौन सी प्राइस हमें कंसिडर करनी है तो अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज आते हैं लाइक like, सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट पेयर्स की लास्ट पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो जिस तरह से हमने लास्ट पेयर का प्राइस इंडेक्स पढ़ा था सेम वैसे ही क्या करना है लास्ट पेयर का क्वांटिटी इंडेक्स अब लास्ट पेयर ऑलवेज वेट किसे लेता है बेस ईयर को तो लास्ट पेयर के लिए यहां वेट होगा बेस ईयर की प्राइस दैट इज पी जीरो तो लास्ट पेड ने पी जीरो को वेट किया है तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या बनेगा सिग्मा क्यू वन पी सिग्मा क्यू जीरो पी जीरो इंटू हंड्रेड सिग्मा क्यू वन पी जीरो अपॉन सिग्मा क्यू जीरो पी जीरो इंटू हंड्रेड तो ये हो गया लास्ट पेयर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ओके इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं बाकी फॉर्मूले भी बना सकते हैं लाइक like, पाशे इज़ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पाशे ने वेट किसको माना है करंट ईयर को सो पी वन इज टेकन एज वेट पी वन को वेट माना है किसने पाशे ने तो अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला क्या लिखेंगे Q01 जीरो वन इक्वल्स टू सिग्मा क्यू वन पी वन अपॉन सिग्मा क्यू P1 पी वन इंटू हंड्रेडमा क्यू वन पी वन अपॉन सेगमा क्यू तो करंट ईयर की प्राइस को वेट माना है किसने पाशे ने तो ये हुआ पाशेज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो इसी तरह से सारे फॉर्मलिज्म बना सकते हैं अगर कहा जाए फिशर का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो फिशर के लिए सिंपली क्या करेंगे रूट ऑफ एल इंटू पी लास्ट इंटू पाशे एंड दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में स्क्वायर रूट ओके तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलेज फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सारे फॉर्मुलेज आपको मग हैं रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सिर्फ फॉर्मूला आपको समझना है ये सारी ट्रिक्स आपको नोट no डाउन कर लेनी है बेस्ट तरीका क्या है एक सेपरेट नोटबुक बना लें जिसमें सारे, सारे के सारे फॉर्मुलेज आपके होंगे स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के ओके और उसके अलावा जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो सारी आप साथ, साथ में नोट no डाउन कर लें जितने भी ट्रिक्स है वो सारी उसमें नोट no डाउन करेंगे ओके okay? चलिए अब लिखते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर जिस तरह से हमने पढ़ा क्वांटिटी इंडेक्स वैसे ही हम क्या लिखेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर वैल्यू इंडेक्स नंबर तो वैल्यू इंडेक्स को कैसे लिखा जाएगा वी जीरो वन और v01 से फॉर्मूला क्या बनेगा सिग्मा v1 वन अपॉन सिग्मा वी जीरो इंटू ये बन गया वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला v1, v1 को हम क्या लिख सकते हैं p1 वन इंटू क्यू वन पी वन इंटू क्यू वन अपॉन V0 को क्या लिख सकते हैं पी जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो वैल्यू इंडेक्स के लिए बस ये एक ही फॉर्मूला है और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है ओके तो पहले सिग्मा V1 सिग्मा अपॉन एंड वैल्यू का मतलब क्या होता है प्राइस इंटू क्वानिटी वैल्यू सिंपली मीन्स प्राइस इंटू क्वान्टिटी लाइक एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लें हमें अगर पेन परचेज करना है एक पेन की प्राइस है रुपीज टेन प्राइस पर पेन इज रुपीज टेन और हम परचेज करते हैं फाइव पेन्स फाइव यूनिट्स हमने पेन के परचेज किए तो टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा टेन इंटू फाइव दैट इज फिफ्टी तो ये फिफ्टी क्या हो गई वैल्यू तो वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वान्टिटी तो वी वन की प्लेस पे हमने लिखा पी वन इंटू क्यू वन एंड वी जीरो की प्लेस पे पी जीरो इंटू क्यू जीरो ओके, okay, अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी कमोडिटीज में गिवन है देन क्यू जीरो पी जीरो एंड क्यू वन एंड पी वन ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है फाइंड करना है लास्ट पेयर्स एंड फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तीनों का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पूरी टेबल बना लेंगे कमोडिटीज ए बी एंड सी अब इन सबके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है लास्ट पेयर्स के लिए हमें चाहिएगा क्यू वन पी एंड Q0 P0 पी पाशे के लिए रिक्वायर्ड होगा Q1 P1 पी वन एंड क्यू जीरो तो ये सारी वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट कर लें चलिए Q1 P0 पहले हम फाइंड आउट करते हैं Q1 P0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सो टू इंटू सिक्स इज ट्वेल्व फाइव इंटू टू इज टेन एंड सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट टोटल तो यहां से हमारा टोटल आएगा फिफ्टी अब आते हैं क्यू जीरो पी जीरो पे सो टू इंटू टू इज फोर फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव एंड सेवन इंटू सेवन इज फोर्टी नाइन अब इसका टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन प्लस फोर फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव कितना हो गया सेवेंटी एट नेक्स्ट क्यू वन एंड पी वन इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इज वन जीरो एट टू इंटू टू इज फोर एंड फोर इंटू ट्वेंटी फोर इज नाइनटी सिक्स कितना हो जाएगा 208, 208. Next is Q0 P1, Q0 नेक्स्ट इज So 2 into 18 is 36, 5 into 2 is 10, and 7 into 24, 7 into 24 करें तो कितना आ जाएगा 168. तो सारी वैल्यूज आ चुकी है अब इसका टोटल कर लें। वन सिक्सटी एट प्लस टेन इज वन सेवेंटी एट एंड वन सेवेंटी एट प्लस आपको करना है थर्टी सिक्स तो कितना हो जाएगा टू हंड्रेड एंड फोर्टीन टू हंड्रेड फोर्टीन तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है अब हमें सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है सबसे पहले लास्ट पेयर्स क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर तो लास्ट पेयर्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे सिग्मा क्यू वन पी जीरो अपॉन सिग्मा क्यू जीरो पी जीरो इंटू हंड्रेड सो पी वन क्यू जीरो क्यू वन पी जीरो हमें कैलकुलेट किया है फिफ्टी एंड क्यू जीरो पी जीरो आ चुका है 78 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. चलिए सॉल्व करते हैं इसे कितना आएगा 50 अपॉन 78 एट इंटू हंड्रेड सिक्सटी फोर ये आ गया लास्ट पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सेकेंड सेकेंड रिक्वायर्ड है पाशेज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो so Q01 इक्वल्स टू सिग्मा Q1 P1 पी वन अपॉन सेगमा क्यू जीरो पी तो कितना दे रखा है 208 जीरो एट अपॉन टू वन कितना आ जाएगा नाइन्टी सेवन पॉइंट टू ये आ गया पाशेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड नाउ द लास्ट वन लास्ट कौन सा फाइंड करना है फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सो क्यू जीरो वन इक्वल्स टू सिंपली क्या करेंगे रूट ऑफ एल इन पी तो सिक्सटी फोर पॉइंट वन इंटू नाइनटी सेवन पॉइंट टू इनका स्क्वायर रूट करते हैं और फिर देखें कितना आ जाएगा सेवेंटी एट पॉइंट नाइन थ्री सो दिस इज फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो बिल्कुल प्राइस इंडेक्स की तरह ही हमें सारी ट्रिक्स सारा तरीका अपनाना है उसमें कोई चेंजेस नहीं है ओके नोट डाउन कर लें इसे सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कंप्यूट फेशमूला एंड इंडेक्स फॉर्मूला से हमें यूज करना है क्वांटिटी इंडेक्स फ्रॉम द गिवन बिलो तो इंडेक्स नंबर कौन सा निकालना है फिशर का एंड वो भी कौन सा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है एक बार देख लेते हैं प्राइस एंड वैल्यू प्राइस के बाद आपको वैल्यू दे रखी है क्वांटिटी नहीं है तो इस बार हमें क्वॉंटिटी कैल्कुलेट करनी पड़ेगी तो अगर प्राइस पी जीरो है वैल्यू वी जीरो है तो क्यू जीरो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिमिलरली प्राइस पी वन वैल्यू वी वन तो हमें क्वान्टिटी क्यू वन को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यू जीरो एंड क्यू ये दोनों पहले हमें फाइंड आउट करने होंगे उसके बाद ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है और उसी तरह से आपको सॉल्व करना है तो दिस इज सिंपली योर होमवर्क ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू द वैल्यू इंडेक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ तो वैल्यू इंडेक्स का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है ये बताना है ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है सिग्मा पी वन क्यू वन अपन सेगमा बिल्कुल सही फॉर्मूला है बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रॉब्लम है सो ऑप्शन नंबर ए इस करे नेक्स्ट फोर्टी थ्री द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू अब वैल्यू इंडेक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है फर्स्ट वन द टोटल सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ गिवेन ईयर मल्टीप्लाईड बाय द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बेसियर क्या हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नो no, मल्टीप्लाई नहीं डिवीजन होता है तो फर्स्ट इज रॉन्ग सेकंड, द टोटल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बेस ईयर यानी कि सिग्मा वी वन अपॉन होता है सिग्मा वी जीरो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सी में लिखा है टोटल सम सम इज इनकरेक्ट एंड समीज तो फाइनली आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी ए तो एक कमोडिटी है कौन सी ए उसमें प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है पर यूनिट तो देखें वैल्यूज एंड क्वांटिटी ये दो चीज हमें दे रखी है क्वांटिटी पता है वैल्यू पता है सो वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इन टू क्वान्टिटी अब हमें ए के लिए फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू है फाइव हंड्रेड ए की प्राइस फाइंड करनी है एंड क्वांटिटी इज हंड्रेड तो प्राइस कितनी आ जाएगी रुपीज फाइव तो पांच रुपए है प्राइस ऑफ कमोडिटी ए एके अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी तो पहले आपको अपने थियोरिटिकल पोर्शन में निकालना है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी सो पॉइंट नंबर ट्वेंटी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी सो अब हमें बेसिकली क्या करना है फॉर्मुलस की टेस्टिंग करनी है अभी तक हमने जो भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनमें से कौन सा फार्मूला सबसे बेस्ट है ये हमें फाइनलाइज करना है जज करना है फ्रॉम दिस टेस्ट तो वो टेस्ट जो या ऐसा फार्मूला जो सबसे ज्यादा टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा ऐसा फार्मूला जो सबसे ज्यादा टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे बेस्ट फार्मूला तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बेसिकली फार्मूलेज की टेस्टिंग करता है कि कौन सा फार्मूला कितने टेस्ट को पास करता है ओके, सो देर आर फोर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, इस पे भी क्वेश्चन बनता है तो हमें याद होना चाहिए देर आर फोर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, फोर फोर टेस्ट होते हैं, हैं? कौन से फर्स्ट एडिक्स टाइम रिवर्सल टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट थर्ड वन इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड लास्ट वन सर्कुलर टेस्ट तो ये चार टेस्ट है एडिक्वेसी में अब इन चारों की हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं इन सारे पॉइंट्स में हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है इन सारे पॉइंट्स में सिर्फ दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं सबसे पहला क्या है सबसे पहला ये है उस टेस्ट की कंडीशन क्या है वॉट इज द कंडीशन फॉर दैट टेस्ट एंड सेकेंड वन इज ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जो उस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले उस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो ये दो बातें हमें याद रखनी है फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट चलिए सबसे पहला टेस्ट हम पढ़ते हैं व्हिच इज यूनिट टेस्ट ये देखें दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट इन विच प्राइसेस एंड क्वान्टिटीज आर कोटेड हमारा फॉर्मूला ऐसा हो कि अगर हम क्वांटिटी को बदल दें चेंज कर दें तो उसका इफेक्ट इंडेक्स नंबर पे नहीं आना चाहिए जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन किए थे किलोग्राम का हंड्रेड किलोग्राम कन्वर्ट कर दें तो उससे हमारा आंसर हमारा इंडेक्स नंबर चेंज हो जाता है तो ये टेस्ट यही बताना चाह रहा है फॉर्मुला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट इन विच प्राइस एंड कोटेड यानी कि यूनिट को बदलने से यूनिट को बदलने से इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये है हमारी कंडीशन फॉर यूनिट टेस्ट अब देखिए कौन सा इसे सैटिस्फाई करता है एक्सेप्ट फॉर सिंपल एग्रीगेटिव सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़ के बाकी सारे फॉर्मूले सेटिस्फाई करते हैं यूनिट टेस्ट को तो जो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड तो ये उसका ड्रॉबैक है तो उसको छोड़ के बाकी सारे फॉर्मूलेज यानी कि लास्ट पेयर पाशे फेशर बाकी सारे फॉर्मूले इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं ओके चलिए सेकंड सेकंड वन इज टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कंडीशन है पहले वो देखेंगे दिस टेस्ट प्रोवाइड्स दैट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट टू the करंट ऑन बेस एंड बेस ऑन करंट कौन से दो रेशियो एक तो करंट ऑन बेस दूसरा base on current. ये दोनों रेशियो को अगर मल्टीप्लाई किया जाए अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो शुड रिजल्ट इनटू यूनिटी उसे वन आना चाहिए अगर दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट वन आता है तो फिर ये यह हो जाएगा तो इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली हम लिखेंगे P01 into P10 1. तो P01, जीरो का मतलब क्या हुआ बेस ईयर एंड वन इज द करंट ईयर. तो जीरो इज ईयर एंड वन इज करंट लेकिन बाद में हमने क्या किया जीरो की प्लेस पे लिखा है वन एंड वन की प्लेस पे जीरो तो हमने इसे इंटरचेंज कर दिया तो बेस बन गया करंट एंड करंट बन गया बेस और इनका प्रोडक्ट होना चाहिए यूनिटी दैट इज वन ओके सो दिस इज द कंडीशन फॉर टाइम रिवर्सल टेस्ट अब कौन से फॉर्मुलेज हैं जो इन्हें सेटिस्फाई करते हैं तो दे आर फोर फॉर्मुलेज चार फॉर्मूले हैं जो इसे सेटिसफाई करते हैं देखें कौन कौन से हैं फर्स्ट वन इज फिशर्स इंडेक्स नंबर फिशर का फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को फिशर के बाद सेकंड नंबर है मार्शल एंड एजवर्थ मार्शल एंड एजवर्थ थर्ड वन वॉल्स एंड फोर्थ वन इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव ये चार फॉर्मूले हैं जो सेटिस्फाई करते हैं किसे टाइम रिवर्सल टेस्ट को फिर से एक बार देखें सबसे पहला फॉर्मूला है किसका फिशर का सेकेंड फॉर्मूला

टाइम रिवर्सल टेस्ट को, ओके, तो तो कंडीशन थी इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, इसको हम और किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? इस तरह से लिखा जा सकता है या फिर पी वन जीरो वन अपॉन पी जीरो वन तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ओके नाउ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट थर्ड टेस्ट आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अब इस टेस्ट में कंडीशन क्या है पहले ये समझते हैं दिस होल्ड्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स सिंपल कंडीशन क्या है अगर प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई किया जाए क्वांटिटी इंडेक्स से तो इनका रिजल्ट क्या होना चाहिए वैल्यू इंडेक्स दैट इज बी जीरो वन तो टी जीरो वन इन क्यू जीरो वन इक्वल्स टू वी जीरो वन ये है कंडीशन फॉर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड वी जीरो वन का मतलब क्या है सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो तो अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है दैट मींस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किड्स सैटिस्फाइड तो दिस इज द कंडीशन अब बात आती है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इस टेस्ट को सैटिस्फाई करता है तो वन एंड ओनली दैट इज फिशर फिशर्स इंडेक्स नंबर सैटिस्फाईज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सो सिर्फ एक ही फार्मूला है और दूसरा कोई फार्मूला नहीं है जो सैटिस्फाई करे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को ओके तो कंडीशन क्या थी प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स ओके तो ये हमारी सिंपल कंडीशन नाउ द लास्ट टेस्ट इज सर्कुलर टेस्ट अब सर्कुलर टेस्ट में क्या होता है बड़ा सा कंडीशन ये देखें इट इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस क्या मेजर हो रहा है प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर पूरे साल में प्राइस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड वेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट इम्पोर्टेंट क्या है जब हम बेस ईयर को शिफ्ट करते हैं बार बार चेंज करते हैं तब यूज होता है सर्कुलर टेस्ट कैसे होता है वो समझते हैं लाइक like, सबसे पहले हमारा बेस ईयर जीरो जीरो से हम आए वन ईयर पे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड लास्ट में वापस चले गए जीरो पे तो जब हमने पी जीरो वन कैलकुलेट किया तो जीरो वाज़ वाज़ द द बेस बेस जीरो में फिर हमने कैलकुलेट किया पी वन टू तो वन बना हमारा बेस बेसियर फिर कैलकुलेट किया हमने पी टू थ्री उस पॉइंट पे टू वाज़ द बेसियर एंड लास्ट में पी थ्री जीरो तो उसमें थ्री वॉज द बेसियर ओके हर बार बेसियर चेंज होता जा रहा है और एक पूरी चेन बन रही है अगर ये पूरी चेन बनती है और इसका प्रोडक्ट कितना आता है वन, सर्कुलर टेस्ट इस कंडीशन को हम किस तरह से लिखेंगे पी जीरो वन इंटू पी वन टू इंटू पी टू थ्री एंड देन इंटू पी थ्री जीरो इज इक्वल टू वन सब का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए इक्वल टू वन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एंडिंग एट जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो पे फिनिश हो रहा है तो इस पूरी चेन का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए वन ओके okay? तो ये है कंडीशन फॉर सर्कुलर टेस्ट फाइन तो सर्कुलर टेस्ट क्यों कह रहे क्योंकि जीरो से वापस जीरो पे एक पूरा सर्कल बन रहा है तो इट इज नोन एज सर्कुलर टेस्ट फाइन चलिए फिर से एक बार समझ लें सर्कुलर टेस्ट कब यूज होता है जब हम बार बार बेस ईयर को शिफ्ट करते हैं चेंज करते हैं जीरो से वन वन से टू टू से थ्री एंड सो ऑन हमने सिर्फ थ्री लिया अगर ज्यादा इयर्स हो तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर एंड आगे तक ओके चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फॉर्मुलेज हैं जो सेटिस्फाई करते हैं सर्कुलर टेस्ट को तो सबसे पहला फॉर्मूला है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव सेकेंड वेटेड एग्रीगेटिव विदेड एग्रीगेटिव मैथड फिक्स वेट एंड थर्ड वन सिंपल एग्रीगेटिव मैथड तो ये तीन मेथड हैं जो सेटिस्फाई करते हैं सर्कुलर टेस्ट को, ओके okay? अब देखें सर्कुलर टेस्ट इज समवॉट सिमिलर टू टाइम रिवर्सल टेस्ट बिकॉज वहां भी कुछ कंडीशन इसी तरह से थी पी जीरो वन एंड पी वन जीरो इज इक्वल टू वन बस डिफरेंस क्या था वहां सिर्फ इयर्स दो ही थे एक बेस ईयर और दूसरा करंट ईयर जीरो से वन वन से जीरो और इनका प्रोडक्ट इक्वल टू वन तो सर्कुलर टेस्ट इज सिमिलर टू टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट सर्कुलर टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट सर्कुलर टेस्ट एक्सटेंशन है किसका टाइम रिवर्सल टेस्ट का बिकॉज वहां सिर्फ दो इयर्स थे और यहाँ पे मोर देन टू ईयर्स होते हैं फाइन सो थ्री फॉर्मुलेस कौन से हैं सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ

यानी कि अगर हम यूनिट को चेंज कर दें तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए देन कौन उसे सैटिस्फाई करता है तो एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑल अदर फॉर्मूलाज सैटिस्फाई यूनिट टेस्ट सेकंड सेकंड कौन सा है सेकंड वन इज टाइम रिवर्सल टेस्ट कंडीशन क्या है p01 into p10 दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए इक्वल टू 1 देन थर्ड वन थर्ड अच्छा uh, उससे पहले सेकंड टेस्ट में कौन कौन उसे सेटिस्फाई करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फिशर्स इंडेक्स नंबर सेकंड वाज मार्शल एंड एजवर्थ थर्ड वन वॉल्स एंड फोर्थ वन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव तो ये चारों फॉर्मूले सेटिस्फाई करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को थर्ड वन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो कंडीशन पी जीरो वन

ये हो गए हमारे चारों टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। अब आपको सोच के बताना है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सारे टेस्ट, चारों टेस्ट चारों को करता है, करता है, सोच के बताए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है क्या वो फिशर है ना। फिशर नहीं है क्योंकि फिशर सर्कुलर टेस्ट को नहीं करता तो और कोई फॉर्मूला

आइडियल इंडेक्स नंबर तो फिशर को बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है ओके देन अब करते हैं हम सीधा इसके क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इस पर बेस्ड चलिए क्वेश्चंस पे आ जाए सो क्वेश्चन नंबर 45 द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सैटिस्फाइड टू कौन टाइम रिवर्सल को सैटिस्फाई नहीं करता है सबसे पहला ऑप्शन लिखा है फिश फिशर तो इसे सेटिस्फाई करता है हमने पढ़ा है मार्शल एनेजवर भी करता है लास्ट पर इन पार्शल ये दोनों इसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो करेक्ट आंसर इज सी ओके बिकॉज फिशर एंड मार्शल इसे सेटिस्फाई करते हैं तो आंसर इज सी लास्ट पर इन पार्शल इसे सेटिस्फाई नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इज फॉल्स स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हमें ढूंढना है पहला ऑप्शन दे रखा है बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन लास्टर्स प्राइस इंडेक्स नंबर सेकेंड ऑप्शन फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट एंड पास थर्ड वन लास्टर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट तो इन तीनों में से फॉल्स कौन सा लग रहा है तो so, सबसे पहले तो हमने देखा लास्टर में ईयर का यूज होता है ये तो करेक्ट है इंडेक्स इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन नो न होता है जोमेट्रिक मीन तो बी ऑप्शन हमें फॉल्स लग रहा है थर्ड वन लास्ट पेयर डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बी कि दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट वन इज फोर्टी सेवन सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेड बाय कौन सर्कुलर टेस्ट को सैटिस्फाई नहीं करता है यह बताना है फर्स्ट वन इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव तो क्या करता है बिल्कुल करता है सेकेंड वेटेड एग्रीगेटिव विद वेट ये भी सेटिस्फाई करता है बट लास्ट लास्टर पाशन फिशर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करते नेक्स्ट फोर्टी एट विच इज फॉल्स स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हमें पता लगाना है तो करंट ईयर प्राइसेस आर टेकन एज वेट इन पार्शेज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करंट ईयर की प्राइस को क्या मानते हैं वेट किसमें पाशे में करेक्ट है बी फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज सैटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये भी करेक्ट है थर्ड वन सम ऑफ बेस एंड करंट पीरियड इज टेकन एज वेट इन लास्ट ईयर नो लास्ट ईयर में तो हम वेट लेते हैं किसे बेस को तो ऑप्शन नंबर सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट फोर्टी नाइन नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी सो दे आर फोर फोर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी नेक्स्ट फिफ्टी टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय कौन सेटिस्फाई करता है फर्स्ट ऑप्शन इज फिशर बिल्कुल सही है लेकिन बाद में लिखा है पाशी एंड लास्ट पेयर्स वो दोनों इनकरेक्ट सो करेक्ट आंसर इज फिशर्स इंडेक्स नंबर 51, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सैटिस्फाई डैश टेस्ट फिशर किसी करता है फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिट टेस्ट एंड सेकंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो ये दोनों को सैटिस्फाई करता है आंसर टिक करेंगे सी बोथ बोथ ए एंड बी फिफ्टी टू द सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला विथ फिक्स वेट सेटिस्फाई ये दोनों किसे करते हैं द लास्ट वन दैट इज सर्कुलर टेस्ट तो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं फिफ्टी फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई डैश टेस्ट किसको सेटिस्फाई नहीं करता है सिंपल आंसर सर्कुलर टेस्ट तो सर्कुलर को सेटिस्फाई नहीं करता बाकी तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है फिशर नेक्स्ट वन इज 54 फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स गलत कौन सा है ये बताना है फर्स्ट वन सिंपल एग्रीगेटिव

नेक्स्ट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिसफाई डैश टेस्ट तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन किससेस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को ऑप्शन नंबर ए डैश इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन एक्सटेंशन था सर्कुलर टेस्ट ऑप्शन नंबर बी

तो यहाँ तक हमारा टॉपिक फिनिश होता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिक्स बेस एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर तो यहाँ तक का होमवर्क आपको कंप्लीट करना है प्लस आज जो भी हमने पढ़ा 100 परसेंट आपको रिवाइज करना है ओके बाय बाय टेक केयर सी यू सून हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं आप लोग फाइन तो चैप्टर हमारा चल रहा है इंडेक्स नंबर और इस चैप्टर में अभी तक हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर इन सब के बहुत सारे फार्मूलेज भी हमने डिस्कस किए हैं और फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इन फार्मूलेज की टेस्टिंग भी हमने कर ली है कि कौन सा फार्मूला बेस्ट माना जाता है अब इस रिमेनिंग पार्ट में हमें कुछ और टाइप्स फार्मूलेज डिस्कस करने हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद आर नेक्स्ट टॉपिक तो नोट्स में आपको आ जाना है सीधा पॉइंट नंबर 27 पे चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आपको थ्योरी गिवन है उसका पॉइंट नंबर 27 सबसे पहले हमें दिया है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर हम बात करते हैं पहले फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर की तो जैसा कि वर्ड यहां पर कहना चाहता है फिक्स्ड तो फिक्स कौन है आर बेस ईयर हमारा जो बेस ईयर है जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे वो ऑलवेज क्या रहेगा फिक्स रहेगा तो हमने अभी तक पूरे चैप्टर में वही तो डिस्कस किया था तो ये एक तरह से कोई नया पॉइंट नहीं है क्या लिखा गया है चलिए एक बार देख लेते हैं वेन प्राइसिस आर टू बी कंपेर्ड विद वन फिक्सर देन दिस मेथड इज यूज तो जहां पर कंपेरिजन करना है एक फिक्स्ड ईयर के साथ में तो हम कहेंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज करंट ईयर प्राइस न्यूमरेटर में लिखेंगे करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है बिकॉज़ इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये हुआ हमारा सिंपल फार्मूला और इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो करंट ईयर की प्राइस को हम लिख सकते हैं पी वन या फिर पी एन डिवाइडेड बाय बेस ईयर के लिए लिखेंगे पी जीरो एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके सो पी एन डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू हंड्रेड सेकेंड वन इज चेन बेस इंडेक्स नंबर

And it is also known as link relative. इसे और क्या कहा जाता है लिंक रिलेटिव अब फॉर्मूला क्या है प्राइस ऑफ करंट ईयर न्यूमिनेटर में वही चीज लिखी है कोई बदलाव नहीं है कोई चेंज नहीं है तो करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस पिछले साल की प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और फिर हंड्रेड से फाइनली मल्टीप्लाई करना है ओके, okay, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे करंट ईयर के लिए हमने लिखा पी एन एंड प्रीवियस ईयर के लिए एन से जस्ट पिछला साल तो हम लिखेंगे पी एन माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड पी एन अपॉन पी एन माइनस वन इंटू हंड्रेड ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेन बेस इंडेक्स नंबर अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है ईयर एंड देन प्राइस फाइंड क्या करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर तो चलिए अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसे अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है रिगार्डिंग बेस ईयर देन द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज टेकन एज द बेस ईयर तो 2012 को हम क्या लेंगे बेस ईयर 2012 का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर तो क्योंकि ये बेस ईयर है तो इंडेक्स नंबर में हम लिखेंगे 100 अब बारी आती है 2013 की 13 इज द करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर इज 25 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इज 20 तो हमने लिखा 25 अपॉन 20 100 कितना आएगा 125

बेस ईयर की ट्वेंटी एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो इट इज टू हंड्रेड तो ये हो गया फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अब बात आती है चेन बेस इंडेक्स नंबर की तो चेन बेस में कंपैरिजन ऑलवेज प्रीवियस ईयर से होगा तो फर्स्ट ईयर क्योंकि बेस ईयर है इंडेक्स नंबर विल रिमेन हंड्रेड सेकंड ईयर सेकेंड ईयर में करंट ईयर की प्राइस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई अब यहां से प्रीवियस ईयर कौन सा है 20 प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है 20 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 सो इट इज वन ट्वेंटी अब अगर हम देखें दोनों ईयर्स का इंडेक्स सेम आया है फिक्स बेस एज वेल एज चेन बेस क्या ऑलवेज ऐसा ही होगा नो no. स्टार्टिंग के टू ईयर्स आपको सेम देख सकते हैं बट उसके बाद वाले में वेरिएशन होगा चलिए 2014 का हम फाइंड आउट करते हैं तो इस बार करंट ईयर की प्राइस थर्टी है डिवाइडेड बाय प्रीवियस इंड प्राइस इज ट्वेंटी फाइव एंड तो कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन टू जीरो एंड द लास्ट वन फोर्टी डिवाइडेड बाय थर्टी इनटू हंड्रेड तो फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय थ्री ज वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री दिस इज चेन बेस इंडेक्स नंबर ओके तो चेन बेस में कंपेरिजन प्रीवियस इ होगा वेयर एज फिक्स बेस में ऑलवेज एक फिक्स बेस ईयर होगा वहीं से कंपेरिजन किया जाएगा ओके तो इसी इसी तरह से हमें आगे वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो चलिए आते हैं हम नोट्स के कुछ क्वेश्चंस पे ये नोट कर लिया होगा आपने सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग टू थाउजेंड थर्टीन एज बेस ईयर अब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है कि थर्टीन को हमें लेना है बेस ईयर दैट मींस एक बेस ईयर है जो कि फिक्स हो गया यहां पर हमें बेसिकली फाइंड करना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एफ बी आई एफ बी आई तो यह आप इजीली कर सकते हैं दिस इज योर होमवर्क आंसर आपको स्क्रीन पर दे रखा है फाइन सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कंसिडर द फॉलोइंग डेटा इयर

करंट ईयर की प्राइस कितनी है 16 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर बेस ईयर है हमारा 2000 एंड 2000 की प्राइस क्या है 15 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 सो कितना आ जाएगा 400 ऑप्शन नंबर सी ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट लिंक रिलेटेड ऑल्सो चेन बेस इंडेक्स नंबर तो चेन बेस आपको फाइंड आउट करना है बहुत सिंपल है आप लोगों ने कर लिया है तो आंसर भी आपको स्क्रीन पर दे रखा है सो इट इज सिंपली योर होमवर्क नेक्स्ट सिक्सटी टू फाइंड चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 ओनली 2016 के लिए हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है दूसरा कुछ भी पता नहीं लगाना है चलिए शुरू करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर P01 जीरो वन इक्वल्स टू क्या करेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर करंट ईयर की प्राइस है फोर्टी रुपीज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर पिछले साल की प्राइस कितनी है ट्वेंटी एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कितना आएगा वन सिक्स जीरो वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट डी ऑप्शन बिल्कुल सही है नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर फॉर पीरियड एन इज एक्सप्रेस डेस हमें क्या बताना है लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला दैट मीन्स चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है पी अपॉन पी एन प्लस वन तो एन प्लस वन नहीं होता इट इज एन माइनस वन ऑप्शन नंबर बी में न्यूमरेटर में लिख दिया पी जीरो जबकि न्यूमरेटर में होना चाहिए पी वन या फिर पी सो बी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग अब सी ऑप्शन पी प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय पी एन दिस इज द प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नेक्स्ट वन अब बात आ रही है बेस शिफ्टिंग की अब अगर हमें कोई सीरीज दे रखी है मान लें और उस सीरीज में एक ईयर क्या है हमारा बेस ईयर है अगर हमें लगता है हमारा बेस ईयर पुराना हो चुका है ओल्ड है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे किसी दूसरे ईयर को हम बेस मान सकते हैं लेकिन अगर हमने बेस ईयर को चेंज किया है तो हमें सारे इंडेक्स नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल 2011 से लेके 2018 तक 8 ईयर्स का हमारे पास डाटा है और इसमें हमने 2011 को माना था बेस ईयर लेकिन अब हमें क्या लग रहा है 2011 तो बहुत पुराना हो चुका है हमें तो 2018 को बेस लेना है तो अब जब हम 18 को बेस लेंगे तो बाकी सारे इयर्स का इंडेक्स नंबर हमें फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा रीकैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 2018 ठीक है तो वो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो अब हमें समझना है ठीक है तो इन शॉर्ट बेस शिफ्टिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब हमारा इंडेक्स नंबर या जब हमारा जो बेस ईयर है वो पुराना हो जाता है तो हम उसे न्यू बेस uh, ईयर पे शिफ्ट कर देते हैं ओके okay? तो चलिए पहले हम थ्योरी वाले पार्ट पे चलते हैं वहां एक फॉर्मूला लिखा है उसे समझते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉइंट नंबर शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। तो एक फॉर्मूला हमें बता रखा है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट शिफ्टेड जिस ईयर पे हमें शिफ्ट करना है उस ईयर का प्राइस एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है तो ओरिजिनल इंडेक्स नंबर अपॉन में कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा जिस पर हमें शिफ्ट करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं so ये हमें दे रखा है ईयर इज फ्रॉम टू 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 और इंडेक्स नंबर 100 से लेके 200 तक हमें दे रखा है तो एट प्रेजेंट इस क्वेश्चन में हमारा बेस ईयर कौन सा है तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द गिवन इंफॉर्मेशन जहां पर हमारा इंडेक्स नंबर 100 है तो ये ईयर कौन सा होगा हमारा बेस ईयर एट प्रेजेंट 2013 इज द बेस ईयर बट अब ये हो चुका है ओल्ड पुराना और अब हमें इसे शिफ्ट करना है उजेंड सेवेंटीन क्वेश्चन ने कहा हमारा बेस ईयर शिफ्ट करना है फ्रॉम टू थाउजेंड थर्टीन टू टू थाउजेंड सेवेंटीन बेस ईयर को हमें शिफ्ट कर देना है थर्टीन से सेवेंटीन पे ओके okay? तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है शिफ्टड इंडेक्स नंबर और न्यू इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था फॉर्मूला था ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर न्यूमरेटर में क्या लिखा जा रहा है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन में क्या लिखा गया है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑन व्हिच फर्स्ट कैलकुलेशन okay? तो हम करते हैं 2013 इसका ओरिजिनल इंडेक्स नंबर क्या है हंड्रेड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये उसका ओरिजिनल इंडेक्स नंबर हंड्रेड डिवाइडेड बाई किस पर हमें शिफ्ट करना है 2017 पे तो 17 का इंडेक्स नंबर क्या है 200 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये फिगर आएगा 50 तो शिफ्टेड इंडेक्स नंबर इज 50 ओके okay? चलिए फिर से एक बार देखते हैं 2014 में ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है ओरिजिनल इज 130 डिवाइडेड बाय जिस पर शिफ्ट करना है उसका इंडेक्स नंबर तो 200 है मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 65 65 सिमिलरली 2015 के लिए 150 अपॉन 200 हंड्रेड इंटू हंड्रेड दैट इज सेवेंटी फाइव का 180 एटी अपॉन टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड

करनी है तो एज इट इज हमें फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सिंपली जिस ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है उसे लिखेंगे न्यूमरेटर में में जिसके साथ कंपैरिजन होगा वो लिखा जाएगा डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर फॉलोइंग आर इंडेक्स नंबर ऑफ होल सेल ऑफ कमोडिटी बेस्ड ऑन टू थाउजेंड जो डेटा गिवेन है इसमें इंडेक्स नंबर के सामने हंड्रेड लिखा है कौन सी टू थाउजेंड ट्वेल्व में तो एट प्रेजेंट टू थाउजेंड ट्वेल्व इज द बेस ईयर अब क्वेश्चन ने कहा शिफ्ट द बेस फ्रॉम टू फोर्टीन फोर्टीन को हमें न्यू बेस ईयर बनाना है न्यू ईयर ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन 2012, 13, 14 एंड 15। इंडेक्स नंबर 100, 120, 150 एंड टू टेन फाइंड करना है हमें शिफ्टेड इंडेक्स Okay? 12 is old base year. 14 सबसे पहले so, 2012 की कैलकुलेशन करेंगे ओरिजिनल इंडेक्स नंबर कितना है 100। डिवाइडेड बाय जिस ईयर पे शिफ्ट करना है उसका इंडेक्स नंबर 150 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो so, कितना आ जाएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ओके फॉर टू थाउजेंड थर्टीन दो हजार तेरह के लिए वन ट्वेंटी अपॉन वन फिफ्टी हंड्रेड ये आएगा कितना एट्टी सिमिलरली फॉर टू थाउजेंड फोर्टीन ओरिजिनल इंडेक्स नंबर ओरिजिनल इज 150 फिफ्टी अपॉन बी वन फिफ्टी इंटू हंड्रेड क्योंकि इंडेक्स नंबर तो ही होगा टू हंड्रेड टेन डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी इंटू हंड्रेड इट कम्स आउट टू वन फोर जीरो वन हंड्रेड एंड फोर्टी तो ये हो गया शिफ्टेड इंडेक्स नंबर ओके So, No Noted. Now, question number sixty five The price index number for two thousand one and two thousand two. टू देश टू थाउजेंड आर थ्री ट्वेंटी एंड फोर हंड्रेड रेस्पेक्टिवलीस फॉर टू थाउजेंड वन बेस्ड ऑन टू थाउजेंड टू इज तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें क्या करना है इंफॉर्मेशन को लिखना है एग्जैक्टली हमें गिव इन क्या है तो जो हमें इंडेक्स नंबर दिया है थ्री ट्वेंटी एंड फोर हंड्रेड ये इंडेक्स नंबर कौन से है तो ये क्लियरली मैंशन है टू थाउजेंड वन

गिवन इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे पहले ईयर एक सीक्वेंस में ईयर को अरेंज करेंगे 2000, 2001 एंड 2002 अब इसके बाद इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर 2000 क्योंकि बेस ईयर है तो हमने लिखा 100 वन का 320 एंड टू का 400 तो ये हो गई हमारे बेस ईयर अब क्वेश्चन ने कहा 2002 को बेस मानना है चलिए मान लेते हैं 2002 ये हमारा बेस ईयर है तो न्यू इंडेक्स नंबर और वी कैन से शिफ्टेड इंडेक्स नंबर तो 2002 का तो होगा 100 लेकिन हमें पूछा किसका गया है 2001 का 2001 का ये इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे ओरिजिनल इंडेक्स नंबर इज थ्री ट्वेंटी डिवाइडेड बाय जहां पर हमें शिफ्ट करना है उसका ओरिजिनल इंडेक्स नंबर फोर हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके तो कितना आ गया है एट जीरो दिस इज द इंडेक्स नंबर फॉर टू थाउजेंड वन बेस्ड ऑन टू थाउजेंड टू ऑप्शन नंबर बी तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था अरेंजमेंट गिवन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम अरेंज करेंगे एक टैबुलर फॉर्मेट में ओके नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड सिक्स टेकिंग टू थाउजेंड फोर एज द बेस अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं 2006 का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है 2004 को बेस लेते हुए हैं. तो क्या करेंगे 2006 का इंडेक्स नंबर 160 डिवाइडेड बाय क्या करना है 125 एंड इनटू 100 तो so 128 ऑप्शन नंबर ए ओके अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेस स्प्लाइसिंग बेस स्प्लाइसिंग तो स्प्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है पहले हम ये समझ लें तो स्प्लाइसिंग का मतलब है इंडेक्स नंबर की दो सीरीज को मर्ज करके इंडेक्स नंबर की दो सीरीज को मर्ज करके एक सिंगल कंटिन्यू सीरीज फॉर्म करना दैट इज नोन एज बेस स्प्लाइसिंग ओके तो फिर से एक बार समझ लें इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंडेक्स नंबर सीरीज इनटू वन सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर दो सीरीज़ को मर्ज करना है और एक सिंगल सीरीज हमें बनानी है उसी को हम क्या कहेंगे बेस ओके? Okay? तो चलिए कैसे होता है इसके अंदर काम ये हम समझते हैं विद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को एक बार हाथ से लिख देंगे इन वर्टिकल फॉर्मेट आप लोग भी नोट no डाउन कर लें <coughs> सबसे पहले हम लिख रहे हैं ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 2001 देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये हो गया हमारा ईयर इंडेक्स नंबर सीरीज ए एंड इंडेक्स नंबर सीरीज बी तो सीरीज ए का सारा डेटा हम पहले लिखेंगे हंड्रेड वन ट्वेंटी वन फोर्टी वन एटी एंड टू हंड्रेड सीरीज बी का डेटा हमें गिवन है हंड्रेड वन 160 वन सिक्सटी टू एंड टू ये सारा डेटा है अब करना क्या है सो दीज आर द टू सीरीज सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं जो हमारी सीरीज ए है सीरीज ए में बेस ईयर कौन सा है तो ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हंड्रेड लिखा है 2001 के सामने तो so, 2001 इज नोन एज द बेस ईयर एंड सिमिलरली सीरीज बी के अंदर भी 100 लिखा है इन 2005 तो so, 2005 थाउजेंड भी क्या है बेस so, ईयर है तो दो सीरीज है तो ऑफकोर्स बेस ईयर भी दो ही होने वाले हैं तो so, जो बेस ईयर पुराना है उसे हम क्या कहेंगे तो so, 2001 को हम कहेंगे ओल्ड बेस ईयर एंड 2005 इज नोन एज न्यू बेसियर टू थाउजेंड फाइव इज द न्यू बेसियर ओके अब हमें दो सीरीज नहीं रखनी एक सिंगल सीरीज रखनी है तो ऐसे केस में हमारे पास दो ऑप्शन है या तो हम सीरीज ए को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर हम सीरीज बी को कंटिन्यू कर सकते हैं दोनों में से हम कोई एक चीज कर सकते हैं अगर हमें सिंगल सीरीज मेंटेन करनी है तो तो अगर हम सीरीज ए को कंटिन्यू करते हैं दैट मींस हमें उसके सारे आगे वाले फिगर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। अगर हमें सारे आगे वाले फिगर्स फाइंड करने हैं उसे कहा जाएगा फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और अगर पीछे वाले फिगर्स फाइंड आउट करने हैं जैसे 2005 से पहले वाले फिगर्स फाइंड करने हैं उसे कहा जाएगा बैकवर्ड बैकवर्ड स्प्लाइसिंग तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्प्लाइसिंग ओके अब कैसे करना है इसे सॉल्व तो पहले फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं वी नीड टू कैलकुलेट अ रेशियो फर्स्ट स्टेप में हम एक रेशियो कैलकुलेट करना है अब ये रेशियो कहां से आता है तो रेशियो किसका लेना है टू हंड्रेड एंड हंड्रेड का जो कि हमारा एक कॉमन ईयर है एक ईयर आपको यहाँ पर ऑलवेज कॉमन दे रखा होगा जहाँ पर दोनों इंडेक्स होंगे ओल्ड सीरीज में भी एंड न्यू सीरीज में भी तो ऐसे केस में हंड्रेड ऑलवेज कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में हमें किसे रखना है टू हंड्रेड को फिर से एक बार सुन लें अपॉन में डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या रहेगा हंड्रेड एंड जो अदर वैल्यू है वो रहेगी न्यूमरेटर में तो यहाँ पर गिवन केस में 200 एंड 100 ये वैल्यूज दे रखी है तो रेशियो एक तरह से क्या हो चुका है 2 रेशियो आ चुका है 2 अब हमें करना है फॉरवर्ड स्प्लिसिंग दैट मींस ये सारे आगे वाले फिगर्स हमें कैलकुलेट करने हैं 2006 7 8 एंड 9 ये सारे फिगर्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो चलिए बिगनिंग फ्रॉम 2006 सबसे पहले हम 2006 का फिगर फाइंड आउट करते हैं क्या करना है तो जो हमारा रेशियो आ चुका है इस रेशियो को हम करेंगे मल्टीप्लाई कैसे सीरीज बी वाले इंडेक्स सेन सिक्सटी इंटू टू इज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू फोर्टी इंटू टू इज फोर हंड्रेड एंड एटी एंड टू नाइनटी इंटू टू इज 580 बस इतना सा हमें काम करना है ठीक है चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं आखिर हमने कैसे सॉल्व किया है इसे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए वापस सबसे पहला स्टेप है हमारा रेशियो कैलकुलेट करना रेशियो कहाँ से आएगा जो तो दोनों सीरीज हमें दे रखी है उसमें एक ईयर ऐसा होगा जहाँ पर हमें दोनों के इंडेक्सेस दे रखे होंगे और उसकी हेल्प से हमें रेशियो फाइंड करना है रेशियो में ऑलवेज डिनोमिनेटर में रहेगा 100 और न्यूमिनेटर में होगी अदर वैल्यू विच इज हियर 200 तो रेशियो आ चुका है हमारा 2 अब जब हम फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग करेंगे तो इस रेशियो को हमें मल्टीप्लाई कर देना है इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है और अगर बैकवर्ड स्प्लाइसिंग करेंगे तो तो उस केस में डिवाइड कर देना है ओके okay? फॉरवर्ड के लिए मल्टीप्लाई बैकवर्ड के लिए डिवाइड तो मल्टीप्लाई करते ही ये सारे हमारे इंडेक्स नंबर आ, आ चुके हैं अब बात आती है सीरीज बी की अगर हमें सीरीज बी को कंटिन्यू करना है तो इस बार हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या करना है हंड्रेड डिवाइडेड बाय दिस रेशियो विच इज टू फिफ्टी वन ट्वेंटी अपॉन टू इज सिक्सटी वन फोर्टी अपॉन टू सेवेंटी एंड वन अपॉन टू इज नाइंटी ठीक है तो ये हो गए सारे हमारे बैकवर्ड फिगर्स, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग, फाइन? तो इस तरह से हमें स्प्लाइसिंग करनी है तो क्वेश्चन में गिविंग होगा आपको फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड तो अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं ओके okay? चलिए इसे आप पहले नोट no डाउन कर लें फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टेड चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट

तो उसे कहेंगे बैकवर्ड ठीक है तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड तो इस बार हमें 2005 का find out करना है है, और ये common year के बाद में तो चलिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? रेशियो फाइंड आउट करते हैं And ratio में 100 denominator में, Numerator में रहेगा रखेंगे तो रेशियो आ चुका है वन पॉइंट फाइव और क्योंकि हमें फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो टू थाउजेंड फाइव का इंडेक्स नंबर टू हंड्रेड इंटू वन पॉइंट फाइव इज थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन If 2010 2010 index 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 number number with with base 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 2005 2005 is is 200 and 2005 index number, index with base 2000 2000 150, the index 2010 on the on will be. अब अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है तो बेटर क्या है जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो चलिए अरेंज करते हैं हम पहले ईयर ईयर को ऑलवेज अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर 2000 फिर आ रहा है 2005 फाइव एंड एट लास्ट 2010 टेन अब हम क्या लिखेंगे इंडेक्स नंबर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी क्वेश्चन में द 2010 टेन इंडेक्स जिसमें बेस किसे माना है 2005 को इस 200 तो हमने 2010 के सामने लिखा 200 2005 इस डी बेस ईयर तो इंडेक्स नंबर हुआ 100 ओके नेक्स्ट इनफॉरमेशन क्या है 2005 इंडेक्स विद बेस 2000 इस 150 तो इस बार 5 का इंडेक्स हमें दिया है 150 एंड बेस ईयर है 2000 This is the second series of index number. अब करना क्या है इंडेक्स 2010 बेस्ड ऑन 2000 विल बी तो ये 2010 का इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा इसे समझते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे रेशियो फाइंड आउट करना है रेशियो के लिए 150 फिफ्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड इज वन और अब क्या करेंगे 2010 के लिए फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग करनी है तो 200 Into और यहां पर हमें उसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले ओके बाकी फिगर्स सारे सेम थे आंसर भी वही है थ्री हंड्रेड ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ टू थाउजेंड नाइन विदेंड फाइव तो नाइन का इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है तो ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड पहले ये समझना पड़ेगा तो कॉमन ईयर के बाद वाला फिगर फाइंड आउट करना है कॉमन ईयर के बाद वाला सो इट इज फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग ठीक है तो फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग है तो फर्स्ट स्टेप इज रेशियो फोर ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इज फोर पॉइंट टू और अब 2009 का फिगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट टू कितना आएगा वन फाइव वन टू ऑप्शन नंबर बी ओके सो बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इज सिंपली होमवर्क ओके सेवेंटी वन क्वेश्चन आपका होमवर्क है अब हमने अभी तक जो भी पार्ट किया है एक बार उसे फटाफट रिकॉल कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं तो आज की क्लास में जो हमने शुरुआत की थी देट वॉज फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर तो फिक्स बेस में क्या होता है एक फिक्स ईयर के साथ में जो कि हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है उसके साथ में हमें कंपैरिजन करना होता है तो फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके सेकंड वन इज चेन बेस इंडेक्स नंबर

नया बेस ईयर सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग सारे इंडेक्स नंबर हमें फिर से कैलकुलेट करने होते हैं ठीक है ठीके? तो उसका फॉर्मूला क्या था ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स हमें लिखना है उस ईयर का जहां पर हमें बेस ईयर को शिफ्ट करना है एंड एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इससे हमें सारे न्यू इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे और फिर बात आती है बेस स्प्लाइसिंग की तो स्प्लाइसिंग क्या होता है दो सीरीज को मर्ज करके एक सिंगल फॉर्म करना बेस इट कैन बी फॉरवर्ड और इट कैन बी बैकवर्ड तो फॉरवर्ड अगर है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो रेशियो में अपॉन में ऑलवेज रहेगा हंड्रेड एंड न्यूमरेटर में आ जाएगी उसके ऑपोजिट वाली वैल्यू और फिर अगर फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग है तो हम रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे बैकवर्ड है देन वी विल डिवाइड द रेशियो ओके तो ये हुआ हमारा पार्ट बेस स्प्लाइसिंग तो अब बचाएगा इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज डिफ्लेटिंग ऑफ वेजेस डिफ्लेटिंग ऑफ वेजेस ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो अभी तक का पार्ट सारा कुछ आपको परफेक्ट कर लेना है एग्जाम में इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज ऑन एन एवरेज थ्री मार्क्स तो लगभग थ्री मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं थ्री फिक्स बिल्कुल भी नहीं है कभी ये टू भी हो सकता है कभी फोर या फाइव भी हो सकता है तो हंड्रेड परसेंट फिक्स नहीं है बट एवरेज तीन क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ जाते हैं और एग्जाम में ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे तो लेकिन अगर हमें पूरी प्रैक्टिस कर रखी है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन हम ईजिली अटेंड कर पाएंगे ओके तो आज तक अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय टेक केयर हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग फाइन चलिए चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम आज पहुंच चुके हैं और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज डिफ्लेटिंग अभी डिफ्लेटिंग होता क्या है और यहां पर हमें क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फिर हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफ्लेटिंग अब हम एक सिचुएशन दे रखी है सिचुएशन क्या है किसी पर्सन की सैलरी किसी पर्सन की सैलरी हमें दे रखी है टेन थाउजेंड रुपीज इन द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन दो हजार सोलह में एक पर्सन की सैलरी है टेन और दो साल के बाद में 2018 में उसी पर्सन की सैलरी हो जाती है कितना ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज इंडेक्स नंबर भी हमें दे रखा है 16 का 100 18 का 150. अब इस इंफॉर्मेशन से हमें यह बताना है उस वर्कर को कितना गेन हुआ है या कितना लॉस हुआ है सैलरी में जो चेंजेस आए हैं तो इसकी वजह से उस पर्सन को कितना गेन हुआ है या कितना लॉस हुआ है ये हमें बताना है चलिए ट्राई करें क्या आंसर होना चाहिए तो जैसा कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सैलरी 10 से 12 हो गई मतलब दो हजार रुपये उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ से हमें क्या समझ जा रहा है कि टू थाउजेंड का उस पर्सन को फायदा हुआ है गेन हुआ है लेकिन क्या रियल टर्म्स में उसे फायदा हुआ है या नहीं ये कैसे पता लगेगा उसके लिए हमें यहां पर फाइंड आउट करना है रियल है तो जो लिखा है, है इस deflating का मतलब है कि जो प्राइसेस में चेंजेस आते हैं यानी कि इंडेक्स नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है इसके इफेक्ट को रिमूव कर देना इसके इफेक्ट को हटा देना उसे हम कहते हैं डिफ्लेटिंग या रियल वेजेस या रियल वैल्यू ओके फिर से एक बार समझ लें डिफ्लेटिंग का मतलब क्या है जो प्राइसेस में चेंजेस आते हैं अगर प्राइस बढ़ती है हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन अगर प्राइस कम होती है हम उसे कहते हैं डिफ्लेशन तो इस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव कर देना उसे हम क्या कहेंगे डिफ्लेटिंग रियल वैल्यू या रियल वेजेस ठीक है तो यहाँ पर जो ये दोनों सैलरी के फिगर्स हमें गिवन हैं 10000 एंड 12000 ये दोनों कंपैरिबल नहीं हैं ये दोनों कंपैरिबल क्यों नहीं हैं क्योंकि इस पॉइंट पे इंडेक्स नंबर की वैल्यू अलग है 2016 में जो इंडेक्स नंबर हमें दे रखा है ये क्या है 100 एंड 100 का मतलब हुआ दिस इज द बेस ये बेस है 2018 का जो इंडेक्स नंबर है 150 ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गई बाय 50 परसेंट तो अगर महंगाई बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी भी इंक्रीज होती है तो हमें ये देखना है क्या रियल टर्म्स में हमें फायदा हुआ है या नुकसान तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और वो फॉर्मूला क्या है चलिए लिखते हैं फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ रियल वैल्यू और वी कैन से रियल वेजेस और क्या कह सकते हैं रियल इनकम रियल सैलरी कोई भी टर्म लगाए आप रियल के साथ में उसे एड कर सकते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है तो लाइक अगर मान लीजिए वेजेस गिवन है तो हम न्यूमिरेटर में लिखेंगे वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर into हंड्रेड वेजेस upon प्राइस इंडेक्स नंबर into हंड्रेड तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आखिर होता क्या है तो जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इफेक्ट है वो हट जाता है रिमूव हो जाता है चलिए इसी को हम अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर 2016 में सैलरी टेन अपॉन इंडेक्स नंबर 100 इंटू हंड्रेड अपऑन इंडेक्स नंबर हंड्रेड इन टू हंड्रेड तो कितना आएगा बिल्कुल सेम आएगा टेन थाउजेंड सैलरी एंड रियल सैलरी बोथ आर सेम बोथ आर सेम इन केस ऑफ इन दर टू थाउजेंड सिक्सटीन तो ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज इट इज द बेस इत आती है टू थाउजेंड एटीन की टू थाउजेंड एटीन में हमारी वेजेस कितनी है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर इज वन एंड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो यहाँ पर देखा जाए रियल टर्म्स में हमारी कितनी? 8, अगर हमने महंगाई के इफेक्ट को हटा दिया ट्वेल्व थाउजेंड जो हमें मिल रहा है तो दैट इज इंक्लूडिंग द कॉम्पनसेशन फॉर इंफ्लेशन जो महंगाई बड़ी है उसका कॉम्पनसेशन उसमें इंक्लूडेड है शामिल है तो अगर हमने उसे रिमूव कर दिया तो हम कहां पर आ गए रियल टर्म्स में और रियल टर्म्स में हमारी सैलरी कितनी आ रही है एट थाउजेंड रुपीज तो पहले हमारी सैलरी थी टेन थाउजेंड और अभी हो तो रियल टर्म्स में हमारी सैलरी पहले से कम हो गई डिक्रीज हो गई है सो देर इज लॉस ऑफ रुपीज टू थाउजेंड दो हजार से हमारी सैलरी कम हो चुकी है सो देर इज लॉस ऑफ रुपीज 2000 तो हमें यहां पर डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना है कंपेरिजन ऑलवेज होगा इन रियल टर्म्स ओके चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं वेजेस एंड इंडेक्स नंबर वेजेस हमें दे रखी है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इन ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड फोर्टी थाउजेंड इन दर टू थाउजेंड एटीन इंडेक्स नंबर हमें दिया है वन हंड्रेड एंड वन ट्वेंटी फाइव अब यह बताना है वर्कर को गेन हुआ है या लॉस ओके okay? तो चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है टू कैलकुलेट रियल वेजेस तो 2015 में रियल वेजेस कितनी आएगी तो क्योंकि हमें पता है बेस ईयर है इंडेक्स नंबर 100 है तो वेजेस एंड रियल वेजेस बोथ विल बी सेम दोनों एकदम सेम रहेंगे यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज रुपए अब बात आती है टू की यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला वेजेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर वन टू हंड्रेड चलिए इसे सॉल्व करते हैं कितना आता है थर्टी टू थाउजेंड रुपीज थर्टी टू थाउजेंड तो पहले हमारी रियल वेजेस थी ट्वेंटी थाउजेंड और अभी है थर्टी टू थाउजेंड दैट मींस रियल वेजेस इंक्रीज हो गई है कितना इंक्रीज हुआ है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज का इंक्रीज हुआ है सो द वर्कर गेंस रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड ओके तो ऑलवेज हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइन चलिए तो इसे नोट कर लें फिर हम आते हैं हमारे सेट के क्वेश्चंस पे क्वेश्चन so नंबर 72। टू द फॉलोइंग मनी वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट द रियल वेजेस हर ईयर में हमें सिर्फ और सिर्फ रियल वेजेस बतानी है और कुछ भी नहीं तो वेजेस और इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है तो क्या करेंगे सबसे पहले इन द ईयर 2011 फाइंड आउट करना है रियल वेजेस सो वेजेस कितना है 65 अपॉन इंडेक्स नंबर 100 एंड आल्सो मल्टीप्लाई बाय 100। तो so 65। देन फॉर 2012। 12 में हमारा वेजेस कितना है 70 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर 110 मल्टीप्लाई बाय 100। थ्री so पॉइंट 64. Similarly, 2013 के लिए 75 upon 120 into 100 कितना जाएगा 62.5. And for the last year, 2014 बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे. Wages 80 divided by index number 130 into 100. तो इसे सॉल्व करने के बाद आता है 61.54 तो इस तरीके से हमें फाइंड करना था रियल वेजेस ओके क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2017 वाज 313 अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वन बाय वन हम उसे मार्क कर लेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2017 हजार का है 313 विद 2000 एज अ बेस ये हमारा बेस ईयर हो गया एवरेज मंथली वेजेस इन 2017 ऑफ द वर्कर्स दर्कर्स इज रुपीजी तो 2017 में वेजेस हमें दे रखी है फाइंड करना है रियल वेजेस फिर से वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है क्या करेंगे रियल वेजेस Equal to wages 160 upon price index number 313 and multiply by 100. Okay. So Belkoul our formula hai answer Iga 51.12. So this is the real wages. Option number B. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर पे हैं फोर में ड्यूरिंग द सर्टिन पीरियड सी एल आई सी एल आई का मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गिव्स फ्रॉम इंक्रीज हो रहा है सी एल आई से कहां तक फ्रॉम वन हंड्रेड टेन टू टू हंड्रेड पहले था वन वन जीरो और अभी कितना हो गया टू हंड्रेड एंड सैलरी ऑफ अ वर्कर ऑल्सो रेज फ्रॉम थ्री थर्टी टू फाइव हंड्रेड सैलरी भी हमारी इंक्रीज हो रही है देन रियल टर्म्स में रियल टर्म्स में हमें गेन हुआ है या लॉस ये बताना है तो ऑलवेज क्या करेंगे इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर पैटर्न में एक टेबल फॉर्म में उसे अरेंज कर लेंगे उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है कैसे करेंगे लाइक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सैलरी हमें गिवन है 330 हंड्रेड एंड थर्टी इन सेकंड ईयर, इंडेक्स नंबर 110 और फिर 200. अब फाइंड क्या करना है हमें रियल सैलरी रियल सैलरी कैसे फाइंड आउट करेंगे सैलरी अपॉन इंडेक्स नंबर इनटू टू हंड्रेड थ्री थर्टी अपॉन हंड्रेड एंड टेन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो ये फिगर आ गया थ्री हंड्रेड सिमिलरली सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में सैलरी इज फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर टू हंड्रेड एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो ये आता है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू फाइव जीरो तो रियल सैलरी पहले थी 300 और अभी हो गई 250 तो पहले से कम हो रही है रिड्यूस हो रही है सो देर इज अ लॉस लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है लॉस रुपीज फिफ्टी पचास रुपए का लॉस होगा सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ये ऑप्शन यहां पर हम टेक करेंगे ओके okay? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है जहाँ तक पॉसिबल हो गिवन इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से हम सेट करेंगे स्टार्टिंग में हमें ये सारी चीजें थोड़ी नोट डाउन करनी पड़ेगी बट जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी ये सारा काम हम ओली कर पाएंगे थोड़ा सा फास्ट इसे कर पाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव अब इस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में थोड़ा सा एक पॉइंट अलग है डिफरेंट है तो आप पहले इसे आराम से समझ लें उसके बाद में ही आपको पूरा नोट डाउन करना है ठीक है तो एक बार पूरे अच्छे तरीके से इसे समझ लेंगे विद द यू थाउजेंड टेन द सी एल आई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन टू थाउजेंड फिफ्टीन इज टू डेट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दी सी एल आई टू थाउजेंड फिफ्टीन में कितना है टू हंड्रेड एंड एक्स बोज गेटिंग अ मंथली सैलरी

क्या मेंटेन करना है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है उसे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है किसके जैसा रखना है 2010 के जैसा रखना है तो 2015 में अगर 10 के जैसा स्टैंडर्ड रखना है तो और कितना पैसा उसे मिलना चाहिए और कितना अमाउंट उसे मिलना चाहिए ताकि वो सेम स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है तो अब हम पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं सो so, ईयर 2010 एंड ईयर 2015 हमें गिवन है सैलरी 2010 की 500 एंड 2015 में 750 देन इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर 2010 थाउजेंड टेन इज दंड्रेड एंड टू थाउजेंड फिफ्टीन का 250 अब हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे रियल सैलरी तो रियल सैलरी कैसे आएगी सैलरी डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर इन टू तो यहां पर हमारी रियल सैलरी आ चुकी है 500 हंड्रेड ओके okay? यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है फिर से हम समझते हैं क्वेश्चन आखिर था क्या कि 2015, 2015 के अंदर हमें पैसा कितना मिल रहा है टू थाउजेंड टेन जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है तो 2015 में 2015 में और कितना पैसा हमें मिलना चाहिए ताकि हम उसी स्टैंडर्ड पे मेंटेन रहे तो अब हम यहां पर क्या करेंगे सेम स्टैंडर्ड का मतलब है जो रियल वेजेस जो रियल वेजेस हमें पहले मिल रही थी वही सेम रियल वेजेस हमें अब भी मिलनी चाहिए सेम स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ इतना ही है रियल वेजेस जो पहले मिल रही थी सेम अभी हमें मिलनी चाहिए तो अब हम क्या करेंगे जो पहले थी 500 उसको एज इट इज कैरी ऑन करेंगे और यहाँ पे भी हमें कितना मिलना चाहिए 500। तो यहां से हमने मेन चीज क्या फाइंड आउट की है रियल सैलरी ऑफ 2015 ये हमें पता लग चुकी है 2015 की real salary 2010 जैसी होनी चाहिए। तो ये हमने फिक्स कर दी 500। तो अब फाइंड आउट क्या करना है अगर रियल सैलरी 500 है तो एक्चुअल सैलरी ओरिजिनल सैलरी कितनी होनी चाहिए 2015 में तो देखें रियल सैलरी इक्वल्स टू सैलरी अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड रियल सैलरी हमारे पास कितनी है तो रियल सैलरी है फाइव हंड्रेड सैलरी मिलनी कितनी चाहिए ये हमें नहीं पता ये फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर 250 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से सैलरी कितनी आ जाएगी 1, 2, 5, तो सैलरी हमें मिलनी चाहिए थी 1250. बट हमें ओरिजिनली कितनी सैलरी मिली है हमें मिली है 750 फिफ्टी हमें ओरिजिनली मिली है 750. तो शॉर्टफॉल कितना है डेफिसिट कितना है इन दोनों का डिफरेंस दैट इज फाइव हंड्रेड रुपीज तो इतना पैसा एक्स को और मिलना चाहिए इतना पैसा एक्स को और मिल जाना चाहिए तभी वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा ओके okay? अब अगर इसमें कोई डाउट आता है तो हम इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आगे वाले जो दो तीन क्वेश्चन हैं वो आपसे आराम से सॉल्व हो जाए ओके okay, चलिए फिर से स्टार्टिंग से हम समझते हैं सॉरी तो क्वेश्चन ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी इन 2010 एंड 2015 दोनों की सैलरी गिवन है 500 एंड 750 दोनों का इंडेक्स नंबर गिवन है 100 एंड 250 तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा रियल वेजेस रियल सैलरी कैलकुलेट करना तो हमने रियल सैलरी कैलकुलेट की है 2010 में ंड्रेड फाइव हंड्रेड हमने रियल सैलरी कैलकुलेट कर ली अब क्योंकि सेम स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है तो इसलिए यही सैलरी यही रियल सैलरी होनी चाहिए इन टू थाउजेंड फिफ्टीन तो ये हमारा सबसे मेन स्टेप है तो फाइव हंड्रेड यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया अब जो सेवन फिफ्टी मिल रहा था वो कम है तो हमें ओरिजिनली कितना मिलना चाहिए पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया यूजिंग द फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करने से पता लगा सैलरी मिलनी चाहिए 1250, 1250 बट अभी तक कितना मिला है अभी तक मिला है 750, तो और कितना मिलना चाहिए और मिलना हंड्रेड रुपीज सो दिस इज द फाइनल आंसर एक्स शुड रिसीव फाइव हंड्रेड रुपीज मोर टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओके चलिए अब इसे नोट डाउन कर लेंगे अब 75 के बाद में बिल्कुल ऐसा ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 76. सिक्स इन टू थाउजेंड टेन द नेट इनकम ऑफ द इंप्लॉय वॉज रुपीज एट थाउजेंड तो टू थाउजेंड टेन की बात हो रही है इनकम कितनी है एट थाउजेंड रुपीज पर मंथ The consumer price index was 160 in 2010. 160 क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर इट राइज टू 200 हंड्रेड इन टू और अब ये इंडेक्स हो चुका है टू हंड्रेड इफ ही राइटली कॉम्पनसेटेड अब ये नया वर्ड क्या आ चुका है राइटली कॉम्पनसेटेड इसका मतलब भी क्या है सेम स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है पहले के जैसा द एडिशनल डीए डीए का मतलब क्या होता है डीएनएस अलाउेंस डीएनएस अलाउेंस हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। अगर इंक्रीज होती है महंगाई बढ़ती है तो उन्हें एक्स्ट्रा अलाउेंस मिलता है उसको हम कहते हैं डी ए तो अगर सेम स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है तो उसे एडिशनल डीए कितना मिलना चाहिए यह हमें बताना है तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं चलिए सबसे पहले हमारी जो तो इंफॉर्मेशन है वो है ईयर 2010 एंड 2014। फिर हम लिखेंगे इनकम एंड इंडेक्स नंबर इनकम थी हमारी 8000 और क्योंकि न्यू इनकम में कोई चेंज गिवन नहीं है तो अगेन 2014 में हमें मिल रहा है ₹8000 तो इनकम इन बोथ द इयर्स इज सेम दैट इज ₹8000 इंडेक्स नंबर पहले था 160 और अभी हो चुका है 200 तो इनकम गिवन है और इंडेक्स नंबर हमें दे रखा है अब फिर से पहला स्टेप क्या करेंगे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है रियल इनकम रियल इनकम सो 2010 की रियल इनकम कैसे आएगी 8000 डिवाइडेड बाय 160 इनटू 100, हंड्रेड दाइव 5000। ये है रियल इनकम फॉर द ईयर 2010। अब 14 के लिए कैसे होगा तो 14 के लिए जो 5000 हमारी रियल इनकम है तो सेम हमें कैरी करना है फॉर 2014। सेम हम कैरी कर रहे हैं 2014 के लिए तो so, 2014 में जो हमारी अर्निंग हो रही है 8000 ये क्या है कम है तो so, कितनी अर्निंग होनी चाहिए कितनी इनकम होनी चाहिए ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर से रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो रियल इनकम हमारी है, रुपीज. हमें करनी है और प्राइस इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर कितना है टू हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो यहां से हमारी इनकम कितनी आ जाएगी वन थाउजेंड कि उस पर्सन की इनकम होनी चाहिए रुपए उसे मिलने चाहिए लेकिन मिल कितना रहा है पर्सन रिसीविंग ओनली उसे मिल रहे हैं एट थाउजेंड तो कितना है टू थाउजेंड रुपीज तो ही मस्ट रिसीव टू थाउजेंड मोर दो हजार रुपए अगर उसे और पे कर दिए जाए तो फिर उसका राइटली कॉम्पनसेशन हो जाएगा सेम स्टैंडर्ड हो जाएगा ठीक है तो हमने एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो किया है कोई भी चेंज हमने नहीं किया ओके okay? तो first step क्या था फॉरवर्ड करना, करना और ओरिजिनल इनकम कितनी होनी चाहिए ये पता लगा लेना और फिर हम जो डिफरेंस आएगा उससे पता लग जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल जितना भी शॉर्टफॉल होगा उतना हम उसे पे कर देंगे राइट right? तो अब एक डाउट यहाँ पे आता है या एक क्वेश्चन अराइज ये होता है क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे हम थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकें तो बिल्कुल है तो ये आप नोट डाउन कर लें फिर हम समझते हैं इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है हम इसे डायरेक्टली कैसे कर पाएंगे ओके okay? सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में क्या करना है वो देखें। इंडेक्स नंबर अभी हमारा इंडेक्स नंबर 160 है। और इनकम इनकम कितनी हो रही है एट थाउजेंड रुपीज अब इंडेक्स नंबर इंक्रीज हो गया तो इनकम उसके अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए तो उस इनकम को हमने मान लिया एक्स ओके okay. अब हमें क्या करना है ये एक्स कैलकुलेट करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रपोर्शनेट मैथड जो मैथ्स में पढ़ते हैं रेशियो एंड तो उस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वन सिक्सटी एक्स इक्वल्स टू एट थाउजेंड इंटू टू हंड्रेड तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10000 रुपीस कि उस पर्सन की सैलरी कितनी होनी चाहिए 10000 रुपीस रुपए कि जब इंडेक्स नंबर 160 था तब तो मिल रहे थे 8000 तो अगर इंडेक्स नंबर 200 हो गया तो कितना मिलना चाहिए तो आंसर इज 10000 मिलना चाहिए 10 में से अभी कितना रिसीव हो रहा है 10 में से अभी रिसीव हो रहा है 8000 तो बैलेंस कितना बच गया शॉर्टफॉल कितना हो गया टू थाउजेंड ओके तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay? क्या इससे भी कोई शॉर्ट तरीका हो सकता है बिल्कुल है अब आता है हमारा थर्ड मेथड, जो इससे भी शॉर्ट है क्या करना है ये समझते हैं सबसे पहले हमें लॉजिकली सोचना ये है कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे क्यों कर रहे हैं किसके लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ चुका है हमारी महंगाई बढ़ रही है इसलिए हम वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं तो फाइन तो हमारा इंडेक्स नंबर कितना इंक्रीज हुआ पहले वन था अभी हो गया टू तो फोर्टी से इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ है 40 से हमारा इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ है तो जितना इंडेक्स नंबर इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है राइट तो जब इंडेक्स नंबर 160 है देन इनकम इज 8000. अब इंडेक्स जो 40 से बड़ा है उसके बदले हम कितना पेमेंट करेंगे इसको हमने मान लिया है एक्स अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सो 160x सिक्सटी इज इक्वल टू 40 इंटू ओके okay. तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा x इज इक्वल टू टू थाउजेंड तो इस बार हमारा आंसर डायरेक्ट आ चुका है हमें इसमें से कुछ भी लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो दो हजार रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए और वो राइटली कॉम्पेंसेट हो जाएगा उसका सेम स्टैंडर्ड मेंटेन होगा तो दिस इज द थर्ड मेथड तो हम सीधा इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं लेकिन पहले हमें हमेशा पूरा सॉल्यूशन समझना होता है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एक बार वो लॉजिक हमने कर लिया उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं ओके चलिए सारी ट्रिक्स आप नोट डाउन कर लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 77, दिस इज योर होमवर्क बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये 78 इज आल्सो होमवर्क देन 79। सेवेंटी नाइन एक थ्योरी क्वेश्चन है देखते हैं क्या पूछा गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ तो रियल वेजेस को जो फाइंड करने का तरीका है उस मेथड का नाम है वो क्या है दैट इज डिफ्लेटिंग ऑफ वेजेस ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज अब इसको समझने के लिए अब एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं इफ देर इज इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन का मतलब क्या है इंक्रीज इन प्राइसेस गुड्स की प्राइस इंक्रीज होना उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन तो अगर प्राइसेस इंक्रीज होगी तो प्राइस इंडेक्स नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर प्राइस बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है तो ऑफकोर्स इंडेक्स नंबर भी इंक्रीज होगा और जब इंडेक्स नंबर बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगी तो ऐसे केस में, ऐसे केस में डिमांड क्या होगी डिक्रीज होगी जो हमारी परचेजिंग पावर है हमारी कैपेसिटी है दैट विल डिक्लाइन प्राइस बढ़ने पर हमारी पर्चेजिंग पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है लाइक like, अगर हम ऐसा कहें हमारे पास हंड्रेड रुपीज अवेलेबल है एंड प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज ट्वेंटी फाइव पर के जी ट्वेंटी फाइव रुपीज पर के जी की प्राइस है तो हंड्रेड रुपीज में हम कितना राइस परचेस कर पाएंगे तो राइस की जो क्वांटिटी है हंड्रेड डिडेड बाई 25, फाइव दैट इज फोर के तो सौ रुपए में हंड्रेड रुपीज में हम फोर के जी राइस परचेज कर पाएंगे पचास रुपए अगर राइस की प्राइस फिफ्टी हो गई तो हम कितना परचेज कर पाएंगे ओनली टू के जी हंड्रेड रुपीज पहले भी थे और अभी है बट हंड्रेड रुपीज में पहले फोर के जी राइस आ रहे थे और अभी सिर्फ टू के जी दैट मींस हमारी जो मनी की वैल्यू है वो कम हो गई जो हमारी परचेज करने की पावर है वो क्या हो गई कम हो गई डिक्लाइन हो गई तो ऐसा कब होगा जब प्राइस बढ़ेगी प्राइस इंडेक्स नंबर इंक्रीज होगा ओके सो वेन प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस परचेजिंग पावर डिक्रीजेस तो दोनों में कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस इंडेक्स नंबर एंड परचेजिंग पावर ओके तो क्वेश्चन नंबर एटी का हम क्या आंसर कर सकते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ये उसका होता है ओके okay? तो अगर हमें परचेजिंग पावर कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये भी समझ लेते हैं परचेजिंग पावर तो अभी हमने पढ़ा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर सो वन डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर तो अगर हमें पावर निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे अपॉन इंडेक्स नंबर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स नंबर किसका लिखेंगे जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है जिसके साथ कंपैरिजन करना है उस ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे ओके फॉर एग्जांपल 2012 एंड 2013 2012 का इंडेक्स नंबर गिवन है 100 एंड 2013 का हमें गिवन है 125 ओके क्वेश्चन ने कहा फाइंड purchasing power for the year 2013, 2013 का हमें purchasing power निकालना है compared with 2012, 12 के साथ compare करके। तो पहले क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 1 वन अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा 13 का इंडेक्स नंबर हमें लिखना है डिनोमिनेटर में तो वन अपॉन 125, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कंपेयर करना है कंपेयर हो रहा है 2012 से तो 12 का इंडेक्स नंबर है 100 तो 1 अपॉन इंडेक्स नंबर इनटू कंपैरिजन वाला इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा 0.8 सो दिस इज द परचेसिंग पावर ओके अगर हमें परचेसिंग पावर मान लीजिए निकालना है 2012 के लिए 2012 के लिए तो क्या करेंगे वन अपॉन टू थाउजेंड ट्वेल्व का इंडेक्स नंबर लिखेंगे में। वो कितना है? हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव ओके तो जिससे कंपेयर करना है वो ऑलवेज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में रहेगा और जिसका परचेजिंग पावर हमें निकालना है वो ऑलवेज रहेगा डिनोमिनेटर में ओके सो दिस इज द पैटर्न फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेजिंग पावर फाइन चलिए अब बचाए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी वन एटी वन क्या कहना चाह रहे हैं देखें इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से टू थाउजेंड सेवेंटीन बी वन ट्वेंटी सेवेंटीन का इंडेक्स नंबर वन ट्वेंटी है एंड प्राइस इंडेक्स फॉर 2007 इज़ 90. 7 का इंडेक्स है 90. तो हमें क्या करना है परचेजिंग पावर कैलकुलेट करना है ऑफ़ 2007. 2007 का हमें परचेजिंग पावर फाइंड आउट करना है. सो परचेजिंग पावर ऑफ़ 2007. 1 डिवाइडेड बाय 7 का इंडेक्स नंबर कितना है 90. और जिसे कंपेयर करना है वो है वन ट्वेंटी सो वन ट्वेंटी अपॉन नाइनटी कितना आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री दिस इज दर्चे पावर सो यहां पर फिनिश होता है हमारा चैप्टर इंडेक्स नंबर तो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है आप लोग पूरा इसे पढ़ के आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसे पूरा शॉर्ट में गो थ्रू कर लेंगे पूरा चैप्टर की समरी है एक बार उसे डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद शुरू होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर ओके सो बाय बाय टेक केयर सी यू सोन